हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आकाश बाईजूस जेई चैनल आई एम अंशुल तोमर योर मैथमेटिक्स मेंटोर तो बच्चों आज हम लोग करने जा रहे हैं वन चैप्टर वन डे वाली सीरीज में हम लोग करने वाले हैं लिमिट्स इन वन शॉट और जैसा आपको पता है लिमिट्स एक ऐसा चैप्टर है जो कैलकुलस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके जेई मेन में और जेई एडवांस्ड में दोनों में एक अच्छी खासी वेटेज रखता है और लिमिट्स के जो कॉन्सेप्ट है ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ लिमिट्स में ही यूज uh, होते हैं वो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में और आगे fact, आगे इनफैक्ट कैलकुलस में काफी जगह पे लिमिट्स के यूज होते हैं सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हाई वेटेज आप ये मान सकते हो कि करीबन मार्क्स इसकी वेटेज है जेई मेन में एक से दो प्रॉब्लम हर सेशन में आपको लिमिट्स का या कॉन्टीन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का मिल जाता है और जेई एडवांस्ड में भी uh, इसमें करीबन अराउंड दो सवाल आपके uh, जेई एडवांस में भी आ जाते हैं तो एक काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ड्यूएबल uh, चैप्टर है ऐसा नहीं है कि इसके चैप्टर uh, इसके

ठीक है तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में आ गया कि दिस चैप्टर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत ही ध्यान से आपको लेक्चर सुनना है क्योंकि आई विल बी कवरिंग ऑल द बेसिक्स राइट फ्रॉम डेफिनेशन बेसिक्स राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ लिमिट्स और सातों की सातों इंटरमिनेट फॉर्म्स को सॉल्व करने का तरीका चाहे वो एल ऑपिटल रूल हो सीरीज हो या स्टैंडर्ड लिमिट्स के फॉर्मुलेज हो या फिर सैंडविच थियोरम का जो कॉन्सेप्ट होता है तो सारी बातें आज हम करने वाले हैं इस चैप्टर में ओके सो रेडी चलिए स्टार्ट करते हैं सो येस तो चलिए स्टार्ट करते हैं लिमिट्स इन वन शॉट Uh, आगे बढ़ने से पहले प्लीज डू लाइक द सेशन शेयर द सेशन एंड डू सब्सक्राइब टू आकाश बाईजूस जय चैनल क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वालिटी कॉन्टेंट आपके सामने आ, आ रहा है और दूसरी बात है कि आता रहता है और आगे भी आप देख सकते हो कि जब आगे फ्यूचर सेशन भी होंगे तो विल भी बहुत अच्छे अच्छे सेशन आपके लिए प्लान हो चुके हैं एंड यू विल बी गेटिंग ओवर द मतलब टॉप क्वालिटी कॉन्टेंट आपको मिलेगा जो जेई मेन एडवांस दोनों में आपको बहुत अच्छे से हेल्प करेगा ठीक है चलिए ओके तो स्टार्ट करते हैं लिमिट्स के बारे में तो लिमिट्स में सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की कि लिमिट्स का मतलब क्या होता है लिमिट्स की तो लिमिट्स की जरूरत हमें पड़ी क्यों तो का मतलब आप सभी जानते हैं कि लिमिट्स का मतलब होता है अप्रोचिंग वैल्यू कि अगर x सपोज करो किसी वैल्यू को अप्रोच कर रहा है तो y जिसको अप्रोच करेगा उसको बोलेंगे लिमिटिंग वैल्यू तो यहां पे अगर मैं नॉर्मली बोलूं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस थ्री एक फंक्शन है तो अगर मैं बोलता हूं एक्स जो है वो टू को टेंड कर रहा है अगर फॉर एग्जाम्पल तो हम बोलेंगे वाई जो है फाइव को टेंड कर रहा है तो एक्स टू को टेंड करने के दो मीनिंग होते हैं या तो टू से थोड़ा छोटा है वो भी 2 को टेंड करेगा, या फिर टू पॉइंट जीरो 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 वन वो भी टू को टेंड करेगा तो टू को टेंड करने के दो रास्ते हैं एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट right हैंड रास्ता है तो दोनों तरफ की मैं बात कर रहा हूं तो अगर एक्स आपका टू को टेंड करता है चाहे लेफ्ट से करे या राइट से करे तो आपका वाई जो होगा फाइव को टेंड करेगा अगर एक्स टू से थोड़ा छोटा है 1.999 है तो आपका वाई हो जाएगा 4.999, यानी फाइव को टेंड करेगा लेफ्ट साइड से और अगर आपका एक्स टू को अप्रोच कर रहा राइट साइड से यानी x की वैल्यू अप्रोक्सिमेटली टू पॉइंट है तो y की वैल्यू भी 5.0001 होगी यानी टेंडिंग वैल्यू जो होगी 5 होगी और वो भी राइट हैंड साइड से तो इसका ये मीनिंग होता है लेकिन यहां पे इसकी जरूरत क्यों पड़ी बच्चे पूछते हैं कि सर यहां पे जरूरत क्यों पड़ी मतलब x प्लस थ्री है हम नॉर्मली एक काम करते हैं x को 2 डालते हैं वाई फाइव आ जाएगा और ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है टू के आसपास कुछ वैल्यू डालेंगे अगर तो वाई की वैल्यू भी फाइव के आसपास आ जाएगी बट उसकी नीड क्या है तो उसकी नीड बेटा ये है कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन आ गया एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री मान लो ये फंक्शन है तो आप देख सकते हो यहां पे थ्री की वैल्यू नॉट डिफाइंड है थ्री पे नॉट डिफाइंड है डोमेन में थ्री नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता क्योंकि वाई की वैल्यू हो जाएगी जीरो अपॉन जीरो और मैथ्स में अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी चीज एक्जेक्ट जीरो हो जाती है एक्जेक्ट जीरो तो डेट मीनस वो नॉट डिफाइंड हो जाता है और में भी जीरो बन रहा है तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है

जैसे इसको फैक्टराइज़ किया अभी काटना नहीं है ठीक है ना जैसे फैक्टराइज़ किया उन्होंने बोला चलो एक्स की वैल्यू थ्री नहीं डालते क्योंकि 3 में तो क्या होगा ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो नॉट डिफाइंड करार हो गया बट अगर मैं एक्स को डालता हूं थ्री पॉइंट बहुत सारी जीरो हल्का तो सा बड़ा नंबर अगर एक्स को थ्री पॉइंट जीरो जीरो वन डालेंगे तो एक्स माइनस थ्री बन जाएगा कोई पॉइंट जीरो बन जाएगा पॉइंट जीरो 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 वन और दो नॉन जीरो नंबर को हम काट सकते हैं तो अगर मैं बोलू यहां पर एक्स अगर थ्री को टेंड कर रहा है से से राइट हैंड साइड है तो ये फंक्शन में ये दोनों हो जाएंगे और बचेगा एक्स प्लस थ्री और एक्स को जब थ्री पॉइंट जीरो जीरो वन डालोगे तो इसकी वैल्यू 6.0001 आएगी यानी y की वैल्यू 6 को टेंड करेगी तो यहां फायदा हुआ कि अच्छा ऐसा गड़बड़ हो सकती है कि अगर कोई पॉइंट पर आपका फंक्शन नॉट डिफाइंड होता है अपॉन बन रहा है, तो उसके नेबरहुड की वैल्यूज हम स्टडी कर सकते हैं एनालाइज कर है, राइट right साइड से, तो right से अगर थ्री को अप्रोच करेगा लेफ्ट से टू पॉइंट नाइन 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 वाई की वैल्यू भी आ जाएगी फाइव पॉइंट नाइन 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 टेंडिंग वैल्यू सिक्स होगी ऑब्वियसली तो टेंडिंग वैल्यू तो के दो मीनिंग होते हैं फोर पॉइंट नाइन 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 भी 5 को टेंड कर रहा है 3, y 6. Exactly 3 पे नहीं हुआ, लेकिन जैसी एक्स को हमने थ्री को टेंड करवाया वाई की जो वैल्यू है वो सिक्स को टेंड करेगी दोनों तरफ से अगर एक्स राइट हैंड साइड से अप्रोच कर रहा है तो वाई भी कर रहा है एक्स लेफ्ट से कर रहा है तो वाई भी कर रहा है ठीक है तो लिमिट्स का यहां पे इन्वेंशन हुआ और हमें पता चला कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस में जनरली हम लोग लिमिट्स का मतलब आसपास नेबरहुड का बिहेवियर को हम लोग एनालाइज करते हैं स्टडी करते हैं और लिमिट्स के लिए हम लोग वी आर कंसर्न अबाउट कंसर्ड नेबरहुड अगर मुझे कोई लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है मुझे फर्क नहीं पड़ता एक्स इक्वल टू थ्री पे फंक्शन डिफाइंड है कि नहीं है क्योंकि आई एम टॉकिंग अबाउट लिमिट्स आई एम टॉकिंग अबाउट नेबरहुड तो मुझे फर्क पड़ता है कि फंक्शन फंशक्शक्स ग्रेटर देन थ्री में और लेस देन थ्री में डिफाइंड हो मतलब नेबरहुड में डिफाइंड होना चाहिए

तो दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हैं कि यस थ्री पे वैल्यू सिक्स को टेंड कर रही है अब बोलेंगे सर अगर थ्री प्लस पे कुछ और टेंड कर रहा होता थ्री माइनस पे कुछ और टेंड कर रहा होता तो तो फिर हम बोलते लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट अगर आपका एल एच एल और आर एच एल लेफ्ट लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर बराबर नहीं होती है तो हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो लिमिट को एग्जिस्ट कराने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों का बराबर होना जरूरी है दोनों का फाइनाइट होना जो है वो जरूरी है ठीक है तो यह होना जरूरी है ध्यान रखना अगर ये दोनों हो गए तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी ठीक है बच्चों तो इस सब बातों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना तो आप देख सकते हो ए माइनस का मतलब होता है जब आपका फंक्शन ए से थोड़ा छोटा हो और ए प्लस का मतलब होता है जब फंक्शन ए से थोड़ा सा बड़ा हो ठीक है तो यहां पे हम लोग लिमिट्स की इस तरीके से बात करते हैं अब मैं आपको ना कुछ एग्जाम्पल्स करवाता हूं और जब एग्जाम्पल्स करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा एल एच एल और आरएचएल हमें कैसे चेक करनी है ठीक है और उनकी वैल्यूज बराबर आ रही है तो तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये बात मैं फिर बोल रहा हूं ये बात कि लिमिट एग्जिस्ट कराने के लिए एल एच एल और आर एच एल चेक करना है एफ ऑफ ए पर मुझे चेक नहीं करना अगर मुझे ए पे लिमिट चेक करनी है तो मैं एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन डिफाइंड है नहीं है मुझे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बस मुझे ये पता होना चाहिए कि एक्स ग्रेटर देन ए और लेस देन ए में फंक्शन डिफाइंड है और मुझे आई एम आई एम ओनली कंसर्न अबाउट द नेबरहुड एक्स इक्वल टू ए के राइट right, right बाजू और लेफ्ट बाजू neighborhood, right neighborhood. में आई एम मेंसर्न लेफ्ट नेबरहुड राइट नेबरहुड सेट उसमें मैं चेक करना चाहता हूं एक्स इक्वल टू ए डिफाइंड ना हो फंक्शन फ मैटर एट ऑल लिमिट्स इज ऑल अबाउट द नेबरहुड ठीक है ना दोनों तरफ के नेबरहुड डिफाइंड होने चाहिए और अगर दोनों बराबर भी लिमिट्स हैं तो एग्जिस्ट करेगी बराबर नहीं आ रही है तो एग्जिस्ट नहीं करेंगी ठीक है चलो कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं जैसे पहला क्वेश्चन लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन अंडर रूट वन माइनस कॉस टू आइस ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन तो ठीक है सॉल्व करते हैं इसको आप ऐसे क्वेश्चन में एक्स माइनस वन को टी भी ले सकते हो ठीक है ना तो एक्स माइनस वन को अगर हम टी भी ले लेते हैं तो नहीं भी लोगे तो भी सही होगा नहीं तो अगर ले भी लोगे तो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है है बेटा तो ये बन जाएगा अंडर रूट सिर्फ समझाने के लिए बस मैंने आपको ऐसे किया लोग टू साइन स्क्वायर थीटा उसका रूट क्या होगा बहुत बच्चे लिखते हैं सर रूट टू साइन थीटा पर रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो मोड बाहर आता है ये बात हमेशा ध्यान रखना और मुझे पता है बहुत बच्चों को अच्छे से पता भी होगा कि हाँ सर ये रूट टू मोड साइन टी है अपॉन अब आपको पता है mod की दो वैल्यूज होती हैं और t भी 0 को टेंड कर रहा है तो जीरो प्लस पे मुझे चेक करना पड़ेगा माइनस पे क्योंकि अगर मोड आ गया अगर mod आ गया और मोड का रूट जो है जो उसका क्रिटिकल पॉइंट है वो जीरो पे ही है और जीरो पे लिमिट टेंड कर रही है तो आपको जीरो प्लस और जीरो माइनस चेक करना पड़ेगा इट्स लाइक दिस एक ऐसी छोटा सा एग्जांपल लास्ट में एक्सटेंडिंग टू जीरो के चलो एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस वैल्यू एक्स होगी और जीरो माइनस पेल्यू माइनस एक्स होगी वो अलग बात है आंसर दोनों ही zero आएंगे limit exist करेगी लेकिन स्टिल आप देख सकते हो कि जब भी मोड आता है और उसका क्रिटिकल पॉइंट जीरो लिमिट भी उसी को अटेंड कर रही है तो यू हैव टू ब्रेक द मोड आपको ब्रेक करना पड़ेगा तो यहां पे दो लिमिट्स ब्रेक हो जाएंगी बेटा जीरो प्लस पे जैसे टी जीरो से बड़ा होगा तो मोड साइन टी बन जाएगा प्लस साइन टी और हमें पता है है थीटा थीटा की लिमिट वन को टेंड करती है, तो फाइनल वैल्यू भी रूट टू को टेंड करेगी तो राइट हैंड लिमिट आ गई रूट टू और अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं बच्चों अगर मैं लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करता हूं तो जब टी नेगेटिव होगा तो साइन टी भी नेगेटिव हो जाएगा मतलब मोड की वैल्यू नेगेटिव में आएगी और अपॉन टी साइन टी बाई टी स्टिल वन को टेंड करेगा तो इसका आंसर माइनस रूट टू को टेंड करेगा तो राइट हैंड लिमिट आ गई रूट टू और लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई माइनस रूट टू हें लिमिट है बच्चों तो लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज ऑफ एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल तो यहां पे प्रॉब्लम कहां पे हुई मतलब यहां पे कैसे पता चला सर आपने एल एच एल आरएचएल चेक करना तो जनरली बेटा जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के सवाल आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट के सवाल आते हैं मॉडल के सवाल आते हैं तो इनमें हम लोग जनरली लेफ्ट हैंड और राइट right हैंड दोनों चेक करते हैं क्योंकि ये अपना साइन और अपनी वैल्यूज बदलते हैं ठीक है कैसे अगर मैं बोलू लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ग्रेटेस्ट इंटेजर ऑफ एक्स तो मुझे पता है कि जीरो प्लस पे ग्रेटेस्ट इंटेजर की जो वैल्यू होगी जीरो प्लस मतलब जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन का जो जी होगा वो एक्जैक्टली exactly जीरो है तो लिमिट इसकी जीरो आएगी बल्कि वैल्यू ही जीरो आ जाएगी एक्जेक्टली exactly. लेकिन जैसे ही आप जीरो माइनस करोगे तो नेगेटिव फ्रैक्शन की ग्रेटेस्ट इंटेजर माइनस होता है तो लिमिट एक्जिस्ट नहीं करेगी तो जब भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर नजर आता है या मॉड नजर आया आपको यू द फंक्शन लिमिट वन आएगी जीरो माइनस पर माइनस साइन एक्स बायस वन आएगी तो लिमिट एग्जिस्ट तो नहीं करेगी या फ्रैक्शनल पार्ट अगर आ जाए तो फॉर एग्जाम्पल अगर फ्रैक्शनल पार्ट आ जाता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स तो यहां पर जब आप जीरो प्लस करोगे तो जीरो प्लस पे फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू एक्स होती है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो आ जाएगी और जैसे ही आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस करोगे तो ने लेफ्ट साइड में फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ होता है एक्स माइनस वन तो जब एक्स को जीरो टेंड करवाओगे तो वैल्यू माइनस वन को टेंड करेगी लिमिट एग्जिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा कि जब आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट या मॉडल जैसे फंक्शन लिमिट्स में होते हैं तो वी टेंड टू ब्रेक द फंक्शन तो हमें एल एच एल आर एच एल जनरली यहां पर ध्यान रखना पड़ता है हां अगर आपके फंक्शन लेट्स से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं पोलिनोम फंक्शन है जहां है फंक्शन में कुछ ब्रेकेज नहीं होने वाली है कोई लेफ्ट हैंड राइट हैंड में वहां पे हम चेक करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं समझते लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो जहां पे मॉड फ्रैक्शनल पार्ट ये सब फंक्शन है वहां पर पता है कि यार दोनों तरफ फंक्शन अलग अलग वैल्यूज ले सकता है या चेंज कर सकते हैं अपना फंक्शन लेकिन जो नॉर्मल पोलिनोम फंक्शन हैं जो कंटिनियस डिफ्रेंशियबल फंक्शन हैं उनमें तो हम लोग जनरली एल एच चेक नहीं करते नॉर्मली सॉल्व कर देते हैं ठीक है चलो और देखते हैं तो limit to 4, fx value fx x फोर नहीं है और फोर पे वैल्यू अच्छा अगर मुझे लिमिट चाहिए फोर पे आई एम एक्चुअली नॉट कंसर्न अबाउट x इक्वल टू फोर मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू फोर टेंडिंग टू फोर मतलब या तो फोर से बड़ा या फोर से छोटा फोर नहीं होना चाहिए तो का बस पे है 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 नहीं है, defined है, नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है बेटा ठीक है वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द नेबरहुड फोर प्लस फोर माइनस में कंसर्न मैं अब मॉड लगा हुआ है तो हमारा लॉजिक कहता है कि फोर प्लस पे सर आप अलग से सॉल्व कर लो ठीक है और फोर माइनस पे आप अलग से सॉल्व कर लो रहे माइनस ऑफ एक्स माइनस फोर हो जाएगा आई थिंक दिस इज क्लियर टू प्लस में अच्छा कई बार बच्चे पूछते हैं सर आप काट कैसे रहे हो एक्स माइनस फोर आप तो मना करते हो फोर नहीं काट सकते बेटा फोर एक्स फोर से थोड़ा सा बड़ा है फोर पॉइंट जीरो 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 वन है तो ऊपर वाली वैल्यू जो हो जाएगी पॉइंट जीरो जीरो वन आएगी नीचे वाली भी वैल्यू पॉइंट जीरो जीरो वन आएगी तो नॉन जीरो नंबर्स आ रहे हैं ऊपर अब हम एग्जैक्ट फोर पे वैल्यू नहीं निकाल रहे हैं अब मैं फोर टेंडिंग टू फोर पे निकाल रहा हूं तो फोर है नहीं वो वैल्यू फोर के थोड़े से आगे है हल्की सी तो ये दोनों तो और दो नॉन जीरो माइनस वन आएगा तो यस दिस लिमिट ऑल्सो डज नॉट एक्सिस्ट तो जैसे मैंने बोला ग्रेटेस्ट इंटीजर आ जाए फ्रैक्शनल पार्ट आ जाए मॉड आ जाए यू हैव टू ब्रेक द लिमिट्स है ना मॉड में अगर वो क्रिटिकल पॉइंट वही पे पे चेक कर रहा है, पे नहीं चेक कर रहा पे चेक कर रहा मान लो तो तो नहीं थ्री प्लस हो या थ्री माइनस हो एक्स माइनस फोर की वैल्यू तो कितनी रहेगी बेटा फोर माइनस एक्स ही, ही रहेगी क्योंकि जब एक्स फोर से छोटा होता है तो फोर माइनस एक्स होता है ग्राफ तो एक्स प्लस हो या थ्री माइनस हो मुझे यहां ब्रेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्यों नहीं रिक्वायरमेंट क्योंकि x माइनस फोर का जो मॉड है वो थ्री पे कंटिन्यूस और डिफ्रेंशिएबल फंक्शन है तो मुझे कुछ ज्यादा ब्रेक करने की जरूरत नहीं है मैं सीधा थ्री डालूंगा एलएचएल आरएचएल की जरूरत ही नहीं है मुझे थ्री माइनस फोर का मॉड वन और नीचे आएगा माइनस वन सीधा माइनस वन आंसर आ जाएगा इसका दैट्स इट बस लिमिट एग्जिस्ट करेगी और माइनस वन आंसर आ जाएगा है ना तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप मॉड को ब्रेक कर रहे हो या ग्रेटर सेंडिजर को ब्रेक कर रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा कि यार ये उस फंक्शन उस पॉइंट के अबाउट चेंज हो भी रहा है कि नहीं हो रहा अब मुझे एक बात बताओ बेटा लिमिट एक्सटेंडिंग टू हाफ ग्रेटर ऑफ एक्स अब हाफ प्लस हो या हाफ माइनस हो मतलब पॉइंट फाइव से थोड़ी बड़ी वैल्यू हो या पॉइंट फाइव से थोड़ी छोटी वैल्यू हो स्टिल वो है तो पॉजिटिव फ्रैक्शन ही तो जो मर्जी डाल लो आंसर तो जीरो ही आएगा तो आप चाहे आप ब्रेक करके देख लो पर ब्रेक करने से फायदा होगा नहीं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा इंटीजर्स पे ब्रेक होता है तो अगर लिमिट को इंटीजर को टेंड कर रही होती तो मैं एल एच एल आर एच एल में इंटरेस्टेड होता ऐसे यहां पे x माइनस फोर का मॉड है तो अगर फोर पे लिमिट टेंड कर रही है तो आई एम इंटरेस्टेड कि यार फोर प्लस पे कुछ और आएगा फोर माइनस पे कुछ और आएगा बट क्योंकि अगर मेरा वो क्रिटिकल पॉइंट है नहीं जहां पे वो ग्राफ अपनी वैल्यू या अपना फंक्शन चेंज करता है तो मुझे एलएचएल आर एच एल अलग अलग निकालने की जरूरत ही नहीं है सीधा डालो और आंसर आ गया हाफ डाला हाफ का आंसर कितना आ गया ग्रेटेट इंडिजर जीरो आ गया ठीक है तो ये सब बातें दिमाग में रखना क्योंकि ग्रेटेस्ट इंडिजर फ्रैक्शनल पार्ट और मॉड के जो सवाल होते हैं जेई मेन एडवांस्ड में काफी ज्यादा फेवरेट होते हैं जेई मेन बनाने वालों के बहुत फेवरेट होते हैं मतलब वो बच्चों को सबसे ज्यादा उलझाते हैं इन्हीं तरह के सवालों में ठीक है ओके आगे चलते हैं तो इसका आंसर भी डज नॉट एग्जिस्ट ओके चलो <laughs> अगला सवाल क्या कहते हैं अच्छा इसमें मॉड भी आ गया और इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ गया फॉर ईच एक्स लेट बॉक्स ऑफ एक्स बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स आपको बतानी है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस चलो ये एक चीज अच्छी हुई कि एक तरफा लिमिट पूछिए जीरो माइनस पे वैल्यू पूछिए और एक बड़ा सा एक्सप्रेशन है तो मैं लिख देता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस एक्स के साथ आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स इसके साथ आ गया साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स अपॉन मॉड एक्स अच्छा जीरो माइनस पे यानी नेगेटिव फ्रैक्शन जब होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होगी माइनस वन और मॉड एक्स की वैल्यू होगी माइनस एक्स तो पहले वो डाल दें फिर बची हुई लिमिट सॉल्व कर लेते हैं हमेशा यही करना बेटा पहले आप ग्रेटेस्ट इंटीजर की जो वैल्यू है उसको डाल दो मॉड के जो साइन आ रहा है प्लस एक्स या माइनस एक्स वो डाल दो जो बची हुई लिमिट है फिर उसको सॉल्व कर लेंगे ठीक है चलो जी डालते हैं अच्छा एक्स का हमें कुछ नहीं करना है जो नॉर्मल एक्स है वो नॉर्मल एक्स रहेगा हमें वैल्यू डालनी है किसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हो जाएगा माइनस वन मॉड हो जाएगा माइनस एक्स साइन के अंदर भी हो जाएगा माइनस वन और नीचे हो जाएगा माइनस एक्स एक्स जीरो को टेंड कर रहा है लेफ्ट हैंड साइड से और जब भी लिमिटिंग होती है ऊपर नीचे सेम वैल्यू उसको काट सकते हो वही रीजन क्योंकि एक्स जीरो नहीं है एक्स इज नॉट जीरो एक्सिस टेंडिंग टू जीरो से थोड़ा छोटा है माइनस जीरो है, तो इसलिए वो, वो नॉन है. है? और यहां पर आपका साइन ऑफ माइनस वन आ जाएगा तो एक्स तो को जीरो डालोगे तो ये वाली लिमिट वन को टेंड करेगी इंटू साइन वन लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ साइन

राइट right आंसर समझ में आ रहा है सभी बच्चों को इज एवरीथिंग क्लियर अच्छे से सारी बातें बताऊंगा पूरा लिमिट्स अच्छे से बताऊंगा आपको बेटा ठीक है कि लिमिट्स का मतलब क्या है लिमिट्स की इन्वेंशन क्यों हुई एच एल एच एल का क्या रेलिवेंस है लिमिट्स लिमिट किन बातों पे ध्यान रखते हैं वी आर नॉट कंसर्न अबाउट जिस पॉइंट पे हम लिमिट निकाल रहे निवल टू ए पे फंक्शन क्या चल रहा है मुझे मतलब नहीं मुझे ए प्लस और ए माइनस से मतलब है दोनों बराबर है तो वेल एंड गुड बराबर नहीं है तो लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट और मॉड के सवाल में साइन ध्यान रखना ग्रेटेस्ट इंडिजर ऑफ फ्रेक्शन पार्ट में वो फंक्शन वो वैल्यूज ध्यान रखना तो अगर वो किसी ऐसी वैल्यू पे ब्रेक हो रहे हैं जहां पे वो साइन चेंज करता है या वैल्यू चेंज करता है वहां पे हम ज्यादा इंटरेस्टेड है एल एचल एच निकालने में पर कोई ऐसा पॉइंट है जहां पे लिमिट निकालनी है और फंक्शन कंटिन्यूस है डिफरेंशियबल है तो वहां पर एल एल निकालने का कोई मतलब नहीं है निकाल सकते है, हो वो टाइम वेस्ट होगा है ना अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू साइन एक्स यार मुझे पता है साइन एक्स पाई बाई टू के पाई बाई टू पे या पाई बाई टू के आजू बाजू में कंटिन्यूस डिफरेंशियबल फंक्शन है कोई मोड नहीं है कोई जी नहीं है तो मैं क्या करूंगा पाई बाई टू प्लस और पाई बाई टू माइनस करके वैल्यू तो वन को अटेंड करने वाली है ना अल्टीमेटली तो इसका आंसर वन सीधा पाई बाई टू डाल दो तो मत सोचो कि पाई बाई टू प्लस पे क्या होगा अरे सर पाई बाई टू प्लस पे तो वैल्यू पॉइंट नाइन 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 होगी वन से थोड़ी सी छोटी होगी वन को टेंड करेगी पाई बाई टू माइनस पे भी वन को अटेंड करेगी ठीक है हमने सीधे डाल दिया वन को अटेंड कर लिया वाई वी आर कंसर्न अबाउट एल एच एल आ रहा है चल अलग अलग देखने की जरूरत ही क्या हमें मालूम है कि यार वन ही आएगी जब फंक्शन कंटिन्यूअस चल रहा है लगातार डिफरेंशियबल है कोई टेंशन नहीं है ठीक है ओके चलो आई थिंक

फंक्शन क्या है फंक्शन एक एफ इज अ फंक्शन और फंक्शन की दो प्रॉपर्टीज हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो मॉड एच अगर ये एग्जिस्ट करेगी लिमिट और फाइनाइट होगी तो तो फंक्शन की प्रॉपर्टी वन होल्ड करेगी और अगर प्रॉपर्टी टू कहती है एफ एच माइनस एफ जीरो अपॉन एच स्क्वायर अगर एग्जिस्ट करेगी लिमिट और फाइनाइट होगी तो फिर आपकी प्रॉपर्टी टू होल्ड करेगी तो आपको यह बताना है कि ये जो फंक्शंस दे रखे हैं आपको अलग अलग ये कौन सी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं होल्ड करते हैं चलो ठीक है लेट्स डू वन बाई वन ठीक है जे एडवांस का सवाल है दिस इज प्रॉब्लम ऑफ जहां तक मैं गलत नहीं हूं इट्स क्वेश्चन ऑफ जे एडवांस 2019 अब देख लो जे एडवांस वाले से सवाल दे रहे हैं करते हैं पानी पानी कर देंगे सवाल को साइन एक्स की दो सेकंड प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं साइन एक्स ओके okay. तो लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो साइन एच ये लगाना है मैं फॉर्मूला कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए तो करेगा नहीं तो नहीं करेगा ठीक है तो साइन एच माइनस एफ जीरो साइन जीरो गड़बड़ हो गई साइन एच बाई एच तो अलग हो जाएगा और वन बाई एच अलग हो जाएगा तो ये जो वैल्यू आएगी ये वन आएगी इसका मतलब जो आपका फाइनली जो लिमिट बचेगा वो बचेगा वन बाई एच फॉर श्योर sure, तुम या जीरो प्लस डालो या जीरो माइनस डालो वैल्यू तो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो लिमिट आपकी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि दोनों तरफ की लिमिट अलग अलग आएगी जब आप लिमिट जीरो प्लस डालोगे तो वन बाय जीरो प्लस विल टेंड टू इनफाइनाइट और जब आप जीरो माइनस डालोगे तो नीचे आएगा नेगेटिव फ्रैक्शन नेगेटिव फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल माइनस इन्फिनिटी तो लिमिट तो वैसे ही एग्जिस्ट नहीं कर रही ऊपर से फाइनाइट वैल्यू भी नहीं आ रही है

कि अच्छा जब लिमिट x जीरो को टेंड करती है तो वन अपॉन एक्स एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ है तो जीरो प्लस पे वो प्लस इंफिनिटी को टेंड करता है और जीरो माइनस पे वो माइनस इंफिनिटी को टेंड करता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है और फाइनाइट भी नहीं होती है ठीक है चलो तो ए इज रॉन्ग अब आते हैं बी पे अच्छा एक्स की पार्ट टू बाई थ्री प्रॉपर्टी वन को होल्ड करता है ओके चलिए देखते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो तो ये हो जाएगा आपका एक्स की पावर टू बाई थ्री जीरो पे तो जीरो ही होगा और नीचे आ जाएगा मॉड एच की पावर एच ले लेते हैं इसको ये हो जाएगा आपका मॉड एच की पावर वन बाई टू है। ये ना एक काम करते हैं एच की पावर टू बाई थ्री क्या है एच स्क्वायर का क्यूब रूट है एच स्क्वायर को मैं मॉड एच का स्क्वायर भी लिख सकता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं इसलिए कर रहा हूं मॉड क्योंकि नीचे ऊपर फिर मॉड मॉड ही आ जाएगा तो मॉड की एच की पावर टू बाई थ्री हो गया और नीचे भी मॉड एच की पावर वन बाई टू हो गया तो क्या बचेगा जरा बताना टू बाई थ्री में अगर वन बाई टू गया तो मेरे ख्याल से बचेगा फाइव बाई बार तो जीरो की पावर जीरो को टेंड कर रहा है उसकी पावर फाइव बाई सिक्स विल टेन टू जीरो मतलब एग्जिस्ट भी करती है लिमिट और फाइनाइट भी आ जाएगी तो दिस इज द राइट ऑप्शन अब अगर आप बोलोगे सर मॉड की वैल्यू थी तो आपने प्लस और माइनस लेना चाहिए था ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है जीरो प्लस लोगे तो भी जीरो की पावर फाइव पॉइंट सिक्स आएगा या जीरो से थोड़ा छोटा लोगे तो भी उसकी पावर फाइव बाई सिक्स आएगा कोई भी कोई फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू आपकी फाइव बाई सिक्स आ रही है जीरो मतलब जीरो की वैल्यू टेंडिंग टू जीरो की वैल्यू फाइव बाई सिक्स आ रही है तो वैल्यू जीरो को टेंड करेगी चाहे तुम जीरो प्लस करो या जीरो माइनस कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप बोलोगे सर आपने बोला मॉड एच है तो हम प्लस माइनस में करेंगे कर लो कोई टेंशन वाली बात नहीं बेटा अगर आप जीरो प्लस पे करोगे तो एच की पावर फाइव बाई स्स तो भी जीरो ही आएगा और अगर आप जीरो माइनस पे करोगे तो माइनस एच की पावर फाइव बाई स तो किसी फ्रैक्शन की पावर मतलब बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है पॉइंट जीरो जीरो की पावर फाइव बाई सो को ही टेंड करेगा तो बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होगी कोई टेंशन नहीं है इसमें ठीक है लेट्स मूव टू सी पार्ट मॉड एक्स की कह रहा है प्रॉपर्टी वन है अच्छा चलो देखते हैं तो मॉड एक्स हो गया मतलब एफ एच हो गया मोड एच एफ जीरो तो जीरो ही हो गया और नीचे हो गया रूट ऑफ मॉड एच तो आपस में कट जाएंगे बेटा क्योंकि नहीं नहीं है, tending to zero है। तो tending में आप ऊपर से cancel out कर सकते अब तुम जीरो प्लस डालो या जीरो माइनस डालो मॉड लगा हुआ है तो उसकी पावर हाफ जैसे पिछला सवाल था बी ऑप्शन था इसका आंसर जीरो ही आएगा सिंपल एस डेट ठीक है आई थिंक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों और लास्ट ऑप्शन x एक्स x की प्रॉपर्टी टू है चलो जी x मॉड x हो जाएगा h मॉड h अपॉन एच स्क्वायर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होगी चलो चेक कर लेते हैं ऊपर नीचे आराम से काट सकते हैं कोई टेंशन नहीं है क्योंकि एक्स टेंडिंग टू जीरो है अगर एक्जेक्टली जीरो होता तो नहीं काट सकते डोमेन में नहीं होगा फिर तो पर जीरो को टेंड कर रहा है तो आप ऊपर नीचे नॉन जीरो नंबर्स को काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना बार बार बोल रहा हूं ये बात ध्यान रखना तो ये हो जाएगा मॉड एच बाई एच अरे ये क्या हो गया

अगर हम जेई एडवांस लेवल के हिसाब से बात करें क्योंकि जो चारों के चारों जो फंक्शन थे इसमें बहुत मुश्किल नहीं था लेकिन स्टिल जो बच्चे थोड़ा कॉन्सेप्चुअली वीक है या जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है आई थिंक धीरे धीरे क्वेश्चंस करके आपको समझ में आ रहा होगा बेटा कि हाँ मॉड के सवालों में हमें ब्रेक करना होता है ग्रेट इंजेंडर के सवालों में ब्रेक करना होता है और किस तरह से क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं मॉड आएगा तो जीरो प्लस जीरो माइनस कर लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है ना तो पहले वाले में बिल्कुल एग्जिस्ट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो पहले वाला तो गलत हो गया क्योंकि वन अपॉन एक्स बच गया वो वैसे भी इनफाइनाइट की तरफ ही जाएगा आखिरी वाले में देख लिया आपने कि वन और माइनस वन आ रहा है तो दोनों सिंपल ऑप्शन थे अब ये दोनों काम कर रहे हैं मॉडेक्स कटने के बाद रूट मॉडेक्स बचाया तो वो तो जीरो को ही टेंड करेगा और यहां पे रूट की पार फाइव बाई सिक्स बचा था तो वो भी जीरो को ही टेंड करेगा ठीक है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट आएगी तो दैट्स वाई बी एंड सी आर द राइट ऑप्शन ओके okay, बच्चों तो आई थिंक यहां तक सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया है कि लिमिट्स क्या होती है एल एच एल आर एच एल का मतलब क्या है नेबरहुड में डिफाइन होना चाहिए फंक्शन हम उसके लिए कंसर्न है ये क्लियर हो गया बच्चों आपको ठीक है और सबसे इंपॉर्टेंट बात ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट जो भी अभी आगे भी करेंगे उसके सवाल हम लोग ऐसा नहीं कि खत्म हो गए बट एक आइडिया आपको लग गया है कि अच्छा वी हैव टू ब्रेक द फंक्शन वी हैव टू ब्रेक द लिमिट्स एल एच एल आर एच एल तभी हम अलग अलग में बात करेंगे नहीं तो नॉर्मल फंक्शन है कंटिन्यूस हैं डिफरेंशियबल है पॉलिनामल एलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना या याथमिक नॉर्मल जो फंक्शन होते हैं या फिर फॉर श्योर sure कोई का फंक्शन ही आ गया लेकिन अगर किसी पॉइंट पे वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो आपको एल एचल आर एचल करने की जरूरत नहीं होती ठीक है okay. अब आ जाते हैं एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स पे तो व्हाट डू यू मीन बाय एल्जेब्रा ऑफ लिमिट्स एलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में क्या होगा हम ऐसी लिमिट्स को आपस में ऐड सब्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे अगर आपका एक एफ एक्स की लिमिट ए पर एल को टेंड कर रही है और जी एक्स में लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एम को टेंड कर रही है तो दो अलग अलग फंक्शन है वो सेम वैल्यू पे एल और एम को टेंड कर रहे हैं तो यहां पे एल्जेबरा से मेरा मतलब है कि अगर मैं दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगी एल प्लस एम और एल माइनस एम ठीक है फॉर <coughs> एग्जाम्पल अगर मेरे पास आ गया है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स प्लस

तो ये आपकी एलजेबरा ऑफ लिमिट्स होती है कोई स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर बाहर आ जाएगा लिमिट से कोई मतलब नहीं है उसको तो वेरी सिंपल से रूल्स हैं कि अगर हमारे पास दो तीन लिमिट्स हैं सेम वैल्यू को टेंड कर रही करिए और अलग अलग वैल्यूज हैं वो मतलब एक्सटेंडिंग टू सेम है लेकिन वैल्यू एल है एम है एन है तो ऐड करोगे तो एल प्लस एम प्लस एन आ जाएगा डिवाइड करोगे जैसे एल और एम को तो एल बाई एम आ जाएगा तो ये आपका नॉर्मल फंडामेंटल्स है फंडामेंटलब्रा ऑफ लिमिट्स है जहां पर हम लोग आराम से वैल्यूज अलग अलग डाल के सॉल्व कर सकते हैं ठीक है थिंक दिस इज क्वाइट सिंपल इसमें कुछ बहुत ज्यादा करने का नहीं है एक एग्जाम्पल करते हैं इसमें बच्चों फंक्शन <coughs> आपको दिया हुआ है दो पार्ट में टूटा हुआ है जीरो पे और जी एक्स टूटा हुआ है दो दो चीजों पे एक है वन पे और एक टू पे तो तीन पार्ट्स में टूटा हुआ है आपको बताना है गोफेक्स की लिमिट जीरो पे अब यहां पे फंक्शन बेटा टूटा हुआ है जीरो प्लस पे कुछ और डिफाइंड है जीरो माइनस पे कुछ और डिफाइंड है तो यहां पे क्वेश्चन चाहता है कि आप एल एच एल और आर एच एल को स्प्लिट करो बच्चों मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना Mod तो ऑटोमेटिकली दो फंक्शन ही होते हैं तो हम स्प्लिट करना हमारी मजबूरी है ग्रेटेस्ट इंटीजर भी जो होता है वो अपने इंटीग्रल वैल्यूज पे अपनी वैल्यू चेंज करता है तो वहां पे भी स्प्लिट करना जरूरी है सेम फॉर फ्रैक्शनल पार्ट लेकिन अगर कोई फंक्शन नॉर्मल भी है लेकिन अगर डिस्क्रीट फंक्शन ऐसे टूटा हुआ फंक्शन है कर्ली ब्रैकेट वाला फंक्शन अलग अलग इंटरवल में टूटा हुआ है एक्स लेस देन ए में कुछ और है ग्रेटर देन ए में कुछ और है तो अगर आप एक्सटेंडिंग टू ए करोगे तो बाय डिफॉल्ट हमें ए माइनस और ए प्लस अलग अलग सॉल्व करने पड़ेंगे क्योंकि अलग अलग फंक्शन डिफाइंड है ठीक है तो यहां पर भी अगर मुझे जीरो पे चेक करना है तो आप देख सकते हो कि एफ एक्स का जो फंक्शन है वो जीरो प्लस और जीरो माइनस में अलग अलग है और अलग अलग वैल्यूज को टेंड कर रहा है देख लो खुद ही देखो आप जीरो पे एफ एक्स जो है वन को टेंड कर रहा है और जीरो माइनस में टू को टेंड कर रहा है है ना अलग अलग बातें तो यहां पे बच्चों मुझे जीरो प्लस पे मुझे अलग निकालना पड़ेगा ठीक है वो अलग निकालेंगे और जीरो माइनस पे अलग निकालना पड़ेगा ठीक है आप ही मुझे बताना चलो जब एक्स जीरो को टेंड करेगा राइट एंड साइड से तो एफ की क्या वैल्यू होगी आप ही बताना जब एक्स टेंड करेगा जीरो को राइट एंड साइड से

टू माइनस टू तो यह आएगा माइनस थ्री अब अगर जीरो माइनस पे भी माइनस थ्री आ गई तो तो आंसर माइनस थ्री हो जाएगा और अगर अलग अलग वैल्यूज आ गई तो हम बोलेंगे डज नॉट एग्जिस्ट तो देखते हैं कि क्या होने वाला है अगले पेज पे चलते हैं सबको समझ में आ रहा है ना ठीक है एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस बताओ जीरो माइनस पे फंक्शन किसको टेंड करेगा जीरो माइनस का मतलब ये वाला ग्राफ ये वाला फंक्शन तो जीरो से थोड़ा छोटा डालोगे पॉइंट माइनस डालोगे तो यह वैल्यू टू पॉइंट करेगी लेकिन को वो थोड़ा सा राइट हैंड साइड से टेंड करेगी सर ये हम क्यों चेक कर रहे हैं राइट हैंड साइड से हम जनरली तो नहीं करते हम इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि अब मुझे जी टू निकालना है तो जी टू में भी टू माइनस अलग है टू प्लस अलग है तो मुझे चेक तो करना पड़ेगा ठीक है ना

That's why B is absolutely the right answer. बहुत ही ध्यान से कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए सवाल करोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी अगर कुछ भी अंधाधुन कुछ भी कर दोगे तो फिर गलत कर जाओगे ठीक है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहां पे जीरो प्लस जीरो माइनस लेना क्यों जरूरी था इसलिए जरूरी था क्योंकि हमारे फंक्शन जीरो पे ब्रेक हो रहे हैं

लिमिट्स में जो है इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स है ना फॉर्म्स आप सबको पता है कि सात इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स हमारी लिमिट्स में होती हैं जिसमें हम लोग उनकी लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करते हैं अगर एक्स किसी को टेंड कर रहा है और आपका फंक्शन लेट्स से लेट फॉर्म बन रहा है तो उसको हम किसी सर्टेन तरीके से सॉल्व करके लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं है ना इंडिटर्मिनेट फॉर्म का मतलब सारी फॉर्म्स फॉर्म नहीं होती कुछ सेवन इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स होती हैं सात होती हैं कि जब एक्स किसी को टेंड करता है A को टेंड कर रहा है और वो इंडिटर्मिनेट फॉर्म बन गई आपकी तो उसको सॉल्व करने के कुछ तरीके होते हैं जिससे हम लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स क्या होंगी कि जब एक्स किसी को टेंड करेगा और वो फंक्शन एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म का बन रहा होगा लेट्स जीरो बाई जीरो फॉर्म का बन रहा होगा तो उसको सॉल्व करने के लिमिटिंग वैल्यू निकालने के देर आर सर्टन मेथड्स जिसको हम डिस्कस करेंगे चाहे वो फॉर्मलेज हैं चाहे वो सीरीज के सीरीज हम लगा सकते हैं या एल ऑपिटल एक रूल होता है वो लगा सकते हैं तो उसको डिस्कस करते हैं करके। ओके, चलिए, सात कौन कौन सी होती है जिसकी डायरेक्टली नहीं निकल सकती डायरेक्टली नहीं निकाल सकते एकदम से. जैसे जीरो बाई जीरो नहीं निकाल सकते क्या होगा अनडिफाइंड होता है वो तो इनकी डायरेक्टली नहीं निकलेगी ठीक है तो जीरो बाय जीरो इन्फिनिटी

एक्स टेंडिंग टू जीरो में अगर साइन एक्स बायस की लिमिट निकालनी है टेंडिंग टू जीरो में डायरेक्टली नहीं निकल रही यार ये इस भी zero को टेंड कर रहा है और ये भी जीरो को टेंड कर रहा है अरे ये तो कैसे सॉल्व करें <coughs> सर लिमिट का तो कॉन्सेप्ट यही बताया था आपने कि अगर साइन एक्स बाई एक्स या कोई भी फंक्शन है किसी सर्टेन वैल्यू पे अगर वो जीरो बाई जीरो नॉट डिफाइंड आ रहा है तो हमने उसके नेबरहुड को स्टडी किया यही तो बताया था शुरू में मैंने कि साइन एक्स बायस इज नॉट डिफाइंड एट जीरो जब जीरो पे डिफाइंड नहीं है तो हमने उसके नेबरहुड को स्टडी किया टेंडिंग टू जीरो पे कि जीरो को जब टेंड करेगा तो क्या होगा कुछ तो होगा क्योंकि अब तो डोमेन में है भाई साइन एक्स बाई एक्स के में क्या नहीं है जीरो नहीं है एग्जैक्ट जीरो नहीं है पर जीरो प्लस जीरो माइनस वन टू थ्री सारे नंबर है तो अब हमने नेबरहुड को स्टडी किया लिमिट को ये तो बोलते हैं यही लिमिट्स है बस तो जीरो जब टेंड कर रहा है तो मेरा आंसर डायरेक्टली नहीं आ रहा क्योंकि जब मैंने वाला सवाल आपको करवाया था एक्स स्क्स नाइन बाई एक्स माइनस थ्री तो हमने फैक्टराइज करके सॉल्व कर दिया था इसको कुछ भी नहीं होगा तो मैं इस limit को कैसे क्योंकि उसकी वैल्यू डायरेक्टली सब्सिट्यूट करने पर नहीं निकल रही अगर मैं एक्स को जीरो टेंड करवा रहा हूं तो ऊपर भी जीरो को टेंड कर रहा है नीचे भी जीरो को टेंड कर रहा है फंस गया हमारा आंसर जीरो बाई जीरो वाले हैं सारे के सारे

एक्स बाई वन जो आएगा जीरो डालने पर बन आ जाएगा है ना तो ये सब करेंगे अभी आगे फिलहाल ठीक है तो ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिटर का मतलब क्या होता है है ना हम हमने पढ़ तो लिये रखा है कि अच्छा है एक फंक्शन है जीरो पे नॉट डिफाइंड है तो लिमिटिंग वैल्यू निकाल लेते हैं बट लिमिटिंग वैल्यू निकालते ही जैसे आप एक्स को जीरो टेंड करवाओगे तो ऊपर भी जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है तो फिर हम लोग फंस जाते हैं तो इसी को सॉल्व करने को ही हम लिमिट्स का पूरा चैप्टर है ये यही सॉल्व करनी है हमें बस बाई डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स तो जीरो बाय जीरो वन को तो अटेंड कर रहा है या इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है मान के चलो एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स प्लस थ्री तो ये भी देख सकते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी है ये भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है ये भी इंफिनिटी को टेंड कर रहा है

फाइनाइट नंबर का रेशियो वन होता है हमेशा है ना जीरो का या इंफिनिटी का का रेशो वन नहीं होता कभी भी ओके okay? ऐसी इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो नहीं होता इन्फिनिटी माइनस इंफिनिटी जीरो नहीं होता हमेशा नॉन जीरो या कह लो फाइनाइट नंबर्स जो होते हैं उनका डिफरेंस आप ले सकते हो जैसे जीरो माइनस जीरो जीरो होता है टू माइनस टू जीरो होता है है ना पर इंफिनिटी का डिफरेंस जीरो नहीं होगा जीरो इंटू इंफिनिटी और यह भी टेंडिंग टू जीरो है है टेंडिंग टू अब ये मत बोलना कि जीरो से सर मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर जीरो ही हो गया नहीं एक जीरो को अटेंड कर रहा है एक बहुत छोटे नंबर को अटेंड कर रहा है एक बहुत बड़े नंबर को टेंड कर रहा है तो दोनों को मल्टीप्लाई जो करेंगे वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता किसी मेथड से ही हम उसको सॉल्व करेंगे हमें इन सारी फॉर्म्स को सॉल्व करने का लिमिट निकालने का अपना अपना तरीका है।, है ना वो हम डिस्कस करेंगे वन की पार इन्फिनिटी अब बच्चे बोलते हैं सर वन की पार इन्फिनिटी तो वन ही होता है पर फिर बच्चे भूल जाते हैं अरे वन एग्जैक्ट वन नहीं है अगर एग्जैक्ट वन होता तो वन इंटू वन इंटू वन वन ही होता ये टेंडिंग टू ये सारी वैल्यूज टेंडिंग है ये साइन एक्स बाई एक्स में भी कोई एग्जैक्ट जीरो नहीं है एक्स जब जीरो को टेंड करेगा ये भी जीरो को टेंड करेगा ये भी इन्फ्रिटी को टेंड करेगा ये इनफ्रिटी को टेंड करेगा को टेंड करेगा अगर मैं बोलूं लिमिट टेंडिंग टू जीरो एक्सॉट एक्स ये जीरो को टेंड करेगा ये इनफ्रिटी को टेंड करेगा अगर मैं बोलूं लिमिट टेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स <coughs> तो जीरो डालने पर ये वन को टेंड करेगा और इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो वन को टेंड करना और इन्फिनिटी को टेंड करना बहुत डिफरेंस है इट्स इट इज नॉट सेम एज एक्जैक्टली वन की पार इन्फिनिटी यहां पर एक्जेक्ट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं टेंडिंग की बात कर रहा हूं कि अगर एक्स किसी को अप्रोच कर रहा है और लिमिट आ रही है टेंडिंग टू तो वन की पार टेंडिंग टू तो इन्फिनिटी तो उसकी वैल्यू किसको अप्रोच करेगी यही इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ऐसे जीरो की पार जीरो हम बोलते हैं सर हमेशा किसी की पावर जीरो होती है आंसर वन होता है पर वो नॉन जीरो की पावर जीरो वन होता है पर यहाँ पे ऊपर भी जीरो एग्जैक्ट नहीं है नीचे भी बेटा जीरो एग्जैक्ट नहीं है यहाँ पे टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो है वैल्यू जीरो को टेंड कर रही है पॉइंट जीरो 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 वन है ऊपर ऊपर भी पॉइंट जीरो 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 वन है तो ऐसे आंसर्स को हम लोग बोलते हैं कि हाँ ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है सिमिलरली इन्फिनिटी की पावर जीरो

सबसे ज्यादा हाई वेटेज है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है जीरो जीरो फॉर्म को को कैसे सॉल्व करें, भाई? <coughs> आपने बोला कि X किसी टेंड करेगा, ऊपर भी क्या तो इसको सॉल्व करने के मेथड्स है? तो होते हैं फैक्टराइज करना रेश करना या फिर सब्सटीट्यूट करना Sir, कैसे कैसे देखो एक्स टेंडिंग टू टू पहले माइनस फाइव एक्स प्लस जब आप ऊपर टू डालोगे तो फोर प्लस टेन माइनस टेन जीरो को टेंड करेगा टेंडिंग टू क्या टेंडिंग है क्योंकि एक्स टू को टेंड कर रहे तो ऊपर वाला न्यूमरेटर भी जीरो को टेंड करेगा एक्जेक्ट अभी नहीं होता ठीक है और नीचे भी क्या आएगा देखना चेक करना आपका आ जाएगा फोर एटीन माइनस एटीन ये भी जीरो को टेंड कर रहा तो 0 0 है ये। अब इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो है कर लो या फैक्टराइज यहां तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री नीचे वाला एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस सेवन तो लिमिट अगर x टू को टेंड कर रही है तो मैं ऊपर नीचे टू, टू वाले काट सकता हूं x माइनस टू क्योंकि एक्जेक्टली टू तो है नहीं टू को टेंड कर रहा है तो कट सकते हैं बस आंसर आ गया टू डालोगे तो माइनस वन बाई माइनस फाइव वन बाई फाइव आंसर आ जाएगा तो इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन टेक्निक हां कभी की जरूरत पड़ती है तो आप रेश भी कर सकते हो ठीक है ना आप रेश भी कर सकते हो जैसे नीचे कभी डिनोमिनेटर में वन माइनस रूट साइन एक्स आ गया तो आप उसे वन प्लस रूट साइन एक्स डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो तो नीचे वन माइनस साइन एक्स बन जाएगा फिर सॉल्व हो जाएगा ऐसी जैसे शुरू में दिखाया था मैंने सब्सिट्यूशन से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जैसे लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और मैंने बोला वन माइनस टू वन एक्सटेंडिंग टू वन है और टी ले लिया था उसके क्वेश्चन आसान हो गया या फिर और कोई एग्जाम्पल देख लो लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन बन गया टेन पाएक्स बाई टू अपॉन या कॉट पाएक्स बाई टू एक्स माइनस वन तो ये क्या बन गया बेटा बताओ तो सर ये फॉर्म पहले फॉर्म चेक करेंगे तो वन डाले पर एक्स माइनस वन को टी तो 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 ले लेते हैं तो जैसे एक्स माइनस वन को टी लोगे आप एक्स माइनस वन को टी ले लिया आपने तो एक्स को टी प्लस वन कर दिया तो ये हो जाएगा कॉट ऑफ पाई बाई टू इंटू टी प्लस वन अपॉन टी So, है? है मल्टीप्लाई कर दो ये लिमिट वन बन जाएगी आंसर माइनस पाई बाई टू आ जाएगा सो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा की अभी सवाल करेंगे सिर्फ मैं एग्जाम्पल्स देकर समझा रहा हूं आपको कि कोई बच्चा अगर पहली बार पढ़ रहा है या

तो इसके सब्सटीट्यूशन जैसी छोटे छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है और ये प्रैक्टिस के थ्रू आप पक्का हो जाएगा आपका कि अच्छा यार यहाँ सब्सिट्यूशन लगाते हैं नीचे रूट रूट में आ रहा है तो रेशनाइज कर देते हैं कोई क्वाड्रेटिक वगैरह आ रहा है क्यूबिक आ रहा है तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर देते हैं तो ये धीरे धीरे आपको पता चलेगा अब कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स भी होती हैं जो हमें डायरेक्टली याद रखनी है डायरेक्टली हम अपने क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं और वो स्टैंडर्ड लिमिट्स है साइन एक्स बाई एक्स की लिमिट वन होती है टेन एक्स बाय एक्स की लिमिट वन होती है उल्टा लिमिट भी वन होगी एक्स बाय साइन एक्स भी वन होगी एक्स बाई टेन एक्स भी वन होगी इनवर्स में अगर होगी तो भी वन आएगी और टेन इनवर्स भी वन ही आएगी सर so, इसका प्रूफ जैसे मैंने बताया एलोपिटल अगर आपको एलोपिटल पता है तो अच्छी बात है साइन एक्स और एक्स में एलोपिटल रूल लगा लो आंसर आ जाएगा वन जिसको एलोपिटल नहीं पता अभी आगे पता चल जाएगा है हा ना हालांकि कोई प्रूफ पूछेगा नहीं इसके बट शिल यू शुड रिमेंबर द फॉर्मलेस क्योंकि ये डायरेक्टली यूज होते हैं क्वेश्चन में डायरेक्टली कि अच्छा कहीं भी दिखा आपको साइन एक्स बाय एक्स तो आपने वन डाल दिया पर ध्यान रखना बच्चे यहाँ पे गलती क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ <coughs> अगर मैंने बोला लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 और साइन x बाई एक्स ठीक है तो अब क्या होगा बच्चों को लगे साइन एक्स x एक्स अरे सर आंसर तो वन हो गया बट आंसर वन नहीं है क्योंकि ये जीरो बाई जीरो फॉर्म नहीं है अरे ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है मैं सारे जो लिमिट्स बता रहा हूं जीरो बाई जीरो फॉर्म की बता रहा हूं यहां पर एक्स को जीरो डालोगे तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है तो जैसे पाई बाई टू डालोगे तो ये ऊपर आ जाएगा वन और नीचे आएगा पाई बाई टू तो इसका आंसर बेटा आएगा टू बाई पाए और देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन तो बच्चों को लगता है अरे साइन ऊपर नीचे सेम है तो इसका आंसर वन आ जाएगा बट इसका आंसर वन नहीं आएगा है ना आप क्या करोगे आप जीरो डालोगे आंसर आएगा साइन वन अपॉन वन साइन वन आंसर आ जाएगा तो सारे साइन थीटा बाई थीटा वन नहीं होते आपको देखना है थीटा किसको टेंड कर रहे हैं तो दो चीजें यहां पर एक तो थीटा आपको जिसको भी टेंड कर रहा हो किसी को भी टेंड कर रहा हो एक तो साइन के अंदर जो रेडियन एंगल है ऊपर नीचे वो सेम होना चाहिए साइन ऑफ एक्सप्लस वन है तो नीचे भी साइन ऑफ एक्सप्लस वन होना चाहिए नीचे एक्सप्लस वन होना चाहिए दूसरा जीरो बाई जीरो फॉर्म बननी चाहिए मतलब अगर मैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस वन बोलू और एक्स प्लस वन साइन है और नीचे एक्स प्लस वन है इसका आंसर वन हो जाएगा क्योंकि ऊपर नीचे जो है वो सेम एंगल्स आ आ रहे हैं रहा है है और जब टेंड कर रहे हैं, तो तो फॉर्म फॉर्म बन रही तो बननी जरूरी है और ये एंगल्स सेम होने बहुत जरूरी है तो अगर ये एक्स किसी को भी टेंड कर रहा हो बस एंगल ऊपर नीचे सेम है और किसको भी टेंड कर रहा हो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है तो आंसर वन होगा नहीं तो नहीं होगा तो ध्यान रखना बहुत ध्यान से ठीक है ये बहुत ही स्टैंडर्ड से फॉर्मुलेज हैं जो हमें याद रखने हैं। जैसे ऐसे आ जाता है तो sin AX BX, मैं भाई काम करो एक्स से डिवाइड करो एक्स से मल्टीप्लाई करो तो साइन एक्स बाई एक्स तो वन हो जाएगा जहां भी साइन दिखे आपको कोशिश करो से वन बनाने की और बचा ए एक्स बाई बी एक्स एक्सएक्स कड़ी जाएगा ऑब्वियसली सेम नंबर तो ए बाई बी बचेगा तो ये बहुत ही सिंपल से लिमिट्स है आराम से सॉल्व हो जाती है ठीक है और देखो जैसे साइन पाए कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन पाए कॉस स्क्वायर एक्स अब काफी सारे बच्चे जल्दबाजी में ना इसका आंसर वन लिख देते हैं उनको लगता है अरे यहां पे तो सेम एंगल आ रहे हैं जनरली वन होता है या फिर चेक किया अच्छा ए बस एक चेक कर लिया ऊपर वाला बस ऊपर वाला चेक कर लिया कि यार ऊपर वाला चेक कर लेते हैं ऊपर वाला चेक किया तो साइन पाए जीरो तो वन होता है तो साइन पाए जीरो होता है। तो बस ये है, आते हो आप तो ध्यान रखना प्रॉपरली चेक करना कि ऊपर नीचे भले एंगल सेम दिख रहे हैं बट फॉर्म भी जीरो बाय जीरो बननी चाहिए तो ऊपर बनेगा साइन पाए बनेगा सिर्फ साइन पाए जीरो होता है नीचे नीचे सिर्फ पाए बचेगा क्योंकि कॉस जीरो जो होता है वन होता है तो जीरो बाय पाए का आंसर किसको करेगा ऑब्वियसली जीरो, जीरो आंसर होगा इसका सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको दिमाग में रखनी है बेटा ठीक है ओके okay, समझ में आ रहा है सबको एकदम सारी बातें मैं अच्छे से आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे याद रखना क्या फॉर्मुलेज हैं क्या कब यूज करना भी क्वेश्चन में यूज करेंगे हम फॉर्मलेज भी जब सवाल करेंगे जीरो बाई जीरो जीरो के तो हम सारे फॉर्मले यूज करेंगे डबल एंगल ट्रिग्नोमेट्री के हाफ एंगल की यूज करेंगे ये साइन एक्स और टेन एक्स बाई एक्स वाले फॉर्मलेज यूज करेंगे फॉर्मुले यूज करेंगे जहां पर रेशनाइज करना होगा रैशनाइज करेंगे जहां पर फैक्ट्राइज करना होगा फैक्ट्राइज करेंगे जहां पर सब्सिश्यूट करना होगा सब्श्यूट करेंगे लेकिन ये चीज कैसे महारत हासिल होगी प्रैक्टिस वैराइटी ऑफ प्रॉब्लम जितनी करोगे क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ लग रहा होगा किसी में रेशनाइज किसी में फैक्टराइज किसी में सब्सिट्यूशन किसी में ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला किसी में स्टैंडर्ड लिमिट्स कुछ भी लग सकता है है ना? तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे अभी जब हमारी थ्योरी खत्म हो जाएगी एक और फॉर्मूला नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट ठीक है x की पावर इस डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, e इसमें भी ये एक्स और ये एक्स जो है सेम होने चाहिए और जीरो बाई जीरो फॉर्म चाहिए, तभी आंसर वन होगा। मैं फिर बोल रहा हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ही ले

एक दो तीन वेरी वेरी वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट डबल टिक कर देता हूं लॉग वन प्लस एक्सपोन एक्स की जो लिमिट होगी वो भी वन होगी ठीक है इसमें भी वही काम है ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए और जीरो बाई जीरो चाहिए। जिस किसी को भी कर रहा जीरो बाई जीरो फॉर्म और ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए तो आंसर वन आ जाता है ठीक है जैसे ई टू दी पार एक्स माइनस वन का फॉर्मुला में बनाना है तो नीचे एक से डिवाइड से मल्टीप्लाई तो वन बन जाएगा तो ए बाई बी आ जाएगा बिल्कुल वही कहानी है सेम ए पार के एक्स माइनस वन अपन एमएक्स दे रखा है आपको तो ए की पार के एक्स माइनस वन के एक्स से डिवाइड कर दो के एक्स से मल्टीप्लाई कर दो और ये एम एक्स हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी आपकी ये बन जाएगी आपकी एल एन ऑफ ए क्योंकि इसमें ऊपर नीचे एंगल सेम है जीरो बाई जीरोन ए और के बाई एम तो याद नहीं रखना आपको ये बस ये देखना है कि हाँ अगर ऊपर नीचे कोफिशियंट अलग अलग है तो आप उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई करके वो लिमिट बना लो मतलब ये फॉर्मूला बना लो आप कन्वर्ट कर लो अगर ऊपर ए की पावर के एक्स है तो नीचे भी फिर के एक्स लेकर आओ ताकि वो एल ए बन जाए ठीक है तो स्टैंडर्ड लिमिट्स का आपको इस तरीके से यूज करना है अपने सवालों में ठीक है ओके चल। अब आते हैं एल ऑपिटल रूल पे बेटा एल ऑपिटल रूल बहुत सिंपल होता है अगर आपको कोई जीरो बाई जीरो फॉर्म अभी जीरो बाई जीरो की बात कर रहा हूं अभी मैं सिर्फ जीरो बाई जीरो की बात कर रहा हूं ठीक है अगर आपको जीरो बाई जीरो में एल ऑपिटल रूल लगाना है तो एल ऑपिटल का मतलब होता है ऊपर डिफरेंशियट करो नीचे अलग डिफरेंशियट करो और वो लिमिट वो वैल्यूज डाल दो आप ऊपर नीचे अगर स्टिल जीरो बाई जीरो बन रहा है तो दोबारा डिफरेंशिएट करो जब तक डिफरेंशिएट ऊपर नीचे अलग अलग करते रहो जब तक आपका फाइनाइट आंसर नहीं आ जाता इसको बोलते हैं एल ऑपिटल रूल इसमें एस जो है वो साइलेंट है ठीक है आप देख सकते हो तो जीरो बाई जीरो बताऊंगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में भी ये लग जाता है एग्जाम्पल देता हूं सर दो ऐसे मजा नहीं आ रहा जीरो सारे तरीके हैं मैं यहां पे हाफ एंगर फॉर्मला भी लगा सकता हूं टू साइन स्क्वायर एक्स बाय टू साइन एक्स बाई टू साइन एक्स नीचे एक्स स्क्वायर है तो बाई टू बाई टू करके फोर से डिवाइड कर दिया

तब तक zero zero हट ना जाए और एक फाइनाइट आंसर ना जाए आंसर होगा एक बार एलोपिटल लगाया, लगाया, तो तो अच्छा, एल एल लगाया उसके बाद साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्मूला बन गया तो हाफ आ गया सर ये क्या हो रहा है तो ये जादू हो रहा है इसमें क्या होता है कि जब आप एलोपिटल रूल लगाते हो और बीच में कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है तो आप वो फॉर्मूला वहां लगा सकते हो उसके बाद फॉर्मूला लगाने के बाद कुछ बच गया फिर एलोपिटल लगा सकते हो या फिर शुरुआत में आपने फॉर्मूला लगा दिया पहले कोई भी फॉर्मूला हाफ एंगल का साइक्स एक्स का पहले फॉर्मूला लगा लिया फिर एलोपिटल लगा लिया मतलब कुछ भी कर सकते हो कोई टेंशन नहीं है बेटा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि एलोपिटल के बाद फॉर्मुला नहीं लगा सकते फॉर्मुला के बाद एलोपिटल नहीं लगा सकते कुछ भी कर सकते हो आपकी मर्जी आपको बस ये सोचना शुरुआत कैसे करें मैंने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मला लगाया ठीक है उसके बाद साइन एक्स बास का लगा के आंसर निकाल दिया <coughs> एलोपिटल लगाया दोबारा एलोपिटल लगाया आंसर आ गया एलोपिटल के बीच में मुझे नजर आ रही है तो फार्मूला लग रहा है तो फॉर्मुला लगा के सॉल्व कर दिया एलोपिटल की जरूरत ही नहीं पड़ी तो मतलब अगर पहले या स्टेप्स में आप एलोपिटल जा रहे हो बीच में कोई फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला लगा दो जो बच गया फिर एलोपिटल चाहे लगा लो या शुरुआत में पहले फॉर्मुला लगा लो उसको आसान कर दो फिर एलोपिटल लगा लो क्योंकि एलोपिटल में भी डेरिवेटिव करना है डिफरेंशियट करना है और कई बार लेंदी हो जाता है कई बार वो चीज लेंदी हो जाती है ठीक है और एग्जाम्पल देखते हैं सर देख दिखाओ एक्सटेंडिंग टू जीरो साइन एक्स माइनस एक्स बाई एक्स क्यूब जीरो बाई जीरो फॉर्म है और जैसी जीरो बाई जीरो फॉर्म है सबसे पहले मेरे दिमाग में फॉर्मुला तो नहीं लग रहा अभी अभी के लिए तो नहीं लग रहा तो एक बार एलोपिटल लगाते हैं चलो ऊपर वाले का डेरिवेटिव और नीचे वाले का डेरिवेटिव डालो जीरो जीरो डालोगे अभी भी जीरो बाय जीरो फॉर्म है लगाओ फिर एलोपिटल लगाओ कॉस एक्स का क्या आएगा माइनस साइन एक्स नीचे क्या आएगा सिक्स एक्स अभी भी जीरो बाय जीरो अब दोबारा एलोपिटल भी लगा सकते हो आपकी मर्जी है लेकिन मुझे फॉर्मुला नजर आ गया साइन एक्स बायस तो आंसर माइनस वन बाई सिक्स हो गया तो जैसे मैंने बोला कि आप एलोपिटर लगाओ बीच में फॉर्मूला लगाओ या पहले फॉर्मुले से शुरू कर दो फिर एलोपिटल लगा लो कुछ भी आप कर सकते हो <coughs> सर कोई ऐसा एग्जाम्पल दो पहले आपने फॉर्मूला लगाया हो, और बाद में आपने एलोपिटर लगाया हो ऐसा कोई एग्जाम्पल दो देता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन टेन क्यूब एक्स जीरो बाई जीरो फॉर्म है

तो एलोपिटल आप लगा सकते हो जीरो बाई जीरो फॉर्म में पर सोच के चलना ऐसे काम मत करना ठीक है ना कि थोड़ा स्मार्ट प्ले करना एकदम से एलोपेटर मत लगा देना पहले आप देखना कि क्वेश्चन को थोड़ा आसान बनाया जा सकता है जैसे मैंने टेन क्यूब को एक्स क्यूब में कन्वर्ट कर दिया फिर मैंने एलोपिटल लगाया लगाता गया और उसके बाद पीछे फॉर्मला नजर आया फॉर्मला लगा दिया और कई बार नहीं लगता मतलब कई बार आप हाफ एंगल फॉर्मला भी लगा देते हो या कई बार डायरेक्टली एलोपिटर लगा देते हो लगता है क्वेश्चन थोड़ा आसान लग रहा है डायरेक्टली एलोपिटल लगा देते हैं कई बार ट्रिग्नोमेट्री का हाफ एंगल फॉर्मला लगाना पड़ता है ंगल फॉर्मला पड़ता है, है।, है। तो बच्चों ध्यान से सुनना और नीचे आ गया वन माइनस कॉस टू एक्स कुछ ऐसा आ गया मतलब तो आप पहले वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मुला लगा दो टू साइन स्क्वायर एक्स और उस टू साइन स्क्वायर एक्स को भी टू एक्स स्क्वायर लिख दो

थ्री एक्स प्लस टू तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है तो so, ऊपर का डेरिवेटिव टू आएगा नीचे का थ्री आएगा आंसर हो जाएगा सिंपल है एलोपिटर ठीक है तो इन्फिनिटी बाय इन्फ्रिटी क्योंकि मैंने लिखा था देखो इसमें लिखा हुआ है या तो जीरो बाई जीरो को टेंड करे या इन्फिनिटी बायफिनिटी को टेंड करे तो so, आप एलोपिटल लगा सकते हो बार बार डिफरेंशिएट कर सकते हो जब तक फाइनाइट आंसर नहीं आ जाता ओके okay? चलो अब एक तरीका और होता है जीरो बाई जीरो को सॉल्व करने का अपार्ट फ्रॉम द फॉर्मुले स्टैंडर्ड लिमिट्स अपार्ट फ्रॉम एलोपिटल अपार्ट फ्रॉम फैक्टराइजेशन रेसनाइजेशन सब्सिट्यूशन इन सारे मेथड्स के अलावा एक ब्रह्मास्त्र और है हमारे पास और वो है सीरीज एक्सपेंशन हम लोग सीरीज एक्सपेंशन लग, लगा के भी जीरो बाई जीरो की लिमिट्स सॉल्व कर सकते हैं ठीक है मेकलोरथ सीरीज होती है जिसको याद रखने की जरूरत नहीं है जो मैं याद करवा रहा हूं नीचे वाली वो याद रखना डेन है है हमारे ई टू सीरीज होती है तो आसानी बट स्टिल आप सारी डेरिवेशन याद कर लो ई टू दी पार एक्स की याद कर लो ए टू दी पार एक्स की याद कर लो बस ए टू दी पार एक्स में क्या होगा एल एन ए मल्टीप्लाई होता चला जाएगा सबके साथ लॉग वन प्लस एक्स की तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना इसमें फैक्टोरियल नहीं आता एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस एक्स फोर बाई फोर ऐसे चलता रहेगा अगर एल एन वन माइनस एक्स की लिखनी है तो एक्स को फिर माइनस एक्स रिप्लेस कर देना साइन एक्स की वेरी इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट है।, है इसमें ऑड वाले फैक्टर्स आएंगे एक्स क्यूब एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स फाइव बाई फाइव प्लस माइनस के साइन पे आएंगे कॉस में इवन वाले आएंगे सारे है ना वन एक्स की बार जीरो फिर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्ट्रल फिर प्लस एक्स फोर बाई फोर फैक्ट्रल ऐसे चलता जाएगा टेन एक्स थोड़ा सा अटपटा होता है जिसमें कोई कोई पैटर्न नहीं होता बट क्या करें याद रखना पड़ेगा पार फाइव तक बहुत है याद रखना अग, अगला नंबर शायद सेवेंटीन बाई थ्री जीरो सिक्स होता है चेक कर लेना एक बार आप लेकिन इतनी जरूरत नहीं पड़ती जनरली यहीं तक ही काम आ जाता है बस टेन एक्स की एक्सपेंशन है ये एक्सपेंशन हमें अच्छे से पता है पारन की की एक्सपेंशन और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो टिक कर रहा हूं काफी इंपॉर्टेंट है वन प्लस एक्स की पावर वन अपॉन एक्स की एक्सपेंशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये होता है ई इंटू वन माइनस एक्स बाई टू प्लस इलेवन बाई ट्वेंटी फोर एक्स स्क्वायर ठीक है और ऐसे आगे चलता जाएगा तो सर अब ये बताइए कि सीरीज एक्सपेंशन कैसे लगाया जाए सीरीज एक्सपेंशन कैसे लगाया जाए ठीक है हम एलोपिटल लगाएंगे आपने बोला फॉर्मूला लगाएंगे एलोपिटल लगाएंगे अब सीरीज की कहां गुंजाइश रह गई बहुत गुंजाइश रह गई बताऊ कैसे लगाएंगे हाँ सर बताइए सीरीज से क्वेश्चन और इजीली और जल्दी सॉल्व होगा बेटर देन एलोपिटल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया एक्स माइनस साइन एक्स बाई एक्स क्यूब आप यहां पर एक्सपेंशन लगाइए साइन एक्स का और एक्सपेंशन भी वहीं तक ही लगाना जहां तक डिनोमिनेटर की डिग्री है मिनिमम डिग्री जो थ्री दे रखी है बस वहीं तक ही है क्योंकि उसके आगे लगाओगे ऊपर की डिग्री ज्यादा होगी नीचे की डिग्री कम होगी तो वैसे भी वो जीरो ही बनने वाले है। भाई एक्स की पावर फोर है ऊपर और नीचे एक्स का क्यूब है तो कट के एक्स बचेगा जीरो ही आएगा तो कोई फायदा नहीं है लंबे का क्योंकि बच्चे पूछते हैं सर एक्सपेंशन कहां तक लगाएंगे तो डॉट डॉ डॉट चलता जा रहा है इंफिनिटी तक तो बस वहीं तक लगाओ जहां तक ऑपोजिट वाले की डिग्री है अगर न्यूमरेटर में एक्सपेंशन लगा रहे हो तो डिनोमिनेटर की डिग्री देख लो और डिनोमिनेटर में लगा रहे हो तो न्यूमरेटर की डिग्री देख लो लेकिन डिग्री कौन सी मिनिमम डिग्री जीरो बाय जीरो के लिए मिनिमम डिग्री देख लो सर वाई मिनिमम क्योंकि नीचे अगर एक्स की पावर फोर भी होता मान लो ये सवाल होता तो पहले मैं एक्स क्यूब कॉमन लेके वन प्लस एक्स करता और जब एक्स जीरो को अटेंड करता तो ये वैल्यू वैसे भी वन को अटेंड कर रही है तो जीरो बाई जीरो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रही ऐसे समझ के चलो ना कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ फॉर्मुलेज होते हैं जैसे ये है लिमिट तो, तो वन तो है, है तो जो एक्सप्रेशन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे तो डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं तो इसलिए आप देख सकते हो कि यहां पे वन प्लस एक्स का कोई रोल है नहीं वैसे सेम ही रहेगा इसलिए मिनिमम डिग्री की बात करेंगे Zero zero में मिनिमम डिग्री क्योंकि हाइस्ट डिग्री का कोई फायदा नहीं हो वैसे भी जीरो बनने वाली है और एक्सपैंड कहां तक करेंगे जहां तक डिग्री है मिनिमम जहां तक नीचे की डिग्री है ऑपोजिट वाले की डिग्री है उसके आगे एक्सपेंड करने की जरूरत ही नहीं देखो अगर मैं साइनेक्स को बहुत आगे तक एक्सपेंड कर भी दूंगा तो मेरा कोई फायदा नहीं है बेटा क्योंकि एक्स एक्स तो कट जाएगा अब यहां पे आप एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो एक्सक्वायर बचेगा और सब जीरो हो जाएगा वैसे भी तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है एक्स की पावर फाइव तक एक्सपेंड करने में देयर इज नो फायदा लेकिन क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो गया देख लो एक मिनट में वन बाई तो करना है या डिनोमिनेटर को करना करना है है वहां तक करना है तक जहां ऑपोजिट ऑपोजिट वाले वाले की की डिग्री पर अगर डिग्री वेरी कर रही है तो जो मिनिमम डिग्री है वो लेना बस क्योंकि मिनिमम डिग्री कॉमन आ जाती है और बाकी सारा पार्ट ब्रैकेट के अंदर वो सब जीरो बन जाता है बस इसलिए मिनिमम डिग्री से मेरा मतलब और एक्सपेंड भी कहां तक करना जहां तक वो मिनिमम डिग्री है बस उसके, उसके आगे एक्सपेंड करोगे कोई फायदा नहीं है क्योंकि पार एक्स की पार एक करोड़ ले ली तुमने नीचे एक्स क्यू भी रह गया फायदा क्या हो वैसे भी कट कटके जीरो ही होने है। तो ट्राइ आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें कहां तक करना है ठीक है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आपको समझ में आई गया बेटा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में आप रैशनलाइज कर सकते हो आप वहां पर एलोपिटल रूल लगा सकते हो ठीक है ना एल ऑपिटल रूल लगा सकते हो ना हाँ एक्चुअली इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में जनरली सवाल आते हैं हमेशा पोलिनोम बाई पोलिनोम के तो आप देख सकते हो कि यहां पे सपोज करो एक्स की पावर पी है प्लस बी एक्स की पावर पी माइनस वन है और ऐसे चलता जाएगा और नीचे आ रहा है कुछ यह आ जाएगा कुछ नीचे ले लेते हैं के ले लेते हैं नीचे ठीक है तो ये आ रहा है के एक्स की पावर पी प्लस एल एक्स की पावर पी माइनस वन ऐसे चलता है तो आप देख सकते हो ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है अब हमने बोला गया कि अच्छा ऊपर भी डिग्री अ, सेम है एक्स की पावर पी और नीचे भी डिग्री जो है वो सेम है हमें बोला जाता है कि यार एल ऑपिटल लगा लो अब मान लो पी की वैल्यू हंड्रेड है तो कितनी बार एल ऑपिटल लगाओगे सोच के चलो अब मैं बाय बायफिनिटी पे आ गया हूं जीरो बाई जीरो में हमें पता चल गया उसके 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 बाद uh, standard limits, उसके बाद uh, उसके बाद आपका series expansion कहां तक लगानी है आपको पता चल गया कि मिनिमम डिग्री तक लगानी है और वहीं तक ही बस एक्सपेंड करना है आपको ठीक है ना अब इन्फ्रिटी में इन्फ्री मैंने एलोबेटर लगा सकते हैं बट अगर पावर बहुत ज्यादा हुई तो हंड्रेड पावर हुई तो क्या बार बार एलोपेटर लगाते रहेंगे हम सौ बार थोड़ी एलोबेटर लगाएंगे तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा फंडा होता है सॉल्व करने का वो होता है आप x की पावर p यहां से कॉमन ले लो x की पावर p कॉमन लोगे तो ये आएगा b a प्लस बी बाई एक्स प्लस ऐसे चलेगा और नीचे भी जो आएगा यहां भी x की पावर p कॉमन ले लोगे तो k प्लस एल बाई के एल बाई एक्स सॉरी यहां पे k आएगा फिर आएगा l बाय एक्स ऐसे चलेगा x की पावर p कट जाएगा और एक्स जब इन्फ्रिटी को अटेंड करेगा तो सारे टर्म्स जो है वो जीरो हो जाएंगे बस आपका आंसर बचेगा ए बाई के तो जब भी ऊपर नीचे इन्फ्रिटी बाई इन्फ्रिटी में जब ऊपर नीचे आपका जो मैक्सिमम डिग्री है जो पॉलिनोमियल की डिग्री जिसको बोलते हैं अगर ऊपर नीचे सेम है तो उनके कोफिशियंट्स का रेशियो ही आंसर होता है ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा इफ डिग्री ऑफ डिग्री मतलब जो पोरिनॉमल की डिग्री है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इन न्यूमरेटर इज इक्वल टू इन डिनोमिनेटर तो आपका जो आंसर होगा वो ए बाई के हो जाएगा मतलब हाईएस्ट उसी के रेशियो का कोफिशियन का रेशियो हो जाएगा पर मान के चलो कि ऊपर की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अब मैं यहां पे मैक्सिमम डिग्री की बात कर रहा हूं क्योंकि पोरिनॉमल की बात कर रहा हूं पिछले में क्या था साइन थीटा था कॉज थीटा था टेन थीटा था एक्सपोनेंशियल था बहुत सारे लॉग था और नीचे आपका एक्सक्यूब जो भी था तो आपको एक्सपेंड वहीं तक करना जाता तक डिग्री है मिनिमम डिग्री है वहाँ मिनिमम डिग्री की बात होती है क्योंकि वो सारे पार्ट जीरो बन जाते हैं कॉमन लेने के बाद यहां पे मैं पोलिनोमल बाई पोनोमल की बात कर रहा हूं तो पोलिनोम में हमेशा मैक्सिमम डिग्री होती है डिग्री ऑफ फॉरनोमल क्या होता है जो हाइएस्ट पार होती है तो अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमल न्यूमरेटर डिमोटर में बराबर है तो सीधा आंसर है एलोबेटर लगाने की जरूरत नहीं है सीधा ए बाई के आंसर हो जाएगा पर अगर डिग्री ऑफ डिनोम न्यूमरेटर अगर न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो गई डिनोमिनेटर से मतलब ऊपर की तो एक तो होगी वो इनफिनिटी को तो फंडा होता है कि ऊपर का और नीचे की जो मैक्सिमम डिग्री है परिनामल की वो बराबर होनी चाहिए तो फाइनाइट लिमिट आती है और आंसर क्या होता है उसका वही उन्हीं के कोफिशियंट का रेशियो होता है पर अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा हो गई नीचे की कम हो गई ऊपर एक्स की पावर फोर है नीचे एक्स क्यूब वाला है तो जब एक्स फोर कॉमन लोगे लोग एक्स बच जाएगा तो इसलिए आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा और अगर उल्टा हो गया तो इफ डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन मतलब ऊपर एक्स क्यूब है और नीचे एक्स की पावर फोर है तो नीचे एक्स बचेगा और वन अपॉन इन्फिनिटी जो होगा जीरो होगा तो इसकी लिमिट जो आएगी वो जीरो आ जाएगी तो बेटा ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर आपको बाय इन्फिनिटी में अगर आपको एक नॉन जीरो लिमिट पर अगर ऊपर की डिग्री ज्यादा है नीचे की कम रह गई तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा और अगर ऊपर की कम रह गई नीचे की ज्यादा हो गई देखो जैसे इन्फिनिटी एक्स क्यूब है <coughs> है ना ऊपर एक्स प्लस वन है नीचे एक्सक्वायर प्लस टू है इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है एक्स यहां से कॉमन लोगे वन प्लस वन बाई एक्स और ये आएगा एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे वन प्लस टू बाई एक्सक्वायर तो यहां से एक एक्स बच जाएगा ये तो फिर भी जीरो को अटेंड करेंगे जीरो को अटेंड करेगा तो ये वन अपॉन इन्फिनिटी होगा तो ये जीरो को अटेंड कर जाएगा तो ऊपर कम है नीचे डिग्री ज्यादा है तो जीरो को अटेंड करेगा यही उल्टा कर देते तो ऊपर एक्स बचता तो इन्फिनिटी को अटेंड करता तो हमें मेन मतलब है फर्स्ट वाले केस से तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में टू गेट ए नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट वी हैव टू

ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन ये फिर भी इतनी ज्यादा पूछी नहीं जाती इसको रेश करोगे तो ऊपर एक्स बचेगा और नीचे आ जाएगा लो इसमें जब इसको माइनस करोगे ए रूट ए प्लस रूट भी रूट ए माइनस रूट बी को मल्टीप्लाई करोगे तो ए माइनस भी बचेगा तो इसमें से माइनस करोगे तो सिर्फ एक्स बचेगा एक्स स्क्स वन कट जाएगा अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा हाईएस्ट पार देखनी होगी बस ऊपर की हाईएस्ट पार भी रूट में इंफिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में हमेशा में देखनी होती है ऊपर वाले की भी और नीचे वाले की भी ऊपर वाले में हाईएस्ट डिग्री एक्स है नीचे वाले की भी एक्स ही है क्यूं एक्स है सर क्योंकि एक्स स्क्वायर जब बाहर लोगे तो एक्स आएगा यहां भी जब बाहर लोगे तो लोग ही आएगा मतलब मॉड एक्स आएगा पर क्योंकि फ्रीडी को अटेंड कर रहा है तो इसलिए आपका जो आंसर होगा फाइनली उर्जी का रेशियो हो जाएगा उसी को कोफिशेंट का रेशियो हो जाएगा तो वन अपॉन वन प्लस वन हाफ इसका आंसर होगा या फिर और भी क्वेश्चन आ सकते हैं वन बाई एल एन एक्स सॉरी एक्सटेंडिंग टू वन वन बाई एल एन एक्स माइनस ये कौन सी फॉर्म है पहले फॉर्म चेक करनी पड़ेगी जैसे आप वन को यहां पुट करोगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन लॉग वन वन अपॉन जीरो माइनस इन्फिनिटी फॉर्म आ गई सर याद रेश तो कर नहीं सकते अब कैसे करेंगे इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी रेशलाइज नहीं कर सकते तो एलसीएम ले लो घबराने वाली क्या बात है ये देखो एलसीएम ले लो सर अब कौन सी फॉर्म बन गई डाल के देखो वन डाल के देखो या आई थिंग जीरो बाई जीरो बिंदास लगाओ एक्सपेंशन तो किसी की नहीं लगेगी एल एन एक्स के एक्सपेंशन कहीं लगाएंगे है ना एक्सपेंशन भी हर जगह नहीं लगेगी बट हाँ एलोपिटल लग सकते हैं X 1 का, 1, और X 1 को जीरो बाई जीरो है क्या? आ, देखते हैं वन को टेंड करोगे तो हाँ अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म है एक बार और एलोपिटल लगाना पड़ेगा

और अगर कुछ ऐसा आ गया जैसे मैंने अभी सवाल कराया लॉग एक्स वाला इस आप दोनों को कंबाइन कर दो एलसीएम ले लो और एलसीएम लेकर नॉर्मल जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट हो गया फिर एलोपिटल लगा लो एक्सपेंशन कहीं लगनी हो तो एक्सपेंशन लगा देते मतलब अल्टीमेटली इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी भी आपने देखा रैशलाइज करके इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो गया या एलसीएम लेके जीरो बाय जीरो में कन्वर्ट हो गया मतलब हमारी यहाँ पे दो ही इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं अभी तक इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी और जीरो बाय जीरो जो तीसरी फॉर्म हमने पढ़ी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी वो तो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो गई आपकी आइदर इन आरोप और बाय हो गई ना कन्वर्ट ठीक है अब मैं बात करता फॉर्म की में हम एक काम कर सकते हैं इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं इन्फिनिटी को हम वन बाय जीरो लिख सकते हैं जीरो बाई जीरो में कन्वर्ट कर सकते हैं या जीरो को वन बाई इन्फिनिटी लिख सकते हैं इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं ये बहुत सिंपल फॉर्म होती है भाई अगर मेरे पास कोई सवाल आ गया एक्स कॉट एक्स Infinity, तो मैं तो रोस वन <coughs> तो को टेंड करेगा जीरो को टेंड करेगा और tan पाई बाई टू किसको टेंड करता है टेंडिंग मैं बता रहा हूं इन्फिनिटी को टेंड करता है तो किसी एक को डिनोमीटर में ले जाओ सबसे आसान होता है ट्रिग्नोमेट्री को डिनोमीटर में ले जाओ, तो

का डेरिवेटिव होता है माइनस स्क्वायर चेन रूल से पाई बाई टू जैसे आप एक्स को वन डालोगे आपका वन बन जाएगा जाएगा तो आंसर आ जाएगा, टू बाई पाई। है ना करेंगे हम आगे लेकिन स्टिल मैं साथ साथ इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको साथ साथ एप्लीकेशन पता चलती जाए कि अच्छा जीरो इंट इनफिनिटी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसी एक टर्म को डिनोमिटर में ले जाते हैं स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री वालों को हम डिनोमिनेटर में ले जाते हैं और जैसे डिरोमी में लेके जाएंगे वो जीरो बाई जीरो मल्टीपल तरीके हैं तो, तो एलोपिटल है? है? है जीरो प्लस में मुझे एक्स एल एन एक्स का निकालना है। जीरो प्लस इसलिए बोला क्योंकि लॉग में डोमेन में जीरो प्लस ही आता है ये जीरो को अटेंड कर रहा है लॉग जीरो इंफिनिटी को अटेंड करता है जीरो इंटू इन्फिनिटी कैसे करें एक को नीचे ले जाते हैं लॉग को नीचे मत ले जाना एक्स को ले जाओ फिर अब नीचे क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो है नहीं ट्रिग्नोमेट्री होता तो ट्रिग्नोमेट्री को ले जाना आसान होता है बट एलजेब्रिक और लॉग में आप uh, को नीचे लेके इन्फिनिटी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बन गई ठीक है ना अब यहां पे एलोपेटर रूल लगा देते हैं लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है अपॉन इसका क्या होता है माइनस वन बाई एक्स स्क्सर क्या आ गया माइनस एक्स किसको कर रहा है जीरो को टेंड कर रहा है तो जीरो ही आंसर आ गया तो ये कुछ फ्यू एग्जाम्पल्स है फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो मैंने आपको जीरो इंटू आपको बताए हैं कि अच्छा ये होते हैं तो ये इसके एग्जाम्पल्स हो गए ठीक है क्लियर है जीरो बाई जीरो को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके इन्फिनटी बाई इन्फिटी एलोपिटर लगता है लेकिन स्टिल जो पॉलिम वाला तरीका होता है हाईयर कोफिशियंट वाला वो सबसे अच्छा तरीका होता है उसके बाद अगर हम अगली बात करते हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी की तो वो भी कन्वर्ट हो जाता है जीरो बाई जीरो में इन्फिनटी बाई इन्फिनिटी में एलसीएम लेना होगा या रेशलाइज करना होता है जीरो इंड इफिनटी का सबसे अच्छा तरीका होता है जीरो बाई जीरो बनाना एक को डिनोमीटर में ले जाना या इन्फिनिटी बाय इंफिनटी बनाना अगर ट्रिग्नोमेट्रिक अवेलेबल है कोई फंक्शन तो ट्रिग्नोमेट्री नीचे ले जाना सबसे आसान होता है अगर एलजेब्रिक है तो एलजेब्रिक को नीचे ले जाओ एलोपिटल लगाओ कहानी खत्म है ना क्योंकि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिट में लॉग एक्स था नीचे वन बाई एक्स था तो यहाँ परमन बाई पोनोमन वाला फंडा नहीं है तो इफिनिटी बाई इन्फिनिटी में भी एलओपिटल लगता है

वन की पार इन्फिनिटी को सॉल्व करने का एक अलग मेथड होता है जिसमें हम लोग वन को टेंड कर रहे हैं और इन्फिटी को टेंड कर रहे हैं तो हम लोग वन ऐड करते हैं इसमें अंदर और वन सब्ट्रैक्ट भी करते हैं वन प्लस अगर कोई फंक्शन है वन प्लस कोई फंक्शन है उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं ये फंक्शन है वन के साथ रेसिप्रोकल लिखा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और साथ में एक जी तो दे रखा है क्वेश्चन में तो ये लिमिट बेटा ई को टेंड करता है क्योंकि एक फॉर्मुला है, है हमारे पास कि एक्स टेंडिंग टू जीरो में वन प्लस एक्स की पार वन बाई एक्स की लिमिट ई e को टेंड करती है तो अगर एक्स किसी को भी टेंड कर रहा है और ये दोनों फंक्शन अगर सेम है और वन की पार इन्फिटिव फॉर्म है अगर ये दोनों वैल्यू सेम है एक्स अगर किसी को भी टेंड करे पर अगर वन प्लस समथिंग और वो एक्स और वन अपॉन एक्स अगर कोई ऐसी फॉर्म बन रही है और दोनों वैल्यू सेम है और वन की पार इन्फिटिव फॉर्म है तो इसका आंसर ई हो जाता है तो वही कॉन्सेप्ट यहां पे लगाना है हमें वन प्लस समथिंग और वन अपॉन एट समथिंग को ई e बनाना है इसलिए मैंने एफ एक्स को लिखा वन प्लस समथिंग यानी वन वो समथिंग की वैल्यू उसी का रेसिप्रोकल लिया एफ एक्स माइनस वन का उसी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया मतलब और साथ में Gx ही। तो तो था ये e बन गया क्योंकि वन प्लस समथिंग और उसका रेसिप्रोकल बिकम्स ई ठीक है तो अगर फॉर्म वन की पार इन्फिनिटी है तो पहले तो यही चेक करना पड़ेगा हाँ फॉर्म वन की पार इन्फिनिटी है तो फिर हमें वन के साथ जो भी नंबर आ रहा है और ऊपर जो डिनोमीटर में आ रहा है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए और वो होती है आपकी है ना यहां है, gx को कर रहा है। ये बन जाती। देखो ई टू दी पार में चली गई एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स तो कोई भी सवाल आपका वन की पार इन का आता है आपको सीधा लिखना है ई टू दी पार लिमिट एक्सटेंडिंग टू जिसको भी टेंड कर रही है एफ एक्स माइनस वन जो अंदर फंक्शन था माइनस वन इंटू जी एक्स अब ये वाली जो लिमिट होगी ये जीरो बाई जीरो भी हो सकती है ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी भी हो सकती है जीरो भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है फिर आपको अपने फंडे लगाने पड़ेंगे जीरो बाई जीरो के इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के वो लगाना पड़ेगा लेकिन फिलहाल इसको कन्वर्ट करने का ये मेथड होता है और अगर मैं बात करूं जो बची हुई दो लिमिट्स है जीरो की पार जीरो और इन्फिनिटी की पार जीरो हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं जैसे ही आप लॉग लोगे वो जीरो इंटू इन्फिनिटी वगैरह में कन्वर्ट हो जाएगी इसमें लॉग लेना पड़ता है ये देखो <coughs> एग्जांपल तू हाँ सर एग्जाम्पल दीजिए अगर मैं बोलता हूं लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स की पावर एक्स जीरो की पावर जीरो फॉर्म है इसको एल मान लेते हैं तो लॉग एल हो जाएगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स लॉग एक्स अभी तो जीरो की पावर जीरो फॉर्म थी अब बन गई जीरो इंटू लॉग जीरो लॉग जीरो इंटू जीरो इंटू इन्फिनिटी आपको सॉल्व करना बहुत ही अच्छे से आता है कैसे करोगे जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म सॉल्व कैसे करोगे अभी बताया था मैंने एक को नीचे ले जाओगे और इसको इन्फिनिटी बायी अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हम परिणाम वाला फंडा तो लगा नहीं सकते क्योंकि लॉग एक्स है एलोपिटर लगाएंगे हमने सॉल्व किया था पिछले स्लाइड में जीरो आंसर आया था तो लॉग एल जीरो आ गया लॉग एल की वैल्यू जीरो आ गई तो मतलब एल की वैल्यू कितनी आ गई वन तो आ गई आपको पहले फॉर्म चेक करनी है उस हिसाब से आपको मेथड लगाने हैं बच्चों समझ गए मेरे बच्चों पहले आपको क्या करना है पहले आपको फॉर्म चेक करनी है अच्छा जीरो फॉर्म है ओहो यार ये तो पोरिनॉर्मल है फैक्टराइज हो जाएगा यार, यार पे लग सकता है लगा देते हैं आसान कर देते हैं सवाल को रूट आ रहा है रेशनाइज करते जीरो बाई जीरो की बात बता रहा हूं नहीं यार इसमें डायरेक्टली ना एलोपिटल लगा सकते हैं नहीं एलोपिटल बहुत लंबा पड़ेगा पहले फॉर्मुला लगा देते हैं फिर एलोपिटल लगा देंगे या सीरीज लगा देते हैं तो ये जीरो बाई जीरो के सबसे ज़्यादा सवाल जेई में आते हैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस जीरो बाई जीरो की करेंगे फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में भी अगर कोई सेपरेट फंक्शन है तो एलोबेटर लगा देंगे तो इन्फिनिटी इन्फिटी में, में बता दी अरे इन्फिनटी माइनस इन्फिटी है रेशनाइज कर देते हैं आपस में क्लब करके एल्सियम लेते हैं क्योंकि वह बनी जाएंगे जीरो बाई जीरो जाएंगे जीरो इंटू भी कन्वर्ट हो जाएगा जीरो बाई जीरो डिनोमीटर में ले जाने पर

लिमिट्स की ऑलमोस्ट हमने थ्योरी पढ़ ली एक्सेप्ट सैंडविच थ्योरम जो हम लास्ट में करेंगे पर यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो मुझे बताओ बेटा ठीक है ना आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि कोई भी डाउट्स आई थिंक यहां तक मैंने अच्छे से आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि लिमिट की फॉर्म्स क्या होती है उनका मीनिंग क्या होता है चेक कैसे करते हैं उन्हें सॉल्व कैसे करते हैं हालांकि अभी एग्जाम्पल्स में आपको बहुत सारे करवाऊंगा ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी से काम चलेगा बट क्वेश्चन तो करने ही पड़ेंगे लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं बेटा कि कौन सी फॉर्म्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स नहीं होती कौन सी फॉर्म्स इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स नहीं होती यह बहुत ध्यान रखना जरूरी है है ना आई थिंक आप सबको याद तो हो गया कौन सी इंफिनेट फॉर्म है फिर भी ध्यान रखो कि कौन सी नहीं होती इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही होगा कोई फॉर्म वॉर्म नहीं होगी सीधा आंसर लिख देना इन्फिनिटी को अटेंड करेगा infinity प्लस इंफिनिटी प्लस इन्फिनिटी दो लार्ज नंबर को ऐड करोगे या मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी ही आएगा

अगर ऊपर इन्फिनिटी या नीचे जीरो है इन्फिनिटी बाय जीरो व्हाट इज इन्फिनिटी बाई अपॉन जीरो को इन्फिनिटी लिख सकते हैं तो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी हो गया वो एक तरीके से खुद चेक कर सकते हैं ये चीजें एग्जैक्ट जीरो बाई टेंडिंग टू जीरो अब एग्जैक्ट जीरो आ जाए नीचे कुछ जीरो पॉइंट जीरो जीरो तो आंसर जीरो ही होगा ऑब्वियस ही बात है ये फॉर्म्स नहीं होती फॉर्म हमेशा टेंडिंग टू टेंडिंग टू होती है कि टेंडिंग अपॉन टेंडिंग या टेंडिंग इनटू टेंडिंग या टेंडिंग की पावर टेंडिंग कुछ भी एग्जैक्ट नहीं होगा अगर एग्जैक्ट वन की पार इनफिनिटी होगा तो वन ही होगा अगर एग्जैक्ट जीरो अपॉन कुछ टेंडिंग टू जीरो होगा तो जीरो ही होगा ठीक है जीरो की पार इन्फिनिटी मतलब किसी फ्रैक्शन को आपने इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो जीरो ही आएगा आंसर मैं बोल रहा हूं फिर बता रहा हूं बेटा ट्राई टू अंडरस्टैंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म कौन सी होती है जब पावर में जीरो होता है ये होती हैं लेकिन जब पावर में इन्फिनिटी हो जाए तो नहीं होती है क्योंकि इन्फिनिटी की पार इन्फिनिटी लार्ज नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाओ तो वेरी लार्ज नंबर तो ये तो टेंड करेगा किसको को इन्फिनिटी को और किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को टेंडिंग टू जीरो का मतलब यहां पे किसी फ्रैक्शनल वैल्यू को और इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो बहुत छोटा हो जाएगा तो टेंडिंग टू जीरो ठीक है ना समझ में आ गया ना इन्फिनिटी प्लस और इन्फिनिटी इनटू टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा पावर में इन्फिनिटी इन्फिनिटी रहेगा

रीके लगाऊंगा लॉग वॉग लेने वाले जब मैं, जब फॉर्म ही नहीं बन रही तो मैं क्या करूंगा मेरा आंसर ही आ जाएगा सीधा भाई अगर मेरे पास एक्स जीरो को टेंड कर रहा है तो ये जीरो को टेंड कर रहा है और ये इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है जीरो की पार इन्फिनिटी कोई फॉर्म ही नहीं होती फ्रैक्शन की पार इन्फिनिटी विल टेंड टू जीरो आंसर सीधा जीरो हो गया लॉग वॉक कुछ नहीं लेना आपको तो ध्यान रखना ये सब चीजें ठीक है ना और ये भी ध्यान रखना एग्जैक्ट जीरो अपॉन टेंडिंग टू जीरो जीरो एग्जैक्ट वन की पावर इन्फिनिटी इज वन इट्स नॉट ए फॉर्म फॉर्म में हमेशा टेंडिंग टेंडिंग चीजें होती हैं ये आई क्या देखो इन्फिनिटी की पार इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है एग्जैक्ट जीरो की पावर जीरो प्लस एग्जैक्ट जीरो एग्जैक्ट जीरो की पावर कोई नंबर है कॉन्स्टेंट नंबर है तो जीरो की पावर कुछ भी रखोगे जीरो ही आएगी एग्जैक्ट जीरो ध्यान रखना एग्जैक्ट <coughs> जीरो की पावर जीरो माइनस क्योंकि वन अपॉन जीरो बन जाएगा वो जीरो माइनस मतलब नेगेटिव नंबर ये नेगेटिव नंबर है नेगेटिव नंबर है ये और जीरो की पावर में कुछ माइनस टू रखोगे तो वन अपॉन जीरो का स्क्वायर हो जाएगा तो 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 ये ये नॉट डिफाइंड होगा वैसे भी तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए वैसे भी जब एग्जैक्ट चीजें आ जाती है ना एग्जैक्ट एग्जैक्ट तो वो एक्ट फॉर्म की बात ही नहीं होती उसमें फॉर्म हम बात करते हैं हमेशा टेंडिंग पे टेंडिंग टू वन की पावर टेंडिंग टू इंफिनिटी एग्जैक्ट वन की ही होगा टेंडिंग टू जीरो की पावर टेंडिंग टू जीरो अब मैं आपको एक बात बताऊं मुझे टेंडिंग टू जीरो की पावर एग्जैक्ट जीरो क्या होगा आप ही सोचो जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन की पावर जीरो आएगा? आएगा किसी भी नॉन जीरो पावर एग्जैक्ट जीरो वन ही तो होता है तो ध्यान रखना अगर कोई भी चीज एग्जैक्ट आ जाए तो फिर कहानी बदल जाएगी ठीक है ना और यह ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये जीरो की पार इंफिनिटी जीरो ही होता है यह ध्यान रखना ठीक है तो आई थिंक सभी बच्चों को यहां तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी यहां तक सबको समझ में आ गया क्योंकि अब हम इसके बाद बहुत अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं जीरो बाई जीरो मतलब सारी फॉर्म्स के स्पेशली जीरो बाई जीरो फॉर्म्स के इनफिनिटी बाई इन्फिनिटी के जो भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि ए बी सी की वैल्यू निकालो ताकि इसकी लिमिट फाइनाइट हो एग्जिस्ट करे तो ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं मैंने आपको सबके एग्जांपल्स बता दिए हालांकि सबसे ज्यादा वेटेज जीरो बाई जीरो नाइनटी परसेंट क्वेश्चन जीरो बाय जीरो के आते हैं उसके बाद जो रिमेनिंग पांच सात परसेंट है वो आपके आपके वन की पार इन्फिनिटी के आ जाते हैं उसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे बाकी सारी फॉर्म्स कन्वर्टेबल है आप देख रहे हो सारी फॉर्म्स कन्वर्टेबल है और लास्ट की दो फॉर्म्स में लॉग लेके सॉल्व करना होता तो है उसमें भी बहुत कम फ्यू एग्जांपल्स हैं एक्स की पावर एक्स हो गया साइन एक्स की पावर एक्स हो गया जनरली उनके आंसर्स वन ही आते हैं है ना इसे ज्यादा सवाल जो मोटे सवाल बनते हैं अच्छे सवाल बनते हैं एडवांस के लिए जी के लिए वो जीरो बाई जीरो के बनते हैं आपने देखा होगा पिछले जितने भी सालों के पेपर उठा के देख लो मैक्सिम सवाल जीरो इन्फिनिटी के आते हैं या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के भी आ सकते हैं तो यही फॉर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाकी फॉर्म इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है दे आर कवर्टेबल ऑल्सो ठीक है चलिए तो अब हम यहां पे क्वेश्चन शुरू करते हैं सो पहला सवाल है वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो स्क्वायर अपॉन टू एक्स टेन एक्स माइनस एक्स टेन टू एक्स बच्चों का रिप्लेस करेंगे तो उससे क्या होता है क्वेश्चन आपका थोड़ा इजी हो जाता है एंड इट्स ईजी टू सॉल्व ठीक है तो चलिए वन माइनस कॉस टू थीटा का जो फॉर्मुला होगा उसको लगाते हैं तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो टू साइन स्क्वायर एक्स का जो स्क्वायर होगा वो होगा साइन फोर टाइम साइन की पार एक्स और नीचे एक्स कॉमन लेंगे तो ये आएगा टू टेन एक्स माइनस टेन टू एक्सन की पार एक्स में हम लोग क्या करते हैं की पावर फोर से डिवाइड करेंगे और एक्स की पावर फोर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि ये वाली जो लिमिट है ये 1 बन जाए तो जैसे मैंने बताया कि आप जब भी लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करते हो कहीं भी हाफ एंगल फॉर्मुला लग रहा है या जहां पे स्टैंडर्ड लिमिट का फॉर्मुला लग रहा है पहले आप वो लगा लो

जब आप एलोपिटल डिफरेंशिएट करोगे फिर डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा टाइम लगता है तो एलोपिटल में अगर आपको लगता है कि टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं और मैंने बताया था कि जब आप एक्सपेंशन यूज करते हो अगर न्यूमरेटर में एक्सपेंशन यूज कर रहे हो तो वहीं तक ही एक्सपैंड करना जहां तक उल्टा यानी ऑपोजिट वाले का की डिग्री है मिनिमम डिग्री है तो यहां पे मैं डिनोमिनेटर में एक्सपेंशन में लगाऊंगा और वहीं तक ही एक्सपेंड करूंगा जहां तक न्यूमरेटर की डिग्री यानी थ्री तक लगाऊंगा उसके आगे कोई फायदा नहीं है वैसे भी लगाने का ठीक है देर इज नो पॉइंट तो यहां पे हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और ये हो जाएगा फोर एक्स क्यूब टेन एक्स की एक्सपेंशन में लगाने वाला हूं सिर्फ एक्स क्यूब बाई थ्री तक बस और टेन टू एक्स की भी टेन टू एक्स की एक्सपेंशन क्या होगी एक्स को टू एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो टू एक्स प्लस एट एक्स क्यूब बाई थ्री तो यहां से क्लियरली नजर आ रहा है कि आपका टू एक्स और टू एक्स कैंसल आउट हो जाएगा और फाइनली जो बचेगा वो बचेगा फोर एक्स क्यूब अपॉन टू एक्स क्यूब थ्री माइनस एट एक्स क्यूब थ्री सिक्स एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस टू एक्स क्यूब तो फोर एक्स क्यूब अपॉन माइनस टू एक्स क्यूब तो आंसर आ जाएगा माइनस टू तो माइनस टू विल बी द राइट आंसर ठीक है तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जीरो बाई जीरो को सॉल्व करने के लिए हमने पहले हाफ एंगल फॉर्म लगाया साइन की पावर फोर आ गया उसे एक्स की पावर फोर से डिवाइड मल्टीप्लाई करके एक्स की पावर फोर बना दिया सबसे आसान होता है एक्स की पावर फोर को डिफ्रेंशिएट करना ज्यादा ईजी है साइन की पावर फोर से तो इट्स बेटर कि आप स्टैंडर्ड लिमिट लगा दो उसके बाद सोचना है एलोपिटल से लगाएं या एक्सपेंशन से कर सकते हैं तो मैंने एलोपिटल को नहीं यूज किया बिकॉज टैन का एक्सप्रेशन है सेक्स स्क्वायर आएगा फिर दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो इट विल टेक दे लॉट ऑफ टाइम तो सबसे अच्छा आप एक्सपैंड कर दो और वहीं तक एक्सपैंड करो जहां तक ऑपोजिट वाले, वाले यानी न्यूमरेटर की डिग्री है एक्सपैंड किया क्यूब तक क्यूब क्यूब आपस में कैंसिल हो गए एक्स और एक्स भी कैंसिल हो गए और फाइनली जो आंसर निकल के आया है डेट इज माइनस टू तो यस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ठीक है अब मैं आपको सारे एग्जांपल्स कराऊंगा सारे क्वेश्चन जीरो बाय जीरो बाय इन्फिनिटी या वन की पार इन्फिनिटी के और आपको पता चलेगा जो भी हमने थ्योरी पढ़ी है उसको कैसे अप्लाई करना है कैसे क्वेश्चन में, में पूछे जाते हैं वैल्यू okay, बतानी है अब वन माइनस क्यों है बच्चे पूछते हैं सर वन माइनस क्यों है क्योंकि साइन इनवर्स की डोमेन होती है माइनस वन से वन तो वन प्लस पे वो जो आपकी लिमिट होगी वो ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करेगी क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर डोमेन में वन के आगे नहीं जा सकता इसलिए सिर्फ वन माइनस पूछा गया तो ज्यादा कंफ्यूज होने वाली इसमें बेटा बात नहीं है है ना अगर जैसे कई बार लॉग एक्स होता है लिमिट में तो एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस लिखते हैं हम लोग द रीजन इज क्योंकि जीरो माइनस पे वो फंक्शन डिफाइंड नहीं होता ठीक है ओके okay. अब यहां पर जीरो बाई जीरो आप यहां पर एलोपिटल रूल लगा लो या फिर यहां पे पहले हम थोड़ा रैशलाइज कर लेते हैं रेशलाइज करके थोड़ा क्वेश्चन को इजी बना लेते हैं और उसके बाद सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो क्योंकि रूट का डेरिवेटिव करना उससे बेटर पहले रेशनाइज कर लो जब भी स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट होते हैं मैंने बताया आपको जनरली ट्राई टू तो रेशलाइज इट थोड़ा क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लो चाहे रेशनाइज करना हो फैक्टराइज करना हो या कुछ सब्सिट्यूट ही करना हो ठीक है या कोई स्टैंडर्ड लिमिट लगानी हो या हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मूले लगाने हो पहले क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर लो उसके बाद हम ट्राई करते, है तो करते हैं कि एल एक्सपेंशन टू सॉल्व एनी जीरो पाए माइनस टू साइन इनवर्स एक्स नीचे आ जाएगा अंडर रूट पाए प्लस अंडर रूट टू साइन इनवर्स एक्स और इन टू अंडर रूट वन माइनस एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस अब जो भी एक्सप्रेशन जीरो बाई जीरो में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा उसकी वैल्यू डाल सकते हो आप रेशनलाइज करने का फायदा यह हुआ कि जब मैं यहां डालूंगा तो ये आपके टू रूट पाए जाएंगे तो यह जीरो में पार्टिसिपेट नहीं करे देखो ऊपर वाला अभी भी जीरो बन रहा है वन डालोगे और नीचे वाला ये पार्ट भी जीरो बन रहा है जीरो बाई जीरो फॉर्म है पर ये जो एक्सप्रेशन है रूट प्लस रूट वाला इसकी वैल्यू आप शुरू में डाल सकते हो कोई टेंशन नहीं है ठीक है तो ये रूट पाए रूट पाए तो वन बाई टू रूट पाए तो आपका बाहर ही आ गया और आपकी जो लिमिट बच गई एक्सटेंडिंग टू वन माइनस वो है माइनस टू साइन इनवर्स अंडर रूट हो गया अब आपकी मर्जी तो साइन इनवर्स की एक्सपेंशन जनरली में याद नहीं होती है या वन माइनस एक्स की पार हाफ में बाइनोमियल एक्सपेंशन लगानी होती है तो इट्स बेटर टू यूज एलोपिटल क्योंकि डिफरेंशिएशन करना आसान है इन दोनों का यू हैव टू आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सोचना पड़ेगा अच्छा क्या लगाया जाए जहां पे एक्सपेंशन इजी लग रही है आपको लग रहा है एलोपिटल लगा लो पर एलोपिटल एक्सपेंशन से पहले देख लो इफ यू वॉन्ट टू सिंपलीफाइड एट एक्सप्रेशन तो मैंने सिंपलीफाई किया कैसे रैशनाइज किया और एक रूट पाए वाले पार्ट को जो था वो प्लस वाला जो पार्ट है उसकी वैल्यू डाल दी बाहर कर दिया उसको क्योंकि वो जीरो बाई जीरो में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा ठीक है तो अब मैं यहां पे एलोपेटा लगाने जा रहा हूं तो अगर मैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा? टू, टू, टू रूट वन माइनस एक्स तो टू रूट वन माइनस एक्स नेगेटिव साइन ये आ जाएगा तो टू और टू ये फोर बाहर आ जाएगा और टू से फोर कटेगा तो यह आ जाएगा टू बाय पाए और लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स और ये भी हो जाएगा अंडर रूट वन माइनस एक्स इन टू वन प्लस एक्स बस हो गया सॉल्व कैंसिल हो गया आपस में और जब वन डालोगे तो रूट टू आ जाएगा तो इसका जो आंसर आएगा फाइनली वो आएगा टू बाय और नीचे आ जाएगा आपका वन बाय रूट टू सो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ टू बाय पाए अंडर रूट ऑफ टू बाय पाए राइट आंसर तो जीरो बाई जीरो को सॉल्व करने के लिए मैं आपको अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस हम लोग इस तरीके से सॉल्व करते हैं कहां पे हाफ एंगल लगाना है कहां स्टैंडर्ड लिमिट लगानी है सिंपलीफाई करना है और फिर एलोपिटल या सीरीज लगानी है या शुरुआत में भी कई बार एलोपिटल लग जाता है फिर लिमिट्स लग जाती है साइन एक्स बायस का फॉर्मला लग जाता है तो ये हमें दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि स्क्वायर रूट्स देखा तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि यार हम लोग यहाँ पे रेशनाइज करें रेशनाइज करने के बाद जो नीचे एक्सप्रेशन आया उसकी वैल्यू डाल के अलग कर दिया जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन है उसमें लॉपिटल लगाया एक ही बार लगाया लॉपिटल और यहां पे आपका देख लो ईजिली आपका आंसर आ गया दिस इज अंडर रूट ऑफ टू बाई पाएस ए इज द राइट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सभी बच्चे एक्साइटेड हैं एकदम लिमिट्स को हम एकदम आज अच्छे से पानी पानी कर देंगे लिमिट्स को अच्छे से सीख के रहेंगे जो भी मैंने फंडे आपको बताया चाहे एल के हैं या एक एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को कैसे सॉल्व किया जाता है क्या तरीके होते हैं स्पेशली जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाली फॉर्म्स हैं है ना उनको ध्यान से पढ़ना है और लिमिट्स का मीनिंग क्या है एल एचल आ रहा है चल कब चेक करते हैं जी आई एफ के सवाल मोड के सवाल ये सब आज हम करने वाले हैं अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं ठीक है अगला सवाल है कॉट क्यूब एक्स माइनस टेन एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई बाई फोर अब यहां पे कॉट क्यूब एक्स है और टेन एक्स है और नीचे कॉस ऑफ एक्स प्लस पाई फोर है यानी कि जब पाई बाई फोर डालोगे तो ऊपर भी जीरो बनेगा और नीचे भी जीरो बनेगा अब मैं यहां पे इस सवाल में आई कैन थिंक ऑफ एल ऑपिटल रूल डायरेक्टली सर यह कैसे सोचा आपने एल यार मैंने सोचा कि नीचे का जब डिफरेंशिएशन करूंगा तो साइन ऑफ डालूंगा तो साइन पाई बाई टू बनेगा जीरो बार डिफरेंशिएट करने पर खत्म हो रही है जीरो बाई जीरो बार डिफरेंशिएट करने पर खत्म हो जाएगी डिनोमिनेटर में मतलब मेरा आंसर एक ही स्टेप में आ जाएगा ऐसे सोचा तो अब हम क्या करने वाले हैं यहां पे डायरेक्ट एल ऑपिटल लगा क्योंकि एल ऑपिट लगाने से पहले आपको ये देखना पड़ता है ऊपर नीचे डेरिवेटिव डेरिवेटिव ज्यादा लंबे तो नहीं हो जाएंगे क्योंकि एक बार अगर किया फिर फिर आ गया दोबारा किया तो फिर हम कुछ और सोचते हैं कि नहीं यार, नहीं यार करने कुछ और फंडा लगाते हैं कंपाउंड एंगल फॉर्मला लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मला लगाते हैं कुछ और करते हैं ताकि थोड़ा सिंपलीफाई हो जाए बट यहां पर पे मैंने देख लिया ये भाप लिया कि कॉस का जब डेरिवेटिव करोगे साइन में आएगा तो वो डायरेक्टली नीचे वन बनेगा है ना तो कॉट क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है देखो थ्री कॉट स्क्वायर एक्स और थ्री कॉट स्क्वायर एक्स और कॉट का होता है माइनस थिंक एक ही स्टेप में आपका खत्म हो जाएगा माइनस माइनस साइन विल कैंसिल आउट और आई थिंक अभी जीरो बाई जीरो फॉर्म खत्म हो गया मुझे बस यहां पर पाई बाई फोर डालना है तो कॉट पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन कॉसेक्स स्क्वायर पाई बाई फोर की वैल्यू होती है टू और का भी होती है वैल्यू टू और नीचे साइन पाई बाई टू होता है थ्री इंटू टू सिक्स प्लस टू एक ही स्टेप में आंसर आ गया एट स्मार्ट वर्क करना है आपको काफी सारे बच्चे क्या करेंगे कॉट को और टैन को साइन बाई कॉस या कॉस बाई साइन में कन्वर्ट करेंगे नीचे कंपाउंड एंगल फॉर्मुला लगाएंगे हो जाएगा उससे भी सॉल्व लेकिन एल ऑपिटल या एक्सपेंशन एक्सपेंशन तो चलो यहां नहीं लगेगी कॉट क्यूब है वगैरह वगैरह तो एल ऑपिटल लगेगा या फिर कोई फार्मूला लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का या नॉर्मल फॉर्मूला तो मैंने एल ओपिटल सोचा एल एलोपिटल लगाने में तब प्रॉब्लम आती है जब मुझे लगता है एक बार डिफ्रेंशिएट करने पर जीरो बाई जीरो दोबारा बनेगा और डेरिवेटिव्स बार बार करने पड़ेंगे तब मैं सोचता हूं किसी ऑल्टरनेट मेथड के बारे में कि यार कोई शॉर्टकट लगाएं कोई फॉर्मुला लगाएं थोड़ा सिंपलीफाई करें फिर एल ऑपिटल या सीरीज लगाएं एक्सपेंशन लगाएं लेकिन यहां पे सोच लिया हमने कि डिनोमिनेटर एक ही बार में नॉन जीरो बन जाएगा तो एल से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया एक स्टेप में एट इज द राइट आंसर <coughs> समझ में आ रहा है बेटा ये जीरो बाई जीरो फॉर्म के बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स हैं सिंपल एग्जाम्पल्स हैं और इससे आप ये सीख रहे हो कि अच्छा क्वेश्चन को पहले सिंपलीफाई कर सकते हैं हम लोग बिफोर यूजिंग एल और सीरीज या कई बार डायरेक्टली एल से भी आंसर आ जाता है एलोपिटल के बाद हम सीरीज लगा सकते हैं या फिर कोई स्टैंडर्ड लिमिट लगा सकते हैं तो इसी इन्हीं वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम से आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या क्या मेथड्स क्या क्या स्टेप्स हम फॉलो कर सकते हैं ठीक है ओके okay, तो अगला सवाल जो है बड़ा खतरनाक सा नजर आ रहा है यार दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आ आ रहा रहा है है साथ साथ भी आ रहा है। और घबराना नहीं क्योंकि ऐसा सवाल हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर अपनी वैल्यू ले लेता ले ले है एग्जैक्टली exactly, और मॉड भी अपना साइन ले लेता ले है प्लस या माइनस उसके बाद जो लिमिट बचती है उसको हम सॉल्व करते हैं तो पहले ये जो जी और मॉड का जो प्रॉब्लम है ये जो पंगा है पहले इनको खत्म करते हैं ध्यान रखना ये जो स्यापा है <laughs> है ना कि ये जो प्रॉब्लम है मॉड का और मॉड ऑफ या ग्रेटेस्ट इंटीजर का पहले इस को खत्म करेंगे इसको निपटाएंगे विल कंटिन्यू प्रॉब्लम जो के में जो बच जाएगा फिर हम सॉल्व करेंगे देखेंगे क्या है, है। कैसे करना है। तो सबसे पहले जो मुझे नजर आ रहा है वो है mod x, एक मुझे नजर आ रहा है दोनों मॉड और जी आई एफ नजर आ रहे लिमिट एक्स वन को टेंड कर रहा है राइट हैंड साइड से तो मॉड एक्स तो ही हो जाएगा मॉड एक्स का साइन तो एक्स ही होगा तो लिख लेते हैं लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस वन माइनस मॉड एक्स को मैं एक्स लिख रहा हूं अच्छा वन माइनस एक्स का जो मॉड होगा वो एक्स माइनस वन हो जाएगा जब एक्स वन से बड़ा होगा जब एक्स वन से बड़ा होता है तो एक्स माइनस वन का मोड या वन माइनस एक्स का मॉड एक्स माइनस वन होता है तो यहां पे हो जाएगा साइन ऑफ एक्स माइनस वन ठीक है एक चीज तो ये होगा अब आएगा साइन ऑफ अब ये बताना मुझे x का कितना होगा, सोचो। क्योंकि माइनस ऑफ जीरो नेगेटिव फ्रैक्शन का जी आई एफ होता है माइनस वन तो साइन के अंदर आ जाएगा माइनस पाई बाई टू नीचे क्या आएगा नीचे वन माइनस एक्स का मॉड एक्स माइनस वन हो जाएगा और वन माइनस एक्स का जो जी आई एफ होगा वो होगा माइनस वन सबको समझ में आ गया बेटा क्योंकि एक्स की वैल्यू जब वन से हल्की सी बड़ी होगी तो वन में से उसको करोगे तो नेगेटिव फ्रैक्शन आएगा तो नेगेटिव फ्रैक्शन का जी आई एफ होता है माइनस वन मैंने वैल्यू डाल दी और मॉड का साइन डाल दिया मॉड का फंक्शन डाल दिया तो बचे आप देखते क्या आता है तो माइनस वन से माइनस वन कैंसिल हो गए तो क्या बच गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन प्लस ये हो जाएगा वन माइनस एक्स प्लस एंड दिस विल बिकम साइन ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो एलोपिटल मेगल से एक बार ही एलोपिटा लगाने से काम हो जाएगा या तो एलोपिटल लगा लो या फिर स्प्लिट भी कर सकते हो एलोपिटल भी लगा सकते हो स्प्लिट भी कर सकते हो आपकी मर्जी है बेटा चलो मैं एलोपिटा लगा के दिखा देता हूं एलोपिटल में ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस वन इसका आ जाएगा कॉस ऑफ एक्स माइनस वन नीचे वाले का वन

और जीआईएफ की वैल्यू डालनी है जो भी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी और जो बची हुई लिमिट है उसमें देख लो क्या करना है अब वो zero zero थी। be, yes, right तो इस तरह के सवाल आपके जेई मेन में इनफैक्ट एडवांस्ड में काफी पूछते हैं जहां पे जी होता है मोड होता है फ्रैक्शनल पार्ट होता है? ऐसे काफी सारे सवाल आपके एग्जाम में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल है वैल्यू ऑफ लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू ऊपर है वन प्लस कॉस थ्री एक्स बाय टू मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म नजर आ रहा है जब मैं पाई बाई टू डालूंगा तो ये थ्री पाई बाई टू और साइन पाई बाई टू बिल्कुल ऊपर जीरो बनेगा और नीचे जब एक्स को पाइवेट डालूंगा यह भी जीरो होगा और कॉस फाइव पाई बाई फोर ये आपस में कैंसिल हो जाएगा जीरो बाई जीरो फॉर्म आएगी लेकिन यहां पर ना एल ओपिटल लगाने से हम लोग थोड़ा कतरा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है काफी लेंदी प्रॉब्लम चला जाएगा इट्स बेटर टू यूज़ कंपाउंड एंगल फार्मूला या ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेज यूज करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले यूज़ करते हैं थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं उसके बाद हो सकता है कि हमें एल ओपिटल वगैरह लगाने की जरूरत पड़े ठीक है जब इतना लंबा सवाल आता है तो घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि एलोपिटल लगाने में थोड़ा हालत टाइट होगी यार एकदम से क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बड़े एक्सप्रेशन है स्पेशली नीचे डिनोमिनेटर में तो एक बार हमें लगेगा यार एलोपिटल तो नहीं और एक्सपेंशन में भी थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि साइन थ्री एक्स की एक्सपेंशन साइन एक्स की एक्सपेंशन तो इट्स बेटर कि हम यहां पे साइन सी प्लस साइन डी वो वाले फॉर्मुले यूज करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चन हमें इनवाइट कर रहा है कि नहीं वो फॉर्मुला यूज करो तो पहले वही फॉर्मुला यूज करते हैं ठीक है तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू में मैं ऊपर वाला फॉर्मुला यूज करने वाला हूं फोर रूट टू टू साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू इट इज एक्स नीचे क्या मुझे नजर आ रहा है एक चीज मुझे नजर आ रही है रूट टू कॉमन लेके हाफ एंगल फॉर्मूला और एक कॉसी माइनस कॉस डी नजर आ रहा है मुझे इसको ऐसे रहने दो एक बार के लिए क्योंकि कॉस माइनस कॉस डी में वही टू साइन और टू साइन वाला फॉर्मुला लगेगा Cos C minus cos D क्या होता है टू साइन सी प्लस डी बाई टू साइन डी माइनस सी बाई टू इसलिए मैंने टू साइन टू साइन को नहीं छेड़ा अभी इसको एक, क्या पता आपस में ही हो जाए इसको नहीं छेड़ा और कॉस फाइव एक्स बाई टू माइनस कॉस थ्री एक्स बाई टू ठीक है तो ये हो जाएगा आपका टू टू साइन सी प्लस डी सी प्लस डी हो जाएगा आपका फोर एक्स फोर एक्स बाई टू टू एक्स हो जाएगा करोगे डी माइनस सी तो वो जाएगा, 2, तो हो जाएगा 3x माइनस एक्स बाई टू तो माइनस एक्स बाई टू आ जाएगा अच्छा माइनस रूट टू टाइम्स वन प्लस इट इज टू साइन टू कॉस स्क्वायर थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा क्या ये सबको लॉजिक समझ में आ गया देखो मैंने क्या किया यहां पे ध्यान से समझना साइन सी प्लस साइन डी का मैंने यहां पे फॉर्मूला लगाया साइनसी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया यहां पे मैंने कॉस्सी माइनस कॉस्डी का फॉर्मला लगाया इसे टू साइन ए साइन भी यहां नहीं लगाया मैंने टू साइन ए साइन भी क्योंकि कॉस माइनस कॉस डी में भी टू साइन साइन आ जाता है तो क्या पता कुछ कॉमन आ जाए जैसे यहां कॉमन आ जाएगा ना टू साइन टू एक्स कॉमन आ जाएगा इसलिए मैंने फॉर्मुला नहीं लगाया था तो मैंने कॉस्सी माइनस कॉस डी लगाया और रूट टू कॉमन लेके वन प्लस कॉस टूर का फॉर्मुला लगाया ठीक है यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनली यहां तक सब कुछ सही चल रहा है ठीक तो है अल्टीमेटली कुछ कैंसिल आराम से सॉल्व करना है बट डूएल सवाल है ये तो फोर रू टू हो जाएगा आपका साइन टू एक्स कॉस एक्स अब नीचे हमारा साइन टू एक्स कॉमन आके बन गया साइन थ्री एक्स बाई मतलब लिमिट का सवाल नहीं है ये ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है मतलब ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मुले लगा के इस क्वेश्चन को इतना छोटा करना है इतना सिंपलीफाई करना है कि उसके बाद हम स्टैंडर्ड लिमिट या एल ऑपिटल या एक्सपेंशन जो भी लगाना चाहे लगा लें है ना तो पहले सिंपलीफाई कर रहे हैं हम लोग इसको ओके okay. तो साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हमें यहां पे लगाना पड़ेगा तो वो हो जाएगा आपका साइन सी माइनस साइन होता है टू कॉस सी प्लस डी ठीक है तो c प्लस डी बाई टू हो जाएगा आपका 2x 2x टू एक्स बाई हो जाएगा x और साइन c माइनस डी बाई टू तो साइन c माइनस डी बाई टू हो जाएगा x बाई टू और यहां हो जाएगा माइनस रूट टू कॉस स्क्वायर एक्स तो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है आई थिंक कॉस एक्स यहां से अब कैंसिल हो जाएगा तो मेरे ख्याल से अब शायद हम वैल्यू अगर डाल के देखें तो आई थिंक जीरो बाई जीरो फॉर्म खत्म हो रही है क्योंकि अभी तो जीरो बाई जीरो फॉर्म थी

ये हो जाएगा फोर रूट टू साइन टू एक्स फोर रूट टू साइन टू एक्स नीचे आ जाएगा टू साइन टू एक्स इंटू साइन एक्स बाई टू टू साइन टू एक्स इंटू साइन एक्स बाई टू माइनस रूट टू कॉस एक्स अब यहां मैं साइन टू एक्स का फॉर्मुला लगाने जा रहा हूं यह हो जाएगा आपका एट रूट टू साइन एक्स कॉश एक्स नीचे भी फोर साइन एक्स कॉसेक्स साइन एक्स बाई टू माइनस रूट टू कॉक्स फिर से आपका कॉसेक्स कट गया आई थिंक अब शायद खत्म हो जाए अब बिल्कुल खत्म हो जाएगी जीरो बाई जीरो फॉर्म मतलब यहां पे एलोपिटल लगाना ही नहीं है सीरीज लगानी नहीं है कोई फॉर्मुला लगाना ही नहीं है ये पूरा सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक है हमने शुरुआत किया ऊपर कंपाउंड एंगल फॉर्मुला साइनसी प्लस डी नीचे भी लगाया कॉस माइनस कॉसडी और हाफ एंगल फॉर्मुला भी लगाया और जब फाइनली हमारा यहां पे कॉमन आ गया तो कॉमन लेके हमने फिर से फॉर्मुला लगाया साइन टू एक्स का फॉर्मुला लगाया तो अब मेरे ख्याल से आप देख सकते हो पाई बाई टू डालने पर ऊपर आ रहा है एट रूट टू पाई बाई टू डालने पर यह फोर इंटू वन इंटू वन बाई रूट टू और माइनस ये आ जाएगा रूट टू सो दिस बिकम्स एट रूट टू अपॉन ये हो जाएगा टू रूट टू माइनस रूट टू तो दिस विल बी एट तो एट इसका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा बेटा यस सो एट इज द राइट आंसर सो so, आप देख सकते हो इस क्वेश्चन में बेटा आराम से कि हमने ऊपर साइनसी प्लस साइन डी लगाया नीचे C लगाया फिर साइन टू एक्स कॉमन लेके फिर साइन सी प्लस साइन डी लगाया X एक बार तो कट गया पर फिर जीरो बाई जीरो फॉर्म आई फिर मैंने साइन टू एक्स का फॉर्म लगाया हाफ एंगल टू साइन थी कहीं भी एलोपिटर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और उसके बाद जीरो बाई जीरो फॉर्म खत्म हो गई और लास्ट में हमारा आंसर एट आ गया तो डेट मीनस ये सवाल हमें ये चीज सिखाता है कि यस yes, हमें यहां पे फॉर्मुला जो है कंपाउंड एंगल डबल एंगल ट्रिपल एंगल जो भी फॉर्मुले है वो लगाने पड़ते हैं और उसके बाद कई बार लिमिट सॉल्व हो जाती है नहीं होती है थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाती है तो हम इसके बाद एलोपिटल या बाई वगैरह सॉरी एलोपिटल या फिर सीरीज हम लोग लगाते हैं ठीक है सो एट इज द राइट आंसर चलो बच्चों लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है और ये मेरा भी फेवरेट क्वेश्चन जब ऐसे सवाल आते हैं तो सिंपल सवाल होते हैं क्योंकि जी और मॉड की वैल्यूज हम लोग आराम से निकाल सकते हैं तो यहां पे लिमिट एक्सटेंडिंग पर जीरो प्लस है ना माइनस है मतलब और हमें मॉड भी दिया हुआ है और ग्रेटेस्ट इंडिजर भी दिया हुआ है मतलब क्वेश्चन चाहता है कि आप यहां पर जीरो प्लस और जीरो माइनस अलग अलग निकालो याद है ना मैंने बात बताई थी कि जीरो प्लस और जीरो माइनस आपको अलग अलग निकालने पड़ेंगे अगर मॉड या जी आई एफ होता है तो और जिस पे वैल्यू चेंज भी हो रही है तो जीरो के आसपास मोड की वैल्यू भी चेंज होती है और जीआईएफ की वैल्यू भी चेंज होती है तो अगर जीरो प्लस जीरो बट तो यहां पर हमें दो पार्ट में ब्रेक करना ही पड़ेगा तो और भी कर सकते हैं क्योंकि थीटा थीटा का लग सकता है तो बाद में स्प्लिट करेंगे फिर फॉर्मूला हम लोग जीरो प्लस जीरो से लगा लेंगे तो टेन पाई साइन स्क्वायर एक्स अपॉन को मैं पहले सॉल्व कर देता हूं जीरो बाई जीरो फॉर्म है तो मैं यहां पे अगर पाए साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड मल्टीप्लाई करूं तो मेरी यह वाली फॉर्म पक्का वन बन जाएगी क्योंकि टेन थीटा बाई थीटा वन होता है और जीरो बाई जीरो फॉर्म भी है तो आंसर ये वन हो जाएगा सो दिस लिमिट इज वन बचा साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर यह भी वन हो जाएगा तो इसका आंसर बेटा पाई हो जाएगा तो चाहे लेफ्ट हैंड लिमिट हो चाहे राइट हैंड लिमिट हो आपको पाए तो ऐड करना ही करना है अब हमारी जो अगली लिमिट है जिसको मैं अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूं वो है ये वाली मॉड एक्स माइनस साइन के अंदर है ऑफ इस पूरे का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर आ गया और नीचे आ गया एक्स स्क्वायर तो इसको मुझे अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा जीरो प्लस पे अलग सॉल्व करना पड़ेगा मोड एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स जी आई एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर और जीरो माइनस पे मुझे अलग सॉल्व करना पड़ेगा और पाए प्लस लो इसको आप पाए हम बाद में ऐड कर लेंगे ठीक है ना क्या ये सबको ये लॉजिक बेटा समझ में आ गया अच्छा पूरे का स्क्वायर है सॉरी पूरे का ही स्क्वायर बोल रहा है वो इस पूरे के ब्रैकेट का स्क्वायर okay. इसका स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर आई थिंक ये लॉजिक सबको समझ में आ गया कि मैंने पहले ना टेन पाई वाले पार्ट को अलग कर लिया है स्प्रिट कर सकते आप ऐसे प्लस के साइन मैला आपसे स्प्रिट कर सकते हो स्प्रिट किया तो मैंने टेन थीटा बाई थीटा वाला फॉर्मुला यहां पे क्रिएट किया और वो आंसर पाए बन गया क्योंकि साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर भी वन बन जाता है तो पाए रह गया सिर्फ तो पाए तो ऐड होगा ही होगा अब जो अगला वाला जो पार्ट है उसमें मुझे एल एच एल आर एच एल अलग अलग निकालना पड़ेगा क्योंकि बिकॉज ऑफ मॉड एंड जी आई एफ ठीक है तो जीरो प्लस में मॉड एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी

साइन ऑफ माइनस एक्स होता है माइनस साइन एक्स तो ये प्लस साइन एक्स हो जाएगा इस पूरे का स्क्वायर आएगा और नीचे भी स्क्वायर आएगा तो आप देख सकते हो कि ये आपका आ गया लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो माइनस दिस इज साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर अब इसको सेपरेट कर लो साइन एक्स बाई एक्स अलग कर लो और माइनस वन अलग कर लो तो वन माइनस वन का स्क्वायर इसका आंसर जीरो आ जाएगा आप इसे एक्सपेंशन से भी कर सकते हो साइन एक्स की एक्सपेंशन लगा लो तो साइन एक्स की एक्सपेंशन में एक्सएक्सर एक्स क्यूब आएगा x x का आंसर ही आता है है ठीक है? या फिर नॉर्मली स्प्लिट कर लो साइन एक्स बाई लिमिट वन आ जाएगी और माइनस एक्स बाई एक्स की भी 1 आ आ तो आंसर जीरो तो में जब ऐड करोगे तो आपकी जो राइट हैंड लिमिट आएगी वो पाए आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट सॉरी तो एक तरफ की लिमिट पाए प्लस वन आ रही है एक तरफ की लिमिट पाए प्लस जीरो आ रही है तो दैट मीन द लिमिट डज नॉट एक्सिस्ट तो ट्राई टू अंडरस्टैंड बेटा कि यहां पे आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट थी वो काफी खतरनाक थी और वो साइन एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर थी आप यहां पे एलोपिटल रूल भी लगा सकते हो देख लो टू इंटू यहां पर आप एलोपिटल रूल भी लगा सकते हो साइन एक्स माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस वन और नीचे आ जाएगा टू एक्स टू से टू कट जाएगा

और जब इसमें एलएचएल आरएचएल लगाया तो एक आंसर वन आ गया एक जीरो आ गया दैट्स वाई आपका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी अंडरस्टूड एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया बेटा बहुत ही बढ़िया समझ में आ रहे हैं सारे क्वेश्चंस कैसे करने हैं ये सारे क्वेश्चंस आपके जेई मेन जेई एडवांस में, जे में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और ये डिफरेंट वैरायटी ऑफ सवाल है आप देख सकते हो जीरो बाय जीरो के या फिर मोड या जीआईएफ के जो सवाल होते हैं ओके okay? चलिए अगला सवाल एक और जीरो बाय जीरो फॉर्म साफ नजर आ रही है आपके आप वो स्टैंडर्ड लिमिट लगा दो सबसे आसान होता है साइन स्क्वायर को टेन स्क्वायर को एक्स में कन्वर्ट करना सबसे पहला स्टेप जैसी मुझे नजर आया कि यार टेन और साइन एकदम खुला है एकदम ओपन है तो मैं टेन स्क्वायर एक्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके सबसे पहले वन कर दूंगा ताकि जो मेरा लिमिट होगी वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्स की पावर फोर अब यहां पे सवाल में एक्स की पावर फोर आ चुका है तो अब यहां पे हमारा दिमाग जाएगा किस तरफ स्प्लिट करने में फायदा नहीं होता क्योंकि ये भी इन्फिनिटी बनेगा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन जाएगा स्प्लिट मत करना स्प्लिट तब करना होता है जब दो फाइनाइट आंसर बन रहे होते हैं और हमारा आंसर आ जाता है कुछ ना कुछ है? तो टेन स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वास की पावर फोर में अगर मैं एल लगाऊंगा तो नीचे एक्स की पावर फोर है नीचे एक्स की पावर फोर है तो फोर एक्स क्यूब बनेगा और ऊपर भी टेन का डेरिवेटिव आएगा में फिर से हम एक बार और लगाएंगे तो फिर एक्स स्क्वायर आएगा यानी यहां पे एल ऑपिटल में सवाल थोड़ा लेंदी जा सकता है यहां पे ट्रिग्नोमेट्री का कोई हाफ एंगल डबल एंगल फॉर्मुला भी मुझे नहीं लग रहा काम आ रहा है ठीक है स्टैंडर्ड लिमिट हमने लगाई दी है टेन एक्स बाई एक्स को हमने वन कर ही दिया है और एल ऑपिटल में हमारी हालत इसलिए खराब है क्योंकि नीचे डिग्री बहुत ज्यादा है जब डिग्री ज्यादा होती है तो बार बार डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आएगी और टैन से तो वैसे ही डर लगता है ठीक है तो हम यहां पर एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं क्या तो बच्चे बोलेंगे हाँ सर एक्सपेंशन का यूज कर सकते हो ठीक है और एक्सपेंड भी वहां तक करना जहां तक आपको आपकी डिनोमिनेटर की उल्टे वाले जो ऑपोजिट टर्म होती है उसकी डिग्री होती है क्योंकि हमें एक्सपेंशन टेन एक्स की लगानी पड़ेगी तो मैं वहीं तक लगाऊंगा जहां तक डिनोमीटर की मिनिमम डिग्री है फोर तक लगाऊंगा करके देखें क्या पता जल्दी सॉल्व हो जाए ठीक है तो ऐसे आपको ना ऐसे सोचना पड़ेगा एग्जाम में कि यार क्या चीज आपके लिए फायदेमंद रहेगी और ये प्रैक्टिस से आप कंफर्म हो जाओगे प्रैक्टिस से ये चीज और आपकी स्ट्रांग हो जाएगी अच्छा क्या करना है इस सवाल में तो टेन स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स की पावर फोर में मैं एक्स प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री यहाँ तक लगा रहा हूं बस एक्सपेंशन इसके आगे फायदा नहीं है पावर फाइव लेने का इसका स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन एक्स की पावर फोर मुझे लग रहा है जल्दी सॉल्व हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस प्लस टू ए बी माइनस एक्स x की पावर फोर को कॉमन लूंगा तो मेरे ख्याल से मेरा आंसर जो है वो टू बाई थ्री आ जाएगा साफ नजर आ रहा है अगर मैं यहां करूं सॉल्व क्वेश्चन को एक्स की पावर फोर को अगर कॉमन ले लू तो टू बाई थ्री प्लस हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाई नाइन ठीक है और दिस विल बी एक्स की पावर फोर एक्स की पावर फोर तो कैंसिल हो गया ये जीरो हो जाएगा तो आंसर बचेगा टू बाई थ्री तो क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चंस काफी आते हैं आपको देखना पड़ेगा कि कहां पे आपको एक्सपेंशन लगानी है कहां पे एलोपिटर लगाना आपके लिए फायदेमंद है कहां पे स्टैंडर्ड लिमिट लगा के क्वेश्चन को डायरेक्टली सिंपलीफाई कर सकते हो तो ऐसे मैंने आपको काफी सारे एग्जाम्पल्स अभी करवा दिए हैं जिसमें आई थिंक आपके दिमाग में बाइफरकेशन बन गई है कि अच्छा कि सवाल को सबसे पहले देखते ही भापना है कि अच्छा इसमें स्प्लिट करना है ठीक है या फिर इसमें कोई स्टैंडर्ड लिमिट टैन एक्स बाई एक्स को लगाकर सिंप्लीफाई करना है उसके बाद एलोपिटल लगाना है या फिर नई एलोपिटल से लंबा पड़ जाएगा सीरीज लगा देते हैं क्योंकि टैन एक्स की सीरीज लग सकती है पर एक्सपेंशन भी वहीं तक ही लगाना है जहां तक आपको मिनिमम डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर हो अगर न्यूमिनेटर में लगा रहे हो तो अगर डिनोमिनेटर में लगा रहे हो तो मिनिमम डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर देख लो ठीक है तो हमने देखा आंसर हमारा एक ही स्टेप में आ गया एलोपिटल से हम लोग बच गए क्योंकि काफी ज्यादा डेरिवेटिव्स करने पड़ जाते हैं हमारा टाइम बहुत लगता है यस, द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम विल बी टू बाय थ्री ठीक है बच्चों यहां तक किसी को कोई भी डाउट एवरीथिंग इज क्लियर ठीक है ना बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको करवा चुका हूं एक्सपेंशन के काफी सारे एग्जांपल्स अब एक टाइप के सवाल आते हैं जिसमें हमें ए बी सी वाली वैल्यूज निकालनी होती हैं। और आपको लिमिट दे रखी होती है कुछ फाइनाइट लिमिट है या कुछ लिमिट की वैल्यू दे रखी है और आपको उल्टा सवाल आता है तो वो भी बहुत सारे सवाल आते हैं उनको करना सीखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं यहां तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है जीरो बाई जीरो क्लियर सिंपल इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी मैं आपको बता चुका हूं कैसे करना है? Polynomial polynomial है, तो होता है अगर पोलिनॉमल बाई पॉलिनॉमल है तो हाइएस्ट पार्स की जो कोफिशन का रेशियो होता है वही आंसर होता है अदरवाइज आंसर इन्फिनिटी या जीरो होता है है ना इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिट में हम लोग रैशनाइज करते हैं या फिर आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो जीरो इंटू इन्फिनिटी में हम लोग इसको जीरो बाई जीरो या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बना लेते हैं वन की पार इनफिनिटी में वन ऐड करना वन सप्रेड करना वो एक अलग ही फॉर्म थी और जो आखिरी की दो फॉर्म्स थी जीरो की पार जीरो इनफिनिटी की पार जीरो उसमें हम लोग लॉग लेके सॉल्व करते हैं और वो जीरो इंटू इन्फिनिटी बन जाता है और कुछ चीजें मैंने ये भी बताई थी कि कौन सी फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं होती ये भी हमें ध्यान रखना है ठीक है ओके चलिए अब आ जाते हैं हम अपने अगले सवाल पे और अगला सवाल में सबसे पहले फॉर्म चेक करनी होती है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू आई थिंक जब आप लिमिट पुट करोगे यहाँ पे जीरो डालोगे तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा थ्री बाय सेवन अच्छा एक्स को जब जीरो डालोगे सॉरी जब एक्स को जीरो डालोगे मैं फॉर्म चेक करने जा रहा हूँ देखो फॉर्म ऐसे चेक करते हैं पहले लिमिट अंदर चेक कर ली और फिर लिमिट ऊपर चेक कर लिया ऐसे तो चेक करते हैं अगर आपको कोई फॉर्म चेक करनी हो जैसे तो ऊपर आप लिमिट डालते हो नीचे आप लिमिट डालते हो देखते हो जीरो बाई जीरो इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी है या जीरो इंटू इंफिनिटी है तो यहां पे भी कैसे चेक करेंगे फॉर्म अंदर वाली लिमिट निकालेंगे और ऊपर वाली लिमिट निकालेंगे अंदर वाली लिमिट जीरो डालने पर टू तो बाई टू वन आ रही है और ऊपर वाली वन बाई जीरो मतलब इंफिनिटी आ रही है तो वन की पार इन्फिनिटी फॉर्म है तो वन की पार इन्फिनिटी को सॉल्व करने का क्या तरीका होता है तो एफ एक्स की पावर जी एक्स में मैंने बताया था अगर एक्स किसी को भी टेंड कर रहा है तो आप इसको लिख सकते हो तो ई टू दी पार वो वही लिमिट एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स तो इसका मतलब हम यहां पे क्या करेंगे इसको ई टू दी पार में लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस वन एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो ई टू दिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो यहां पे टू टू कट जाएगा माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कट गया और जब एक्स को जीरो डालोगे तो यह आएगा माइनस फोर बाई टू यानी ई की पावर माइनस टू आपका आंसर आ जाएगा क्वाइट सिंपल काफी सिंपल है हमें बस फॉर्म ध्यान रखना अच्छा ये वन की पार इन्फिनिटी फॉर्म है तो ई टू दी पार में वही लिमिट है बस एफ एक्स जो नीचे वाला नंबर है नीचे वाला एक्सप्रेशन है एफ एक्स माइनस वन और इंटू जी एक्स आ जाएगा तो एफ एक्स माइनस वन किया इंटू जी एक्स किया एलसीएम लिया तो माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन सेवन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया जब एक्स को आप जीरो डालोगे तो माइनस फोर बाई टू आ जाएगा यानी ई की पार माइनस टू इज द राइट आंसर यस एब्सिल्यूटली करेक्ट आंसर अंडरस्टूड तो बहुत ही ध्यान से देखना कि इस सवाल को कैसे करना है और एक बार आपने ई टू दी पार में कन्वर्ट कर लिया फिर वो नॉर्मल सवाल बन जाएगा नॉर्मल लिमिट का सवाल जीरो बाई जीरो भी सवाल बन सकता है वो ओके okay? चलिए अगला सवाल करते हैं द वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो बी टू द्लस सी टू दावर टू बाई थ्री और उसकी होल टू दर टू बाई एक्स आई थिंक टू बाई एक्स बाहर है टू बाई एक्स इज बाहर। तो क्वेश्चन है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो की पावर टू बाई एक्समिट आपको दे रखिये ए बी सी की पावर एम बाई एन तो आपको एम और एन की वैल्यूज बतानी है इनफैक्ट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बताना है पहले फॉर्म चेक कर लेते हैं जब एक्स को जीरो डालोगे आएगा वन 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 थ्री बाई थ्री तो यह फॉर्म आ रही है आपकी वन की पावर इन्फिनिटी तो सवाल बहुत ही सिंपली सॉल्व हो जाएगा e टू दी पार लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स माइनस वन तो एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स ये सॉल्व करना है आपको यानी अल्टीमेटली आपको सॉल्व करना है e टू दी पार लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ए टू दर एक्स प्लस बी टू दावर एक्स प्लस सी टू दी पार एक्स माइनस थ्री अपॉन थ्री इंटू टू बाई एक्स तो इस लिमिट को यहां ऊपर सॉल्व करते हैं तो ये कौन सी फॉर्म बन गई टू दी पार टू बाई थ्री तो बाहर ही आ गया और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो जीरो बाई जीरो देख सकते हो जब एक्स को जीरो डालोगे तो ऊपर जीरो बन रहा है नीचे भी जीरो बन रहा रहे जीरो बाई जीरोट मीस यहां पर लगेगा एल ऑपिटल रूल क्योंकि एल ऑपिटल रूल लगाना आसान है क्योंकि नीचे एक्स की पार वन है तो एक ही बार में डिफ्रेंशिएट करके आपका आंसर आ जाएगा है ना तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं तो e टू दी पार टू बाई थ्री लिमिट एक्सटेंड टू अब एल रूल की जीरोक्स का डेरिवेटिव b की पार x का डेरिवेटिव c टू दी पार एक्स का डेरिवेटिव थ्री का तो जीरो हो जाएगा नीचे वाले का वन हो जाएगा x को जीरो डालोगे तो e टू दू बाई थ्री और ये हो जाएगा जीरो डालोगे तो दिस विल बी एल एन ए प्लस एल एन बी प्लस एल एन सी ये बन जाएगा एंड इट इज एल एन ए बी सी टू दी पार एल एन ए बी सी की पावर टू बाई थ्री तो लॉक की प्रॉपर्टी लग जाएगी तो ए बी सी की पावर टू बाई थ्री आ जाएगा मतलब m आपका बेटा आ गया तो अगर यहां दिया होता कि m और n आर रिलेटिवली प्राइम नंबर वैसे देता तो अच्छा रहता पर मान लेते हैं m आपका टू है और n आपका थ्री है तो दोनों के स्क्वायर का जो सम आएगा वो आएगा नाइन प्लस फोर यानी कि थर्टीन इज द राइट आंसर तो यहां पे बच्चों आप देख सकते हो कि ए टू दी पार एक्स बी टू दी पार एक्स और सी टू दी पार एक्स टू दी पार्स एल को बाहर कर दिया बार एलोपिटल रूल लगाया और आया ई टू दी पार टू बाई थ्री लॉग ए बी सी तो पार की प्रॉपर्टी लगाएंगे और एक लॉग की बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है ए की पावर लॉग बे से बी का जो आंसर होता है वो बी होता है तो यहां पे ई सेम है तो इसलिए ए बी सी की पार्ट टू बाई थ्री आ गया थर्टीन इज द राइट आंसर क्लियर है यहां तक सभी बच्चों को एकदम मजे में समझ में आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को यस ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो वन प्लस एक्स इंटू लॉग ऑफ वन प्लस बी स्क्वायर की पावर वन अपॉन एक्स ज इक्वल टू टू बी साइन स्क्वायर थीटा बी पॉजिटिव है थीटा माइनस पाई से पाई है तो आपको थीटा की वैल्यू बतानी है ओके okay? पहले लिमिट लिखते हैं अच्छे से क्या लिखी हुई है वन प्लस एक्स लॉग वन प्लस बी स्क्वायर और इस पूरे की पार वन बाई एक्स अगर मैं एक्स को जीरो डालूंगा तो मेरे ख्याल से साफ नजर आ रहा है कि वन की पार इंफिनिटी फॉर्म है वन की पार इन्फिनिटी फॉर्म है तो हमें बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना आता है इसको हम ई टू दी पार में कन्वर्ट कर देंगे ई टू दी पार लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स माइनस वन करोगे तो वन वन कट जाएगा ये आएगा एक्स लॉग वन प्लस बी स्क्वायर इन टू जीएक्स एक्स और एक्स तो कैंसिल ही हो गए तो e टू दी पार log ऑफ वन प्लस बी आंसर हो गया अब लॉग का मतलब तो बेस ई है पे का मतलब तो इसका आंसर वन प्लस बी स्क्वायर तो वन प्लस बी स्क्वायर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया एंड हमें दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में वन प्लस बी स्क्वायर इज टू बी साइन स्क्वायर थीटा हमें बोला गया बी जो है पॉजिटिव नंबर है तो बी जो है वो पॉजिटिव नंबर है अगर b पॉजिटिव है और एक की इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं तो इसका मतलब समझ जाओ कि आपको यहां पे रेंज का फंडा लगाना है यहां पे आपको रेंज का फंडा लगाना है क्योंकि एक तरफ b है एक तरफ साइन थीटा है तो am gm से मैं पता चल गया ये हमेशा 2 से बड़ा है या 2 के बराबर है और ये हमेशा 2 से छोटा है तो b 1 b का जो सम है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है टू साइन थीटा की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू टू है ऑलवेज तो दोनों बराबर तभी होंगे जब बी प्लस वन बाई बी भी टू होगा और टू साइन रखना जब भी एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स आएंगे तो ऑलवेज रिमेंबर कि सर एक इक्वेशन में दो वेरिएबल्स हैं तो समझ जाना कि यहां पर रेंज का फंडा लगेगा तो एक टू से छोटा एक टू से बड़ा है और बराबर भी है तो दोनों इक्वल तभी होंगे जब दोनों टू होंगे तो बी प्लस वन बाई बी टू होगा जब बी आपका वन होगा टू साइन स्क्वायर थीटा टू होगा जब साइन स्क्वायर थीटा वन होगा यानी साइन थीटा प्लस माइनस वन होगा हमसे पूछा क्या है हमसे पूछा थीटा माइनस पाई से पाई के, के बीच में है तो इसका मतलब यहां पर आपकी जो थीटा की वैल्यू होगी माइनस पाई से पाई में एक माइनस पाई बाई टू होगी और एक पाई बाई टू होगी एक माइनस पाई बाई टू होगी और एक पाई बाई टू होगी तो दो ही आंसर्स इसमें आएंगे प्लस माइनस था स्क्वायर राइट साइड सोल्व किया बी को एक साइन को अग लिया दोनों की रेंज निकाली क्यों निकाली क्योंकि इक्वेट हो रहे हैं तो ए की वैल्यू पे इक्वेट होंगे जब बी प्लस वन बाई बी टू होगा और टू साइन स्क्वायर थीटा भी टू होगा तो बी वन आ गया और साइन थीटा प्लस माइनस वन आ गया That's why the answer is plus minus so, अगला सवाल है इफ तो आपको ए और बी की वैल्यूज बतानी है तो यहां पे इस तरह के सवाल में उल्टा क्वेश्चन है बेटा ये इसमें आपको बोला गया है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है अंदर कुछ ए और बी नंबर्स uh, है और उसकी लिमिट फोर आ रही है तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जब भी इन्फिनिटी फॉर्म बने जब हम एल्सियम ले लेंगे तो एक फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट तभी का, हो, नीचे भी सेम डिग्री का हो। तो वो कॉन्सेप्ट यहां पे लगाते हैं ठीक है ठीके? और सॉल्व करते हैं चलिए <clears throat> तो सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस वन माइनस बी इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इसकी जो लिमिट आ रही है वो फोर आ रही है अब हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म सारे एक साथ ले लेते हैं तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म आ जाएंगे आपके वन माइनस ए आ जाएगा यहां से और उसके बाद जो एक्स वाले टर्म्स आएंगे वो आएगा आपका दिस विल बी अगेन वन माइनस ए माइनस बी और जो रिमेनिंग टर्म्स है वो हो जाएंगे वन माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन तो इसकी लिमिट फोर आनी चाहिए तो जैसे मैंने बोला अगर नीचे की डिग्री लीनियर है मतलब वन डिग्री मैक्सिमम है तो ऊपर भी फिर मैक्सिमम डिग्री वन ही होनी चाहिए क्योंकि ऊपर नीचे का पोनिनॉमल सेम डिग्री का होगा तभी आपका कोफिशियंट्स का जो रेशियो होता है वही आंसर आता है और तभी आपकी लिमिट फाइनाइट और नॉन जीरो आती है नॉन जीरो एंड फाइनाइट

तो डेट मींस यहां से पता चल गया ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस थ्री तो ए अगर आपका यहां पे वन आ चुका है तो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस फोर तो ए वन आ चुका है और बी आ गया है बेटा माइनस फोर ठीक है तो ध्यान रखना जब भी कोई ऐसा सवाल आएगा जिसमें इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का क्वेश्चन आ जाता है और कोई आपको फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट चाहिए होती है अगर जीरो चाहिए होता तो ऊपर कम नीचे ज्यादा तो जीरो आ जाता आंसर ऊपर ज्यादा डिग्री नीचे कम डिग्री तो इन्फिनिटी आ जाता बट टू गेट एक्जैक्टली नॉन जीरो फाइनेट लिमिट ऊपर की और नीचे की मैक्सिमम डिग्री ऑफ द पॉलिमल जो होती है वो सेम होनी चाहिए और अगर उससे ज्यादा अवेलेबल है तो उसको जीरो करना पड़ेगा तो हमने एक्सक्वायर वाले को जीरो कर दिया और जो भी हाइएस्ट डिग्री होगी इसके कोफिशियंट का रेशियो ही आंसर होता है तो वो फोर हमने कर दिया वहां से ए और बी की वैल्यूज निकल के आ गई तो यस बी इज एब्सिल्यूटली द राइट आंसर सबको समझ में आ रहा है तो अब ऐसे सवाल करने वाले हैं अच्छा सर जीरो बाई जीरो में क्या होगा बच्चे पूछेंगे सर जीरो बाई जीरो में फाइनाइट लिमिट कब आती है नॉन जीरो लिमिट लिमिट फाइनाइट कब आती है बेटा जीरो बाई जीरो में भी आपकी लिमिट तभी आएगी जब आपका ऊपर की जो मिनिमम डिग्री होगी और नीचे की जो मिनिमम डिग्री होगी उसका जो वो सेम होगी अगर भाई ऊपर भी एक्स क्यूब है मिनिमम डिग्री और नीचे भी आपका जो एक्स क्यू भी है तो आप एक्स क्यूब जब वहां से कॉमन लोगे तो उन्हीं का रेशियो आंसर आ जाएगा बाकी सारे जीरो हो जाएंगे तो मिनिमम डिग्री ऊपर नीचे सेम होनी चाहिए नॉट मैक्सिमम मैक्सिमम की बात ही नहीं चलेगी क्योंकि अगर वहां एक्सपेंशन लगाएंगे तो मैक्सिमम तो पता नहीं कहां तक चला जाएगा तो वहां पर भी जीरो बाई जीरो में भी अगर आपको फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट चाहिए अल्टीमेटली तो जो भी आप देख रहे हो मिनिमम डिग्री ऑफ द ऑफिनेटर या डिनोमिनेटर वो ऑपोजिट वाले की बिल्कुल बराबर होनी चाहिए ठीक है ना क्योंकि ज्यादा डिग्री हो जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जैसे मान के चलो ऊपर एक्स क्यूब आ रहा है एक्स फोर आ रहा है वगैरह वगैरह नीचे भी टू एक्स क्यूब आ रहा है थ्री एक्स फोर आ रहा है तो आप क्या करोगे एक्स क्यूब को कॉमन लोगे वन प्लस एक्स नीचे भी एक्स क्यूब को कॉमन लोगे टू प्लस थ्री एक्स वगैरह वगैरह एक्स क्यूब कट जाएगा तो जीरो बाई जीरो नॉन जीरो अगर ऊपर कोई कम डिग्री अवेलेबल हुई जैसे ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया नीचे एक्स क्यूब आ गया और नीचे फिर एक्स क्यूब से शुरू हो रहा है तो आपको एक्स स्क्वायर वाले को जीरो करना पड़ेगा ट अ फाइनाइट लिमिट तो आपको ऐसा नहीं हो सकता यार नीचे थ्री डिग्री है तो ऊपर टू डिग्री अवेलेबल है तो अगर टू डिग्री ऊपर है नीचे थ्री डिग्री है तो आंसर आपका इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा तो यह हमें ध्यान रखना है जैसे ये वाला सवाल करते हैं ना दिस इज अस क्वेश्चन सेम वही सवाल करवा करवाऊंगा जिसमें आपको एबीसी की वैल्यूज निकालनी है और हम पे एक्सपेंशन वगैरह लगाते हैं और हमें वहीं तक एक्सपेंड करना जहां तक डिनोमिनेटर की या की मिनिमम डिग्री होती है और फिर हमें ऊपर की डिग्री बाई इनफ्रिटी में मैक्सिमम और जीरो बाई जीरो में मिनिमम ओके okay? तो यहां पे एल्फा टेंडिंग टू जीरो है ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है, ये कह रहा है कि इसकी जो लिमिट है वो माइनस ई बाई टू आ रही है तो आपको एम और एन का रेशियो बताना है एम एन आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स

डिग्रीज की बात नहीं कर रहा हूं बट स्टिल e तो तो की बात चलेगी या कोई हो, तब की बात चलेगी। या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो नॉर्मल हम अपना एलोपिटल वगैरह लगाते हैं ठीक है ठीके? तो एलोपिटल लगाएंगे जीरो बाई जीरो फॉर्म में तो क्या आएगा बताओ टू दी पार कॉस एल्फा एन और उसके बाद कॉस का हो जाता है माइनस साइन एल्फा एन और एल्फा एन का हो जाता है एन एल्फा एन माइनस वन और नीचे डिग्री नीचे आ जाएगा एल ऑपिटल से एम एल्फा एम माइनस वन इसका आंसर है माइनस ई बाई टू लिमिट एल्फा टेंडिंग टू जीरो अब इसमें कौन से ऐसे नंबर है जो जीरो बाई जीरो में पार्टिसिपेट नहीं करे क्योंकि अभी भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही है तो कौन से नंबर है जो जीरो बाई जीरो में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं ये ई टू दी पार कॉस जीरो तो हमेशा कितना आ जाएगा ई टू दी पार वन आ जाएगा तो इसका मतलब ये तो ई टू दी पार वन आ गया ये वाला पार्ट एल्फा को जीरो डालोगे तो कॉस जीरो तो तो माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो गए अच्छा एल्फा एन को मैं एल्फा एन से रिप्लेस कर सकता हूं साइन एल्फा एन को एल्फाइन से डिवाइड एल्फा से मल्टीप्लाई ठीक है थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और एन तो है ही और ये एल्फा की पार एन माइनस वन बी है नीचे एम भी है और एल्फा की पार एम माइनस वन बी इसका आंसर अल्फा टेंडिंग टू जीरो पे क्या होना चाहिए ई बाई टू होना चाहिए बल्कि ई e, e कट गया तो वन बाई टू लिमिट होनी चाहिए तो अब एन बाई एम अलग कर लेते हैं बेटा एन बाई एम को अलग कर लेते हैं और लिमिट अल्फा टेंडिंग टू जीरो ये हो जाएगा अल्फा एंड दिस विल बी टू एन माइनस एम इज इक्वल अब ये लॉजिक यहां पर आपको लगाना है यहां पे एक्सपेंशन नहीं लगेगी कोई डिग्री विग्री की बात नहीं चलेगी क्योंकि यहां पे ई टू दी पार वाला फंशन आ रहे हैं तो हमने एलोपिटर लगाया एक बार एलोपिटर लगाने के बाद ऐसे नहीं कि दोबारा एलोपेटर लगा रहे हैं पहले देख रहे हैं उसको सिंपलीफाई कर रहे हैं तो एक बार तो एलोपेटर लगाना ही पड़ेगा मैंने लगाया जो भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जीरो बाई जीरो में उसके आंसर डाल दिया ई e डाल दिया मैंने साइन अल्फा एन को स्टैंडर्ड लिमिट से अल्फा की पार एन से रिप्लेस कर दिया और जो अब रिमेनिंग लिमिट आया आपका ये बच गया अल्फा की पार टू एन माइनस एम इन एन बाई एम का लिमिट हाफ आ रही है और अल्फा जीरो को टेंड कर रहा है एल्फा अगर जीरो को टेंड कर रहा है यानी कि जीरो पॉइंट जीरो जीरो बताओ इसकी वैल्यू वन बाई टू कैसे आ सकती है अगर मैं टू एन माइनस एम को ही जीरो ले लूं तो एक फ्रैक्शन की पावर एग्जैक्ट जीरो कितना होता है वन होता है तो फ्रैक्शन की पावर एग्जैक्ट जीरो जो होता है वो वन हो जाता है मेरी बात समझ रहे हो बेटा तो इसका मतलब टू एन माइनस एम को हमें जीरो लेना पड़ेगा तो टू एन माइनस एम अगर जीरो हो जाएगा तो एन बाई एम की वैल्यू हाफ यानी एम बाई एन की जो वैल्यू है वो टू आ जाएगी बस तो इसका आंसर तभी आएगा आप समझो बात को एन बाई एम और लिमिट एल्फा टेंडिंग टू जीरो एल्फा की पावर समथिंग ये आपका फाइनाइट लिमिट कब आएगा आप खुद सोचो अगर मैं आपको बोलूं कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स की पावर एन कुछ फाइनाइट नंबर आना चाहिए आप ही बताओ मुझे तो आपको एन को तो जीरो करना ही पड़ेगा ना एग्जैक्ट जीरो करना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन की पावर एग्जैक्ट जीरो कितना होता है वन हो जाएगी लिमिट इसकी अगर मैं एन को वन कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एन को वन कर दिया तो जीरो की पावर वन कितना आएगा जीरो तो यहां पे इसको एग्जैक्ट जीरो करना पड़ेगा अदरवाइज जो है आपका आंसर वन बाई टू नहीं आएगा फाइनाइट मतलब नॉन जीरो फाइनाइट कुछ बच्चे पूछेंगे कि सर अगर टू एन माइनस एम जीरो हो गया

एल्फा एक बहुत ही छोटा फ्रैक्शन है उसकी पावर एग्जैक्ट जीरो करोगे तभी वो वन बनेगा और तभी आपकी लिमिट आंसर हाफ आएगी अदरवाइज अगर मैं कोई बड़ी वैल्यू डालूंगा तो किसी फ्रैक्शन की कोई बड़ी वैल्यू आएगी तो जीरो ही आएगी जीरो की पार एनी नंबर जीरो है ना जीरो की पार होगा टेंडिंग टू जीरो की पार कोई भी नंबर होगा जीरो ही आएगा और अगर नेगेटिव आ गया तो इन्फिनिटी आएगा तो इसलिए एम बाई एन का जो रेशियो होगा डेट इज टू ओनली अंडरस्टूड बेटा सबको समझ में आ गया ठीक है चलो

और अगर एलोपिटल लग रहा है कि काफी लेंदी पड़ जाएगा तो एक्सपेंशन भी लगा सकते हो ठीक है और जनरली जब पार क्यूब होती है पार फोर होती है तो हम एक्सपेंशन में ज्यादा बिलीव करते हैं तो एक्सपेंशन लगा के सॉल्व करते हैं चलिए सॉल्व करते हैं इसको तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो तो ये आ गया e टू दार एक्स क्यूब माइनस वन माइनस एक्स क्यूब का क्यूब रूट प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस वन और इंटू साइन एक्स साइन एक्स भी कुछ ऐसा ही होगा एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई सिक्स ऐसा कुछ मान लो एक्सपेंशन तो लगानी पड़ेगी मुझे हालांकि चलो अगले स्टेप में लगा लेंगे कोई दिक्कत नहीं है पहले नॉर्मली लिख देते हैं इसको ठीक है x cube. क्योंकि square x को मैंने क्या किया एक्सक्वायर से डिवाइड एक्स से मल्टीप्लाई तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया और साफ नजर आ रहा है कि हाँ ये जीरो बाई जीरो फॉर्म है जब x को डालोगे तो वन माइनस वन कट जाएगा और यहां भी आपका जीरो बाई जीरो फॉर्म आ जाएगी अब आपने स्टैंडर्ड लिमिट लगा दी कोई ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लग नहीं रहा और इसको सिंपलीफाई हम कर नहीं सकते तो अब दो तरीके हैं एलोपिटल या एक्सपेंशन अब ये सवाल इसी साल एडवांस का सवाल है अब देख लो अगर आप ध्यान से लिमिट्स पढ़ के गए हो तो मुझे लग रहा है आराम से ये क्वेश्चन बच्चों ने बना लिया होगा अब नीचे एक्स क्यूब है ऊपर जो है आपका नॉर्मल एक्सप्रेशन है अब मुझे लगता है कि अगर आप एलोपिटल लगाओगे तो शायद काफी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर रूट रूट्स को डिफरेंशियट करना इज नॉट वेरी इजी और नीचे भी थ्री एक्सक्र आएगा या तो एक ही बार एलोपिटल रहा होता तो कहानी खत्म हो जाती तो इट्स बेटर टू तो यूज एक्सपेंशन एक्सपेंशन से एक ही बार में खत्म हो जाता है तो एक्सपेंशन भी कहां तक लगाओगे जहां तक डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर मिनिमम डिग्री जहां तक होगी क्यूब तक ही करोगे बस तो ई टू दी पार एक्स क्यूब की एक्सपेंशन में लगाने जा रहा हूं याद होनी चाहिए सारी मेक्लोरन सीरीज जो एक्सपेंशन बताई थी मैंने ये हो जाएगा आपका वन प्लस एक्स का क्या होता है one plus x plus x square by two factorial. तो बस तक लगेगी That's it. उसके आगे का फायदा नहीं लगाने का वैसे भी जीरो बनने वाला है यहां पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगेगी वन माइनस एक्स की पावर एन क्या होता है वन माइनस एन एक्स प्लस एनसी टू इन एक्स स्क्वायर तो यहां पे आपका वन माइनस एन एक्स ही लगेगा बस इसके आगे लगाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो इसके आगे बड़ी पार आ जाएगी एक्स की पावर सिक्स आ जाएगी यहां पे स्क्वायर रूट का लगेगा यहां पे स्क्वायर रूट का लगेगा लेकिन आगे जाने की जरूरत नहीं है एक्स स्क्वायर तक ही लगाना बस बस यहीं तक ही लगाना बस दैट्स इट, क्योंकि आगे एक्स की पार फोर आएगा एक्स की पार फोर से हमें कोई लेना देना नहीं है ठीक है ना और साइन एक्स की भी मुझे लगता है अगर वन से वन कट गया तो मुझे भी साइन के आगे एक्स क्यूब की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि अगर मैं यहां पे एक्स क्यूब बाई सिक्स लिखूंगा बेटा तो ये मिलके एक्स की पार फाइव बना लेगा फायदा, no फायदा कोई फायदा नहीं एक्स की पार फाइव बनाने से तो आपको यहां पे सिर्फ एक्स ही लिखना पड़ेगा एक्स ही बस फायदेमंद है आपके लिए दैट्स इट एक्स क्यूब तो यहां से वन से वन कैंसिल हो गया एक्स क्यूब में एक्स क्यूब बाई थ्री एड करोगे तो फोर एक्स क्यूब बाई थ्री आ जाएगा और यहां पे सॉल्व करोगे तो माइनस एक्स क्यूब बाई टू आ जाएगा और डिवाइड बाई एक्स क्यूब तो यहां से एक्स क्यूब एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा फोर बाई थ्री माइनस वन बाई टू तो फोर बाई थ्री माइनस वन बाय टू इसका आंसर है तो हो जाएगा आपका फाइव बाई सिक्स यानी कि सिक्स बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी फाइव चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे एंड दल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर सच डैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो नॉन जीरो बताना है तो यहां पर भी, भी सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या चीज आएगी बेटा सबसे पहले यही चीज आएगी कि हमें इस क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना है की पहले हम एक्सपेंशन लगाए या फिर हम कोई एलोपिटल रूल लगाए तो उस सच है पहले साइन बीटा एक्स को हम लोग बीटा एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं बाई यूजिंग द स्टैंडर्ड लिमिट्स ठीक है तो इसको सॉल्व करते हैं <coughs> तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और साइन एक्स को एक्स लिख सकते हैं हम लोग सीधा बीटेक्स से मल्टीप्लाई वन हो जाएगा और ये हो जाएगा एल्फा एक्स माइनस साइन एक्स दिस बिकम्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो और बीटा और ऊपर आ गया एक्स क्यूब और नीचे आ गया, आ गया आपका एल्फा एक्स माइनस साइन एक्स तो स्टिल जीरो बाई जीरो फॉर्म है और इसकी जो लिमिट आ रही है वो बोला गया कि इसकी लिमिट वन आ रही है तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे बेटा ठीक है अब या तो आप यहां पे एलोपिटल रूल लगा लो या फिर आप नॉर्मली इसको कर दो आपके ऊपर है है कि आप कैसे इसको सॉल्व करना चाहोगे ठीक है? कर ले सॉल्व एलोपिटल से कर लेते हैं नहीं तो आप एक्सपेंशन लगाना चाहोगे तो कहां पे लगाओगे एक्सपेंशन एक ही तरीका लगाने का साइनेक्स की एक्सपेंशन लगा देते हैं तो जब साइनेक्स की एक्सपेंशन लगाएंगे तो कहां तक लगाओगे जहां तक डिनोमिनेटर मिनिमम डिग्री होगी ऊपर वाले की एक्सक्यूब तक लगाओगे बस और टूगेट नॉन जीरो लिमिट ऊपर की जो डिग्री और नीचे की जो डिग्री है वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए तो मैं दोनों तरीके से आपको करके बताता हूं। चलो। है ना? ताकि आपको समझ में आए क्या करना है, one, जिसमें हम लगाना मैं। तो बीटा है नीचे एल्फा एक्स है और एक्सपेंशन लगाऊंगा सिर्फ एक्स क्यूब तक तो एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई सिक्स तो इसका हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये होगा बीटा एक्स क्यूब नीचे होगा एल्फा माइनस वन एक्स होगा एक्स क्यूब बाय सिक्स इसकी लिमिट वन आनी चाहिए अब आप खुद सोचो ऊपर की डिग्री एक्स क्यूब है नीचे की डिग्री मिनिमम वन है तो अगर एल्फा माइनस वन आपका नॉन जीरो हुआ मतलब तो ऊपर एक्स क्यूब डिग्री है नीचे एक्स डिग्री है ऊपर ज्यादा है नीचे कम है तो ऑब्वियसली कट के आंसर जीरो आएगा वन नहीं आएगा तो तभी तो मैंने बोला था टू गेट द नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट जीरो बाई जीरो में ऊपर की डिग्री और नीचे की जो दोनों की मिनिमम डिग्री है वो सेम होनी चाहिए ऊपर की डिग्री थ्री है तो नीचे की भी जो मिनिमम डिग्री है वो होनी चाहिए यानी को जीरो होना पड़ेगा को होना पड़ेगा क्योंकि ऊपर की डिग्री ज्यादा नीचे की डिग्री कम जीरो बाई जीरो में तो जीरो आंसर आ जाएगा बट नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट के लिए आपको ऊपर की जो डिग्री है मिनिमम डिग्री और नीचे की जो मिनिमम डिग्री है वो सेम होनी चाहिए एक्सक्यूब से छोटी अगर कोई डिग्री है तो उसे जीरो करना पड़ेगा एल्फाइनस वन जीरो हो गया तो रिमेनिंग लिमिट कितनी बच गई ये वाली जो लिमिट हो गई एक्सक्यूब कट जाएगा बीटा देख लो तो सिक्स बीटा इज अ फाइनाइट नॉन जीरो लिमिट जिसकी वैल्यू वन दे रखी है तो सिक्स बीटा आपका वन आ गया और एल्फा आपका वन आ गया तो सिक्स एल्फा आपका कितना आ जाएगा सिक्स तो सिक्स एल्फा प्लस सिक्स बीटा विल बी इक्वल टू सेवन तो सेवन इसका आंसर आएगा ठीक है एक तरीका तो ये हो गया ध्यान रखना ये चीजें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में हाइएस्ट डिग्री सेम होनी चाहिए और उसके कोफिशेंट का रेशियो आंसर होता है ठीक uh, है मिनिमम डिग्री की बात करो बड़े वाले तो अलाउड है बट बड़े वाले वैसे भी जीरो हो जाते हैं पार्स छोटे नहीं होने चाहिए बस क्योंकि जीरो बाई जीरो में ऊपर ज्यादा है नीचे कम है डिग्री तो जीरो आंसर आ जाएगा ऊपर कम है नीचे ज्यादा तो इन्फिनिटी आ जाएगा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में बिल्कुल उल्टा हो जाता है ऊपर ज्यादा नीचे कम तो इन्फिनिटी बच जाता है और ऊपर कम नीचे ज्यादा तो जीरो हो जाता है तो हमें जीरो और इन्फिनिटी नहीं चाहिए हमें नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट चाहिए तो डिग्री शुड बी इक्वल मास एक में मैक्सिमम एक में मिनिमम लेकिन इसको मैं से भी करके बताता हूं आपको तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ये बन गया था बीटा एक्स क्यूब मैथड नंबर टू अनदर मैथड करते हैं ठीक है ना ये मैथड वन था यह मैथड आपका टू हो जाएगा तो जीरो बाई जीरो लिमिट आपको दे रखी है वन तो एलोबेटा लगाएंगे ये आएगा टू बीटा एक्स स्क्वायर नीचे आ जाएगा एल्फा माइनस कॉस एक्स अब ऊपर जीरो बन रहा है तो नीचे भी जीरो बनना चाहिए तभी तो फाइनाइट लिमिट आएगी अगर ऊपर जीरो बच गया और नीचे कुछ नॉन जीरो आ गया तो आंसर जीरो बाई नॉन जीरो तो जीरो हो जाएगा तो इसलिए इसमें भी जीरो बाय जीरो फॉर्म बननी चाहिए तो अगर मैं यहां पे जीरो डालूंगा तो ऊपर वाला देख लो जीरो आ रहा है और नीचे वाला आ रहा है एल्फा माइनस वन तो एल्फा माइनस वन को भी जीरो होना पड़ेगा यानी अल्फा को वन होना पड़ेगा तो फाइनली आपकी जो लिमिट आ गई वो आ गई टू बीटा एक्स स्क् अपॉन वन माइनस कॉश एक्स आपका वन होना चाहिए एक बार और एलोपिटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा फोर बीटा एक्स अपॉन साइन एक्स ठीक है तो फोर बीटा एक्स अपॉन साइन एक्स हो जाएगा यहां पे समझ में आया तो बीटा एक्स क्यूब आ गया ऊपर सॉरी थ्री बीटा यहां पे थ्री बीटा एक्स स्क्वायर थ्री थ्री कर लेते हैं सबको क्लियर है

ठीक है तो ये सारे कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना दे आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक और करते हैं ऐसा सवाल लेट ई डिनोट द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम द वैल्यू ऑफ द रियल नंबर ए फॉर विच द राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू अ नॉन जीरो रियल नंबर मतलब इसकी लिमिट एक नॉन जीरो फाइनाइट आ जाए बताओ कि ए की क्या वैल्यू आएगी जो नीचे ए आ रहा है और आप देख सकते हो जीरो डालने पर वन माइनस एक्स की पावर वन माइस वन माइनस एक्स की पावर वन बाई एक्स

लगाना और 1 x की पावर 1 x की सीरीज क्या होती है हमने 1 x की पावर 1 x पर रखा है याद है ना 11 by 24 वाली जो सीरीज मैंने आपकी बताई थी थोड़ी देर पहले तो 1 x की पावर 1 x की सीरीज हमें लिखनी पड़ेगी अगर नहीं लिखनी आती तो हमें डिराइव करनी पड़ेगी और उसके बाद हम चेक करेंगे कि a की क्या वैल्यू आएगी ताकि इसका आंसर एक नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट आ जाए वन माइनस एक्स की पावर वन बाई एक्स माइनस वन बाई अपॉन एक्स की पावर ए में अगर ये जीरो बाई जीरो फॉर्म में नॉन जीरो फाइनाइट चाहिए ए की वैल्यू चाहिए तो हमें देखना पड़ेगा ऊपर वाले की मिनिमम डिग्री कितनी है जितनी मिनिमम डिग्री ऊपर होगी उतनी ही नीचे आ जाएगी मिनिमम आई थिंक तभी आपका नॉन जीरो फाइनाइट आता है अब तो आपको रट गया होगा ये चीज कि जीरो बाई जीरो में अगर मुझे ए की मिनिमम वैल्यू चाहिए ए की वैल्यू चाहिए वो मिनिमम ही होगी ऑब्वियस ही बात है. तो जितनी डिग्री ऊपर होगी मिनिमम मिनिमम उतनी डिग्री नीचे आएगी और डिग्री के लिए आपको एक्सपेंशन ही लगाना पड़ेगा और कुछ हम कर भी नहीं सकते इसमें करना tough, तो तो वेरी टफ की का ठीक है ना डिग्री देखते हैं नहीं, इसको करते x की पार, x, इसकी का तरीका याद रखना एक्सपेंशन शायद आपको याद ना रहे तरीका देख लो कैसे कैसे एक्सपेंड करते हैं, हैं, एक्सपेंशन एक्सपेंशन डिराइव होती है, है है ना ना सीरीज़ वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल आप देखो, वो यूज़ होगा बाद में। इसमें हम दोनों तरफ लॉग 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 ले जैसे ही लोगे तो ये हो जाएगा x upon x. X का, का x x तो एक्स तो यह आएगा माइनस कॉमन लेके वन प्लस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री वगैरह वगैरह लॉग ए आ गया यानी आपको ए की वैल्यू मिल गई टू दी पावर में माइनस ऑफ वन प्लस एक्स बाई टू वगैरह आपकी एक्सपेंशन आ गई दिस इज योर फाइनल एक्सपेंशन तो जब हम इसको यूज करेंगे बेटा इस सवाल में तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो प्लस ई टू दी पावर में क्या आ रहा है बताओ माइनस ऑफ वन प्लस एक्स बाय टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री ऐसे चलेगा और यह आएगा माइनस ई टू दी पार माइनस वन अपॉन एक्स की पावर ए तो यहां से टू दी माइनस वन कॉमन आ गया और ई टू दी माइनस एक्स बाई टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई थ्री करते करते और माइनस वन आ गया और नीचे आ गया एक्स की पावर ए अब मुझे एक पता है फॉर्मुला दी पार एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की लिमिट वन होती है तो मैं इसी नंबर से डिवाइड करूंगा वगैरह और इसी से मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्सक्वायर बाई थ्री तो ये वाली जो लिमिट है बेटा ये वन बन जाएगी दिस लिमिट बिकम्स वन तो बचेगा क्या आपके पास आपके पास बचेगा वन बाई टाइम्स माइनस भी बाहर ले लो तो एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री ये बचेगा और नीचे आ जाएगा x की पावर हालांकि स्टिल जीरो बाई जीरो फॉर्म है लेकिन अब मुझे यह पता चल गया कि न्यूमरेटर की मिनिमम डिग्री कितनी है तो डिग्री जो है न्यूमरेटर की डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर वो भी मिनिमम डिग्री वो वन आ रही है मिनिमम डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज वन दैट्स वाई टू तो गेट ए नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट ए को भी वन आना पड़ेगा और अगर कोई पूछता है लिमिट की वैल्यू क्या होगी तो इसी का अगर मैं एक को वन रखता हूं तो इसी का रेशियो ही आंसर हो जाएगा यानी लिमिट हो जाएगा -1 e 1 तो वन माइनस एक्स की वन बाई एक्स की अगर आप एक्सपेंशन लगाओगे तो वो तो मेन चीज है अब एक्सपेंशन याद नहीं होगा वो आपको डिराइव करना पड़ेगा लॉग लेके जैसे आपने लॉग लिया की एक्सपेंशन एक्सपेंशन लगाई टू दी में लगाया तो ये आ गई पर अभी भी डिग्री पता नहीं चली मुझे तो मैंने टू पार माइनस वन कॉमन लिया और ई टू दी पार एक्स माइनस वन अपन एक्स वाला फॉर्मला लगाया तब मेरा फाइनली जाके न्यूमरेटर में एक पॉलिन आया और पॉलिनामेल आया तो वहां से पता चला ऊपर की डिग्री वन आ रही है मिनिमम तो नीचे भी वन आएगी तभी आंसर फाइनाइट आएगा और वो आएगा माइनस वन बाई टू लेकिन हमें तो ए की वैल्यू ही चाहिए थी यस ए की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू वन समझ में आ गया पहले बताओ यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई मैंने आपको सारी फॉर्म्स बता दी हैं जो भी फॉर्म्स होती हैं जीरो इन इन्फिनिटी कैसे सॉल्व करते हैं जीरो मतलब इसमें बहुत लिमिटेड से एग्जांपल्स होते हैं सारी कन्वर्टेबल होती हैं जीरो टू जीरो बाई जीरो इफिनिटी बाई इन्फिनिटी तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी अच्छे से आई होप सबको यहां तक अच्छे से समझ में आ गया जिसमें सबसे ज्यादा वेटेज वन की पार इन्फिनि या जीरो बाई जीरो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तीन फॉर्म्स की होती है बाकी सारी कन्वर्टेबल होती है तो आई थिंक और ये सवाल सबसे ज्यादा जो जई एडवांस में जेई मेन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं वो भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बता दिया है ठीक है अब हमारा एक पार्ट बचा है डेट इज सैंडविच थ्योरम तो जो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं ठीक तो तो है तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं सैंडविच थ्योरम तो अब करते हैं सैंडविच थ्योरम के बारे में तो लेट्स स्टार्ट दिस थ्योरम। तो इस थ्योरम uh, के अंदर क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए ये होता है कि अगर कोई फंक्शन है जो दो फंक्शंस के बीच में लाए करता है सैंडविच्ड है Uh, तो अगर आपको बीच वाले फंक्शन की लिमिट निकालनी है किसी पॉइंट पर और अगर दो फंक्शन जो उसके आजू बाजू में अगर उनकी सेम वैल्यू टेंड कर रही है तो बीच वाला uh, की जो लिमिट होगी वो भी उसी वैल्यू को ही टेंड करेगी डेट इज एक्चुअली सैंडविच थ्योरम तो जैसे आप देख सकते हो एफ एक्स इज लेस देन जी एक्स इज लेस देन एच एक्स तो जीएक्स एक ऐसा फंक्शन है जो एफ एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच है तो अगर आपको जीएक्स की लिमिट निकालनी है लेट्स एक्सटेंडिंग टू ए पर और आपने एफ एक्स की लिमिट निकाली वो भी एल आ गई और एच एक्स की लिमिट आई वो भी एल आ गई तो डेट मीन्स जो बीच वाला फंक्शन होगा जी एक्स उसकी भी लिमिट जो आएगी वो एल ही आएगी ठीक है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है कि अगर आपका फंक्शन function, दो फंक्शंस के बीच में लाया करता है और दोनों फंक्शंस जो आपके नेबरहुड वाले फंक्शंस हैं उन दोनों की वैल्यूज पॉइंट पर सेम लिमिट को टेंड कर रही है सेम वैल्यू को टेंड कर रही है तो डेफिनेटली जो बीच वाला फंक्शन है उसकी भी सेम वैल्यू को ही टेंड करेगी दैट इज नोन एज सैंडविच थ्योरम ठीक है तो इसकी एप्लीकेशन देखते हैं कि इसकी एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड है और किस तरह के क्वेश्चंस आपके मेन में आपको देखने को मिलते हैं तो एक क्वेश्चन आपको जो मिलता है वो है ग्रेटेस्ट इंडिजर का सॉल्व नहीं, नहीं होने वाला आपको यहां पर लगाना पड़ेगा कि जी आई एफ जो होता है वो एक्स माइनस वन से एक्स के बीच में लाई करता है ऐसी जो टू एक्स का जो जी आई एफ होता है वो टू एक्स माइनस वन से टू एक्स के बीच में लाया करता है और सिमिलरली एनएक्स का जो जी आई एफ होता है वो एनएक्स माइनस वन से एनएक्स के बीच में लाई करता है तो बेसिकली आपका जो न्यूमरेटर वाला फंक्शन है हमें ये पता चल जाएगा उससे बड़ा और उससे छोटा फंक्शन कौन सा है तो अगर उसकी लिमिट आजू बाजू वाले फंक्शन की सेम आ रही होंगी तो भाई सैंडविच और बीच वाले की भी वही लिमिट आ रही होगी तो जब भी जी आई एफ का समेशन वाला सवाल आता है तो आपको हमेशा ऐसे ही सॉल्व करना है तो ये जो आपका ये तो न्यूमरेटर हो गया ये सीरीज हो गई एक्स माइनस वन टू एक्स माइनस वन को जब ऐड करोगे तो ये सारे x वाले ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स इंटू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू और माइनस एन और इधर हो जाएगा जब इस पूरी सीरीज को आप एन स्क्वायर से डिवाइड करोगे और दोनों तरफ लिमिट निकालोगे दोनों तरफ की लिमिट अगर दोनों तरफ की लिमिट सेम आ गई तो समझ जाओ बीच वाली लिमिट भी सेम आएगी यानी बिल्कुल वही आएगी यूजिंग सैंडविच थ्योरम तो यहां से आपका एन और एन तो कैंसिल हो गया और आपका लिमिट आ रहा है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स तो बाहर ही हो गया क्योंकि लिमिट तो एन पे लगी हुई है और एन प्लस वन बाई टू एन तो ऊपर भी लीनियर एक्सप्रेशन है नीचे भी लीनियर एक्सप्रेशन है और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में आपका जो आंसर होता है वो हाइएस्ट डिग्री के कोफिशंट का रेशियो होता है तो इसका आंसर वन बाई हो जाएगा तो आंसर हो गया एक्स बाई तो इसकी जो लिमिट आएगी वो एक्स बाई आ जाएगी सिमिलरली यहाँ से भी आपका एन जो है वो कैंसिल होगा और ये आ जाएगा एक्स इन टू एन प्लस वन बाई टू माइनस वन अपॉन एन तो इसके अंदर भी जब आप सॉल्व करोगे इन्फिनिटी बाय इंफिनिटी लगाओगे तो इसका आंसर भी बच्चों x बाय टू ही आएगा दैट मीन्स अगर इधर वाले फंक्शन का x बाई टू आ रहा है इधर वाले का अगर x बाई टू आ रहा है तो बाई सैंडविच और बीच वाले का आंसर भी x बाई टू ही आएगा तो ये एक एक कैटेगरी का सवाल होता है जिसके अंदर ग्रेटेस्ट इंटीजर का सम होता है और ग्रेटेस्ट इंटीजर के सम में हम लोग क्या करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर की रेंज लिखते हैं एक्स माइनस वन से एक्स तक और दोनों तरफ के फंक्शंस को ऐड करेंगे ऑब्वियसली दोनों तरफ की लिमिट्स निकालेंगे और सेम आती है तो बीच वाले की लिमिट भी x बाई टू ही आ जाएगी ठीक है अब एक और टाइप का सवाल सैंडविच थ्योरम में पूछा जाता है, वो है सीरीज का तो सैंडविच तो तो थ्योरम में जो नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम होता है वो टाइप का प्रॉब्लम होता है जिसके अंदर लिमिट एन इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है और एक सीरीज चल रही है अब इसमें जो सबसे कंफ्यूजन होता है वो होता है लिमिट एज ए सम से क्योंकि सबसे पहले जब भी ऐसा कोई सीरीज वाला सवाल आता है लिमिट एन इन्फिनिटी को टेंड करती है तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि यार इसमें जो क्वेश्चन है वो लिमिट एज ए सम का हो सकता है तो लिमिट एज ए सम का कॉन्सेप्ट लगा के देखते हैं जनरल टर्म लिखते हैं तो वो कन्वर्ट होना चाहिए आपका वन बाई एन सिग्मा एफ ऑफ आर बाई एन के फॉर्म में कन्वर्ट होना चाहिए तो अगर मैं इसकी जनरल टर्म लिखूं इस वाले क्वेश्चन में तो आप देख सकते हो कि ऊपर आपका वन टू थ्री चल रहा है यानी ऊपर आर आ जाएगा नीचे वन टू थ्री वो भी आर हो जाएगा और प्लस एन स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो आर वन से लेके एन तक है तो अगर मैं इसे आर बाई एन में कन्वर्ट करता हूं बच्चों अगर मैं एन से डिवाइड करता हूं तो आर बाई एन हो जाएगा ये भी आर बाई एन होगा ठीक है लेकिन ये एन रह जाएगा सो देर इज नो पॉइंट कि ये वाला फंक्शन इसमें कन्वर्ट हो जाएगा दिस इज नॉट कन्वर्टेबल टू लिमिट एज ए सम क्योंकि लिमिट एज ए सम में वन बाई एन बाहर होना चाहिए और अंदर पूरा फंक्शन सिग्मा के अंदर एफ ऑफ फंक्शन ऑफ आर बाई एन होना चाहिए तो ये आर बाई एन आ रहा है लेकिन एक एन भी आ रहा है अगर आप एन बाहर भी निकालते तो फिर आर बाई एन स्क्वायर हो जाएगा तो देट मीन दिस इज नॉट ए क्वेश्चन ऑफ लिमिट एज ए सम तो अगर ये लिमिट एज ए सम का सवाल नहीं है तो इसका मतलब ये फिर सैंडविच थ्योरम का सवाल है और सैंडविच थ्योरम में क्या करना होगा हमें ऐसे दो फंक्शन ढूंढने होंगे जो इस सीरीज से छोटे होंगे और बड़े होंगे मतलब जिसके बीच में सीरीज लाए करेगी सैंडविच होगी तो वन अपॉन तो मैं इसको अगले पेज पर करके बताता हूं तो ये वाली जो सीरीज है आपकी वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर टू अपॉन टू प्लस एन स्क्वायर अप टू एन अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन तो हमें ढूंढना है कि ये सीरीज किससे छोटी होने वाली है और किससे बड़ी होने वाली है तो यहां पे आपको एक काम करना है यहां पे आपको ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है जो डिनोमिनेटर है वो सबसे छोटा और सबसे बड़ा डिनोमिनेटर कहां पे है तो आप देख सकते हो ये सबसे छोटा डिनोमिनेटर है तो अगर ये सबसे छोटा डिनोमिनेटर है डेट तो मीन इसका रेसिप्रोकल सबसे बड़ा होगा तो ये सबसे बड़ी टर्म हो जाएगी डेट इज द बिगेस्ट टर्म तो फंक्शन जो होगा इससे हमेशा देखना छोटा आएगा देखो वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर फिर टू अपॉन ये भी होगा देखो वन प्लस एन स्क्वायर और करते करते लास्ट में एन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर तो मैंने क्या किया मैंने सबको वन प्लस एन स्क्वायर रख दिया क्योंकि वन प्लस एन स्क्वायर जो था वो सबसे छोटा डिनोमिनेटर था तो उसका रेसिप्रोकल सबसे बड़ा हो जाएगा तो सबसे बड़ी टर्म्स मैंने रख दी टर्म्सन फिर टू अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर इज लेस देन वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वायर हमेशा होगा ऐसा क्योंकि डिनोमिनेटर जो होगा जितना छोटा होगा एक्सप्रेशन उतना ही बड़ा होगा तो ये हो गया सिमिलरली आप इसको देखो ये डिनोमिनेटर जो है वो सबसे ज्यादा बड़ा है एन स्क्वायर प्लस एन हो रहा है तो इसका रेसिप्रोकल हमेशा सबसे छोटा होगा तो ये स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर होगा तो अपॉन 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 स्क्वायर 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 प्लस 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 और करते करते n n n से ये सीरीज हमेशा छोटी हो जाएगी सो डेट मीन आपको यहां पे ये ध्यान देना है कि आपको एक सीरीज जो दे रखी है अगर आपको ऐसा ढूंढना है कि एक फंक्शन उससे बड़ा है और एक फंक्शन उससे छोटा है तो आपको डिनोमिनेटर्स देखने पड़ेंगे कि डिनोमिनेटर जो है सबसे छोटा और बड़ा कहां पर है तो डिनोमिनेटर जहां पे सबसे छोटा होगा टर्म सबसे बड़ी होगी तो इसका मतलब उस डिनोमिनेटर को ही आपको हमेशा रखना है नीचे सेम डिनोमिनेटर रखना है ऊपर वाले चाहे सेम रहने कोई दिक्कत नहीं है सिमिलरली यहां पे भी जो डिनोमिनेटर दे रखा है N N, वो सबसे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है है यानी पूरा टर्म सबसे बड़ी टर्म है पे, बड़ी टर्म बड़ी बड़ी यहां हो जाएगी तो हम एन स्क्र प्लस एन से सारी टर्म्स को रिप्लेस कर देंगे तो डेफिनेटली आपकी जो सीरीज होगी वो इस सीरीज से तो बड़ी होगी ही हो होगी क्योंकि डिनोमिनेटर सबसे बड़ा है तो वैल्यू छोटी ही होगी ऑब्वियसली तो ये लॉजिक लगाना होता है आपको इस तरह की सीरीज में तो अब दोनों तरफ की लिमिट निकालेंगे जो लिमिट्स आएगी वो वही बीच वाले की लिमिट होगी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थ्योरम तो यहां पे ये यह हो जाएगा आपका वन अपॉन एन इंटू एन प्लस वन बाहर आ गया और ये हो जाएगा से लेकर n तक का सम होता है n n तो आपकी अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो कॉन्स्टेंट वन बाई टू ही आ गई अगर मैं इस वाले लिमिट की बात करता हूं जो आपका आर एच एल वाला ये वाला जो फंक्शन है अगर मैं इसकी बात करूं तो वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस वन आ गया और ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन बाई टू डेट मीन एन स्क्वायर प्लस एन ओवर टू एन स्क्वायर प्लस टू और जब लिमिट एन इन्फिनिटी को टेंड करती है तो हाइएस्ट पार जो होती है एन स्क्वायर है उसके कोफिशियंट का रेशियो ही आंसर होता है तो इसका आंसर भी हो जाएगा वन बाई टू सो दीन्स वन बाई टू एंड वन बाय टू आर द लिमिट्स ऑफ बोथ द एक्सप्रेशन तो दैट मीन बीच वाले का भी अकॉर्डिंग टू सैंडविच थोरम आंसर वन बाय टू ही हो जाएगा तो कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपको नीचे वाले डिनोमिनेटर को सेम बनाना है बस ये देखना है कि कौन सी टर्म बड़ी है कौन सी छोटी है तो डिनोमिनेटर अगर यहां पे आपका सबसे बड़ा आ रहा है तो पूरी टर्म छोटी हो जाएगी इसलिए हम लोग सबके डिनोमिनेटर में एन स्क्र प्लस एन डाल दिया तो वो सीरीज जो होगी उस सीरीज से बड़ी होगी और अगर एन स्क्वायर प्लस वन डालोगे डिनोमिनेटर जितना आप छोटा रखोगे उतनी वैल्यू बड़ी होगी तो वो सीरीज उससे छोटी हो जाएगी तो डेट तो मीन्स जब दोनों तरफ की लिमिट निकालोगे तो करेक्ट आंसर जो आपका आएगा वो वन बाई टू आएगा सो ट दिस इज ऑल अबाउट लिमिट्स तो आई होप सभी बच्चों को अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी जो भी मैंने शुरू से लिमिट्स की डेफिनेशन बताई क्यों इन लिमिट्स का इन्वेंशन हुआ और उसके बाद एलएचएल आर एच एल का क्या कॉन्सेप्ट है ग्रेटेस्ट इंडिजर्व फ्रैक्शनल पार्ट और मॉडर्न में हमेशा आर एच एल चेक करते हैं Uh, उसके बाद हमने एलजेबरा ऑफ लिमिट्स पढ़ा कि फॉर्म कैसे चेक करते हैं देन जीरो बाय जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स उसको सॉल्व करना देखा रेशनाइजेशन फैक्टराइजेशन सब्सटीट्यूशन ठीक है और आ, आपका एलोपिटल रूल सीरीज ये सारी चीजें हमने देखी उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए और यह भी देखा कि आप पहले स्टैंडर्ड लिमिट्स लगाकर क्वेश्चन को सिंपलीफाई कर सकते हो फिर एलोपिटल या सीरीज लगा सकते हो या शुरुआत में एलोपिटल लगा लिया फिर आप बीच में कोई फॉर्मुला लगा के उसे सॉल्व कर सकते हो और सबसे इंपॉर्टेंट जो सवाल होते हैं वो होते हैं फाइनाइट लिमिट वाले नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट्स वाले कि नॉन जीरो फाइनाइट लिमिट चाहिए तो ऊपर और नीचे की मिनिमम डिग्री सेम होनी चाहिए और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में मैक्सिमम डिग्री सेम होनी चाहिए उसके अलावा जो बाकी फॉर्म्स हैं जीरो बाई जीरो और इन्फिटी बाई इन्फिनिटी के अलावा वन की बा इन्फिनिटी का फॉर्म हमने देखा कैसे सॉल्व करते हैं एंड द रिमेनिंग फॉर्म्स आर कन्वर्टेबल टू जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कॉन्सेप्ट वही लगेगा बस वो कन्वर्टेबल होंगी तो सारे क्वेश्चन हमने सोल्व किए सैंडविच सरोम हमने सोल्व किया जी आई एफ के क्वेश्चन हमने सोल्व किए तो आई होप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि लिमिट्स के सवाल कैसे करते हैं स्पेशली वो जिसमें आपको लिमिट दे रखी होती है और आपको अल्फा, बीटा या एम एन उन सबकी वैल्यूज निकालनी होती है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं तो अब आप इसके प्रीवियस ईयर्स और भी कर सकते हो आज इस बार तो मैंने आपको प्रीवियस ईयर जेई में एडवांस दोनों के करवाए हैं ठीक है और सैंडविच होरम भी देखिए हमने तो आप इसके प्रीवियस ईयर और भी सॉल्व uh, कर सकते हो बच्चों ओके सो दिस इज ऑल अबाउट लिमिट्स सो फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल आकाश बाय जूस जय ऐसे सेशंस के साथ हम लोग आगे और मिलते रहेंगे कोई भी डाउट्स डाउट आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो ठीक है मेरा टेलीग्राम चैनल जो है स्टडी विद अंशुल सर वो आप ज्वाइन कर सकते हो टू गेट ऑल द अपडेट टाइम टेबल वगैरह अगर आपको चाहिए तो ठीक है सो थैंक यू सो मच बचो थैंक यू